हेलो एवरीवन वेलकम टू अन अकेडमी अन अकेडमी के इस थ्योरी क्लास में आप सभी का स्वागत है जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को इवन कहूँ तो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स को जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा जो सबसे पहला टॉपिक होगा आज का वो होगा बिहार ग्लांस अर्थात बिहार एक नजर में दूसरा जो हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक होगा वो होगा बिहार का इतिहास जिसमें हम लोग क्रम से प्राचीन बिहार का इतिहास मध्यकालीन बिहार का इतिहास और आधुनिक बिहार के इतिहास को समझने का प्रयास करेंगे उसके बाद इस क्रम में आएगा बिहार का बजट जिसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे मीन्स इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव से हम लोग बिहार के बजट को देखेंगे उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में बिहार की जो पॉपुलेशन है पॉपुलेशन से संबंधित जो भी फैक्ट है उसको समझने का प्रयास करेंगे सबसे अंतिम में और फिर इस सेशन को हम लोग समाप्त करेंगे मेरा यह मानना है कि यह सेशन अराउंड छः सात घंटे चलना चाहिए ज़्यादा भी लग सकता है यह डिपेंड करेगा कि मैं किस तरीके से आप लोगों को समझा रहा हूँ कितना टाइम ले रहा हूँ यहाँ पर मैं इसमें कोई कमेंट नहीं देख रहा कोई कमेंट ले भी नहीं रहा तो यहाँ पर जो भी डाउट आपका होगा वो जब वीडियो का स्ट्रीमिंग बंद हो जाए उसके बाद आप लोग कमेंट सेक्शन में जो भी डाउट है उस कमेंट को आप लोग वहाँ पर लिख दीजिएगा पी जो भी है इसको पी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा यह पी आप देख सकते हैं इससे रिवाइज कर सकते हैं हालांकि पी केवल सांकेतिक है मतलब इस नहीं वो नहीं है कि इसमें सब सब बातें लिखी हुई है तो यह पी केवल सांकेतिक तौर पर है तो जितना अच्छा होगा कि आप लोग इस सेशन को छ सात घंटे में देख लीजिए वो ज्यादा आप लोगों के लिए फायदेमंद होगा परीक्षा में कुछ दिनों का समय बचा है तो उस परीक्षा परस्पेक्टिव से ये काफी अच्छा सेशन होना है और काफी इम्पोर्टेंट होगा आप लोगों के लिए क्योंकि एक साथ इतने सारे टॉपिक्स आपको इकट्ठे कहीं मिलते नहीं हैं आने वाले दिनों में एक से दो दिनों के बाद बिहार की ज्योग्राफी बिहार की पॉलिटी बिहार का आर्ट एंड कल्चर बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व बिहार में शिक्षा एवं स्वास्थ्य ये टॉपिक्स को हम लोग एक दिन कवर कर लेंगे आज एक दिन दोनों को क्लब कर दूंगा आप लोगों के लिए एक ही वीडियो में बिहार स्पेशल मोर देन सफिसियंट मोर देन हो जाएगा तो यह बात का आप लोग ध्यान रखेंगे सबसे पहले नजर डालते हैं बिहार के इस मैप पर आप देख रहे हैं कि बिहार का जो उत्तरी दक्षिणी छोर है यह इस पे सबसे पहले देखते हैं तो सबसे पहले देखिए तो ये जो उत्तरी छोर है इसमें बिहार में आप देखेंगे तो नेपाल से इसका बाउंड्री लगता है बिहार का दक्षिण में देखेंगे तो झारखंड से इसकी बाउंड्री लगती है झारखंड बिहार से पंद्रह नवंबर सन दो हजार को अलग हो गया इसके बाद आप देखेंगे तो पूर्वी छोर पर पश्चिम बंगाल से यह लगता है और पश्चिमी छोर पर यह उत्तर प्रदेश से लगता है तो यह चार जो है विभिन्न राज्य हैं इवन एक तो देश ही है जिससे बिहार की सीमा लगती है आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अगर आपसे ये स्टेटमेंट बना दे एग्जाम में कि बिहार की सीमा एक अंतरराष्ट्रीय देशों से और चार चार भारतीय सॉरी तीन भारतीय राज्यों से लगती है तो आप उस स्टेटमेंट को बिल्कुल सत्य मानेंगे क्योंकि एक अंतर्राष्ट्रीय देश नेपाल से और यहां पर आप देखेंगे तो वेस्ट बंगाल झारखंड और उत्तर प्रदेश जो कि भारतीय राज्य हैं यहां देखिएगा तो देखिए ईस्टर्न मोस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है बिहार का वो कौन सा है वह है किशनगंज यानी बिहार का सबसे पूर्वी छोर कौन सा है सबसे पूर्वी छोर है किशनगंज और वह बंगाल के साथ सीमा उसकी लगती है इसके बाद देखेंगे तो बिहार का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है वह है गया का होपफुली आपको यह गया दिख रहा होगा तो देखिए यह गया का इलाका है यहां से बिहार का सबसे दक्षिणी इलाका लगता है ये सबसे दक्षिणी बिंदु है बिहार का कहेंगे तो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट की अगर बात करें सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करें या पश्चिमी जिला की बात करें बिहार का तो वो कैमूर है और सबसे उत्तरी जिले की बात करें तो वो पश्चिमी चंपारण है तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट सदर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट और ईस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट इससे भी यहाँ पर आप देखेंगे तो इन सब से भी सवाल बन जाता है बिहार के बेसिक मैप से भी सवाल बन जाता है लगभग बीचों बीच से गंगा नदी यहाँ पर क्रॉस करती है बिहार के और उत्तर का जो गंगा नदी से उत्तर का जो इलाका होता है उसको हम लोग उत्तरी गंगा का मैदान कहते हैं और जो दक्षिण का इलाका होता है उसको हम लोग दक्षिणी गंगा का मैदान कहते हैं तो ये उत्तर गंगा का मैदान हो गया नॉर्थ साइड और ये सदर्न साइड मीन्स दक्षिण गंगा का मैदान हो गया अब हम लोग थोड़ा सा आगे देखते हैं इसमें तो देखिएगा तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है तो देखिए बिहार की जो स्थापना दिवस है वह कब है वह है बाईस मार्च को तो बाईस मार्च को बिहार की स्थापना दिवस मनाई जाती है और क्यों है बाईस मार्च का दिन क्यों चूज किया गया क्योंकि बाईस मार्च उन्नीस को बिहार प्रांत गठित करने संबंधी एक विधिवत घोषणा या अधिसूचना जारी की गई उस समय जब यह घोषणा और अधिघोष अधिसूचना जब जारी की गई है तो उस समय बिहार के साथ और कौन है बिहार के साथ है उड़ीसा ठीक है तो उस समय बिहार के साथ उड़ीसा है पहले बिहार उड़ीसा और बंगाल थे तो बिहार और उड़ीसा तो अलग हो गए बंगाल से तो वही बात यहां पर कह रहा है कि 22 मार्च 1912 को इससे संबंधित एक विधिवत अधिसूचना जारी कर दी गई और इस कारण से ही आप देखेंगे तो 22 मार्च को बिहार राज्य का स्थापना दिवस या फिर कहें तो बिहार दिवस मनाया जाता है तो यही रीजन है कि भाई हम लोग 22 मार्च को बिहार का स्थापना दिवस मनाते हैं देखिएगा तो 1912 के समय आपको पता है दिल्ली दरबार के बाद यह हुआ और उस समय जो गवर्नर जनरल हैं वो कौन है वो है लॉर्ड हार्डिंग तो लॉर्ड हार्डिंग उस समय के गवर्नर जनरल हैं यह नाम आपको याद रखना है क्योंकि यह भी परीक्षा में पूछ सकता है तो बंगाल बिहार और उड़ीसा संयुक्त प्रांत से बंगाल को अलग कर देने के पश्चात क्या हुआ तो बिहार सरकार का जो सेक्रेटेरिएट है जो सचिवालय है वह एक अप्रैल 1912 से अपना कार्य करना प्रारंभ कर दिया तो अगर आपसे पूछता है कि भाई वास्तविकता में कब हुई शुरुआत तो आप कहेंगे 1 अप्रैल 1912 से बिहार सरकार के सचिवालय या फिर सेक्रेटेरिएट ने भी एक अप्रैल 1912 से ही कार्य करना शुरू कर दिया था इसके बाद देखेंगे तो पता चलेगा कि एक अप्रैल 1936 को फाइनली क्या हुआ तो एक अप्रैल 1936 को स्टार्टिंग में आपको पता है बिहार और उड़ीसा साथ में थे लेकिन एक अप्रैल 1936 को बिहार और उड़ीसा दोनों को अलग कर दिया गया है इन दोनों को अलग कर दिया गया आप देखिएगा तो उड़ीसा के सरायकेला खरसावा जिले को मई 1948 में बिहार राज्य में सम्मिलित कर लिया गया है वर्तमान में यह कहां है वर्तमान में यह कहां पड़ता है झारखंड में तो इसको भी हम लोग थोड़ा सा एक बार मैप से देख लेते हैं देखिए ये है आपका ये वाला जो है ये आपका कौन सा मैप है ये आपका झारखंड का मैप है ठीक है और ये जो आपका मैप है ये आपका पश्चिम बंगाल का मैप है ठीक है तो देखिए तो झारखंड का जो ये वाला इलाका है वर्तमान में आप देखेंगे कौन सा सराई खेला करसाव खरसावा तो सरायकेला खारसवा वाला जो इलाका है यह पहले उड़ीसा में था जिसको बाद में बिहार में शामिल कर लिया गया और वर्तमान में यह कहां है यह झारखंड में है ठीक ये देखिए यहां से इसकी बॉर्डर भी लगती है उड़ीसा के साथ यह ध्यान देना है ठीक तो यह, यह एक इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोगों को याद रखना है तो यह जो मैंने आपको बताया कि पहले यह बिहार में नहीं था लेकिन बाद में इसको क्या किया गया बाद में इसको बिहार के अंतर्गत शामिल कर दिया गया अगली ओर चलते हैं तो देखिएगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर आपको दिखेगा कि एक नवंबर उन्नीस को बिहार के लगभग तीन हजार एक सौ छियासठ जो वर्ग मील भूमि पर क्या हुआ पश्चिम बंगाल को इसको हस्तांतरित कर देना पड़ा इसमें कौन कौन इलाका थे जिनको पश्चिम बंगाल को हमें देना पड़ा तो देखिएगा तो धनबाद के चास थाना को छोड़कर बोकारो के पास है धनबाद में चास थाना उसको छोड़कर संपूर्ण पुरुलिया जिला संपूर्ण पुरुलिया जिला आपको दिखेगा, संपूर्ण पुरुलिया जिला पुरुलिया जिला कौन सा है ये देखिए यहां पर पुरुलिया जिला है तो यह संपूर्ण पुरुलिया जिला किसको देना पड़ा है यह संपूर्ण पुरुलिया जिला हमें पश्चिम बंगाल को हस्तांतरित करना पड़ा है उसके बाद आप देखेंगे एक मिनट तो मानभूम के चास थाना की पूर्वी भाग तो मानभूम का जो चास थाना है उसका पूर्वी भाग भी हमको जो है वो बंगाल को ही देना पड़ा है तो चास थाना का पूर्वी भाग देखिए भाई मैप में आपको दिखेगा कि धनबाद कहाँ पर है तो धनबाद ये है और इसके पूर्वी भाग में जो जो मानभूम के धनबाद था धनबाद जिले के जो चास थाना है उसका जो पूर्वी भाग है उसे भी हमें पश्चिम बंगाल को देना पड़ा उसके बाद देखेंगे तो आपको दिखेगा कि किशनगंज का पूर्वी भाग भी हमें बंगाल को ही हस्तांतरित करना पड़ा तो आपको तो पता ही है कि किशनगंज बंगाल की सीमा पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है तो किशनगंज का जो पूर्वी इलाका है वह भी हमें क्या करना पड़ा वह भी हमें देना पड़ा तो देखिए यहां पर है किशनगंज और इसका जो पूर्वी वाला इलाका है वो भी हमें पश्चिम बंगाल को ही देना पड़ा इसके बाद है कि 15 नवंबर 2000 को दक्षिण बिहार की, मीन्स जो सदन बिहार है जो वर्तमान में क्या हो गया झारखंड हो गया तो दक्षिण बिहार की लगभग उन्यासी हजार सात सौ चौदह वर्ग किलोमीटर जिसको लगभग छियालीस प्रतिशत क्षेत्र माना जाता था उसको अलग करके झारखंड राज्य का निर्माण किया गया तो उसको अलग कर दिया गया और झारखंड राज्य का निर्माण कर दिया गया आप देखेंगे तो इस तरह से १५ नवंबर २००० से क्या है बिहार का वर्तमान स्वरूप कुछ ऐसा ही है कि भाई अब जो लगभग आप देखेंगे तो 79,714 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है छियालीस प्रतिशत का एरिया है वह झारखंड में चला गया और दो स्वतंत्र राज्यों का गठन हुआ अब हम लोग देख लेते हैं कि बिहार राज्य का वर्तमान स्वरूप कैसा है आफ्टर द डिवीजन और झारखंड से पृथक होने के पश्चात आप देखेंगे तो अवस्थिति आपको पता है कि भारत के उत्तर पूर्वी भाग के निम्न और मध्य गंगा के बेसिन में यह अवस्थित है ये तो आप देखते ही हैं कि जो भारत का मैप है उसमें जो बिहार का लोकेशन है एक स्थल रुद्ध राज्य भी है ये चारों तरफ से स्थल राज्यों से घिरा हुआ है और उत्तर पूर्वी भाग में है भौतिक स्थिति जिसको हम लोग कहते हैं अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार तो आप देखेंगे तो यह उत्तरी अक्षांश में है और पूर्वी देशांतर में है जिसमें इसकी भौतिक स्थिति कैसी है 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तथा अगर देखिएगा देशांतर की बात करते हैं तो देशांतर 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड से 88 डिग्री 17 मिनट और 40 सेकंड यह पूर्वी देशांतर तक विस्तृत है तो परीक्षा के दृष्टिकोण से यह काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भाई भौतिक स्थिति क्या थी जो आ, को क्या है बिहार की तो कम से कम अगर नहीं याद रख पाते हैं वैसे तो इसको पूरा याद रखना चाहिए आप लोगों को लेकिन फिर भी अगर आप नहीं याद रख सकते हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इसमें बात है वो यही है कि आप लोगों को कम से कम पहला वाला चौबीस से सताइस और तेरासी से लेकर अट्ठासी ये वाला तो याद रखना है क्योंकि ये वाला याद रख लीजिएगा तो शायद अगर बीपीएससी ने बहुत ज्यादा आपको पागल करने वाला सवाल नहीं बनाया है तो फिर आपका काम चल जाएगा देखा होगा तो उसमें आपको ज्यामितीय आकार किस प्रकार का दिखा है तो देखिए बिहार का जो आपने मैप देखा ये कुछ किस प्रकार का है भाई ये थोड़ा सा तो आपको लगेगा कि ऐसे ऐसे है इेगुलर शेप में है लेकिन यह किस प्रकार का है यह आयताकार प्रकार का है ठीक है समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है लगभग एक तो फीट या जिसको कहें तो 53 मीटर जिसको कहें तो 53 मीटर अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल कितना है क्षेत्रफल है चौरानवे हजार एक सौ तिरसठ वर्ग किलोमीटर या फिर 93.4 लाख हेक्टेयर ये जो है ये क्या है यह इसकी क्षेत्रफल है बिहार का क्षेत्रफल है जब झारखंड और बिहार एक थे तो आप सोच ही सकते हैं कि प्लस सेवेंटी नाइन थाउजेंड सेवन हंड्रेड फोर्टीन इसमें और कर दीजिए नाइन्टी फोर थाउजेंड वन हंड्रेड सिक्सटी थ्री में ये बिहार का है और यह झारखंड का है पहले जब दोनों कंबाइंड था तो इतना ही था सवाल आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि दोनों का कितना था और झारखंड कितने प्रतिशत से अलग हो गया तो छियालीस प्रतिशत लेकर अलग हो गया अब आप देखिएगा तो भारत के कुल क्षेत्रफल में आप देखेंगे तो बिहार का हिस्सा कितना है दो दशमलव दो दशमलव आठ तो बिहार का हिस्सा तो काफी छोटा है लेकिन यहां पर बहुत अधिक जनसंख्या यहां पर निवास करती है इसीलिए आप देखेंगे तो जनसंख्या घनत्व के मामले में बिहार जो है राज्यों के मामले में अगर आप देखेंगे तो प्रथम स्थान पर है हालांकि केंद्र शासित प्रदेश और राज्य दोनों को जब आप काउंट करेंगे तो यह छठे स्थान पर चला जाता है क्योंकि दिल्ली सबसे टॉप पे आ जाता है लेकिन वैसे यह प्रथम स्थान पर है क्षेत्रफल की दृष्टि से देखिएगा तो यह कितने नंबर रैंक पर आता है तेरहवें नंबर रैंक पर आता है और तेलंगाना राज्य के गठन के पश्चात या किस नंबर पर आ गया तेरहवें नंबर पर तेलंगाना राज्य के गठन के पश्चात ऐसा हुआ है कि यह तेरह तेरहवें नंबर पर आ गया है अगर बिहार में आप देखेंगे तो उत्तर से दक्षिण की अगर लंबाई देखते हैं तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है बिहार के मैप को अगर देखा जाए तो उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई देखिए तो आपको पता चलेगा कि इससे इत, इतना का कितना है भैया ये है 345 345 फोर्टी फाइव ये है उत्तर से दक्षिण की लंबाई और पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो है 483 वो है 483 ठीक है 483 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तो ऐसे भी अगर दिखाऊं मैप में तो ये कितना है ये है 483 ये है 345 फोर्टी फाइव इसके बाद देखिएगा तो ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है दो लाख बानवे हजार दो सौ संतावन दशमलव पांच एक वर्ग किलोमीटर तो ग्रामीण क्षेत्रफल काफी विस्तृत है बिहार का यह याद रखिएगा कि दो लाख बानवे हजार दो लाख बानवे हजार आपको दिखेगा और दो सौ संतावन दशमलव पांच वन चलिए सीमाओं की बात अगर मैं करूं तो अगर मान लेते हैं कि यह बिहार है बिहार का एक तरह से मैं सीमा का निर्धारण कर रहा हूं तो उत्तर में यह किससे मैच खाता है भैया उत्तर में यह नेपाल से खाता है दक्षिण में यह किससे खाता है भाई दक्षिण में यह झारखंड से खाता है यह आपने देखा कि दक्षिण बिहार का ही इलाका अलग हो गया था पंद्रह नवंबर दो को अगर मैं बात करूं तो पूर्व में यह किससे खाता है पूर्व में यह पश्चिम बंगाल से खाता है और पश्चिम में यह किससे खाता है पश्चिम में यह किससे खाता है तो पश्चिम में यह यूपी से अपनी सीमा जो है बिहार की यह टच होती है तो पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण यह है इन चारों की स्थिति बिहार की स्थिति अगर आप देखते हैं तो यही है अगर मैं राजकीय चिन्ह की बात करूं बिहार की तो राजकीय चिन्ह बिहार का क्या है यह है बोधे वृक्ष राजकीय भाषा बिहार की क्या है तो राजकीय भाषा बिहार की हिंदी है और द्वितीय राजकीय भाषा क्या है द्वितीय अगर राज्य की भाषा अगर कोई पूछ दे तो द्वितीय राज्य की भाषा क्या है द्वितीय राज्य की भाषा उर्दू है द्वितीय राज्य की भाषा उर्दू है तो तो ये तीनों को भी याद रखना है क्योंकि यह तीनों फैक्ट परीक्षा में पूछे जा सकते हैं अगर राजकीय पशु की बात करूं तो राजकीय पशु क्या है बैल है राजकीय पक्षी की बात करूं तो राजकीय पक्षी गोरैया है राजकीय वृक्ष की बात करूं तो राजकीय वृक्ष पीपल है और राजकीय पुष्प की बात करूं तो गेंदा का फूल है राजकीय मछली की अगर बात करूं तो वह मांगूर है ये सब कुछ फैक्ट हैं जो आपको बिहार जीके में वैसे भी याद रखना पड़ेगा जनसंख्या से सामान्य तौर पर सवाल पूछा जाता है तो जनसंख्या संबंधी अगर आंकड़ा देखना है तो इसमें आपको याद करना पड़ेगा कुछ इस प्रकार से दस चालीस निन्यानवे चार सौ बावन ठीक है दस चालीस निन्यानवे चार सौ बावन इस तरीके से आपको जनसंख्या याद रखना पड़ेगा क्योंकि जनसंख्या से सवाल पूछता है और इनडायरेक्टली बहुत बार जनसंख्या के माध्यम से सवाल सॉल्व भी हो जाता है जनसंख्या का कुल प्रतिशत देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत बिहार में है लगभग आठ दशमलव छ जीरो प्रतिशत क्षेत्रफल कितना है दो दशमलव आठ प्रतिशत लेकिन जनसंख्या की अगर बात कर रहे हैं तो आठ दशमलव छह जीरो प्रतिशत बिहार का है अगर भारत में अगर बिहार का देखेंगे तो बिहार की जनसंख्या कितना प्रतिशत ली हुई है एट पॉइंट सिक्स जीरो परसेंट और क्षेत्रफल ली हुई है टू पॉइंट एट सिक्स परसेंट जनसंख्या के आधार पर बिहार का देश में कौन सा नंबर स्थान है भाई तीसरा स्थान है जनसंख्या में हम लोग पढ़ेंगे कि फर्स्ट नंबर में कौन है आज पढ़ना है वैसे भी तो हम लोग उस समय पढ़ेंगे कि भाई फर्स्ट नंबर पे कौन है सेकंड नंबर पे कौन है लेकिन अभी फिलहाल आपको याद रखना है कि तीसरे स्थान पर बिहार है उसके बाद अगर पुरुष जनसंख्या की बात करें तो वो भी आपको याद रखना है कि पाँच करोड़ बयालीस लाख अठहत्तर हजार एक सौ ये भी आपको याद रखना है क्योंकि महिला ये टोटल जनसंख्या ये है और पुरुषों की जनसंख्या ये है तो पांच करोड़ बयालीस लाख अठहत्तर हजार एक सौ तो संतावन कम से कम शुरुआत के तीन डिजिट को आप लोगों को याद रखना चाहिए उससे भी काम बन जाएगा लेकिन पहला वाला तो याद रख लीजिए दस चालीस पांच सौ चार दस चालीस निन्यानवे और चार सौ बावन इस प्रकार से याद रखिए महिला की अगर बात करें तो भाई पुरुष की संख्या अगर आपको याद है और कुल जनसंख्या अगर याद है तो भी महिला की याद हो जाएगी और अगर पुरुष और महिला की याद है तो कुल जनसंख्या याद हो जाएगी तो चार करोड़ अंठानवे लाख इक्कीस हजार दो सौ पंचानवे ये महिलाओं की जनसंख्या है अगर शिशु की बात करेंगे तो शिशु का भी आप याद रख सकते हैं हालांकि ये तीनों में शिशु जो है उतना नहीं है उतना नहीं लेकिन फिर भी अगर आप चाहेंगे तो शिशु का भी याद रख सकते हैं कि एक करोड़ इक्यानवे लाख तैतीस हजार नौ सौ चौसठ जो कि सत्रह दशमलव छह प्रतिशत है कुल जनसंख्या का अगर बात करें कि नगरों में कितनी जनसंख्या रहती है और गाँव में कितनी रहती है तो आप देखेंगे तो लगभग कुल जनसंख्या का यहां पर देखिएगा तो लगभग इन जनसंख्या का 88.7% या फिर आप कहें तो 89% लगभग आप देखिएगा तो ग्रामीण जनसंख्या है मींस ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है लेकिन वही अगर आप देखते हैं शहरी जनसंख्या तो वो कितना है 11.3% या 88.7% ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है और 11.3% शहरी क्षेत्रों में बिहार की जनसंख्या निवास करती है तो ग्रामीण जो जनसंख्या है वह काफी मतलब टाइम्स के ज़्यादा है। दशकीय वृद्धि दर की अगर मैं बात करूं तो 2001 से 2011 में जो दशकीय वृद्धि दर हुई है वह लगभग कितना है वह है पच्चीस दशमलव चार प्रतिशत तो 2001 से 2011 में कितनी प्रतिशत जनसंख्या की वृद्धि अगर हुई है तो यह कितना है 25.4 प्रतिशत सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है भाई यह मधेपुरा है इकतीस उसके बाद न्यूनतम दशकीय मतलब 10 साल में न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला जो जिला है वह कौन सा है वह है गोपालगंज अगर मैं मैप में इसको दिखाऊं तो आपको दिखाऊंगा कि एक है मधेपुरा और एक है गोपालगंज क्लियर है चलिए तो मधेपुरा और गोपालगंज इस प्रकार जो है आप लोगों को याद रखना है ठीक तो सबसे अधिक वाला कौन है भाई सबसे अधिक वाला है मधेपुरा कहा गया और सबसे निम्न वाला है गोपालगंज ये दोनों नामों को आपको याद रखना है मधेपुरा की तो सीमा नहीं लगती है किसी अन्य राज्य से लेकिन गोपालगंज उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा कर रहा है चलिए लिंगानुपात की अगर मैं बात करूं तो सेक्स रेशियो क्या है मतलब महिलाओं की अगर एक हजार पुरुष हैं तो उसमें महिलाओं की संख्या कितनी है तो वह कितनी है 918 महिलाएं हैं अगर 1000 पुरुष है और सबसे सर्वाधिक लिंगानुपात किसमें है भाई वह गोपालगंज में है जिसको मैंने अभी आपको दिखाया और न्यूनतम लिंगानुपात किसमें है न्यूनतम लिंगानुपात मुंगेर जिले में है मुंगेर अंग का क्षेत्र था यह अब आप लोग पढ़ेंगे प्राचीन बिहार के इतिहास में यहाँ पर कितना है एक हजार महिलाओं में एक हजार पुरुषों में एक हजार इक्कीस महिलाएं हैं और इसमें एक हजार पुरुषों में आठ सौ तो ही महिलाएं हैं तो यह सबसे कम लिंगानुपात वाला है और यह सबसे गोपालगंज सबसे अधिक लिंगानुपात वाला है तो अगर आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि गोपालगंज में जो दशकीय वृद्धि दर है वो सबसे कम है सबसे पहले यह भी याद रखना है और साथ में सर्वाधिक लिंगानुपात यहाँ पर है एक हजार इक्कीस ये आपको याद रखना है वही अगर मुंगेर की बात करें तो मुंगेर में जो यहां आपको दिख रहा है मुंगेर का इलाका यहां पर जो है वो आपको लिंगानुपात सबसे कम है अगर बिहार के जिलों की बात करें तो चलिए अगर बात करूं जन घनत्व की मतलब जनसंख्या घनत्व कितना है एक किलोमीटर एरिया में कितने लोग निवास करते हैं तो जैसा आपको पता है भाई कि जब भारत के कुल क्षेत्रफल में दो दशमलव आठ ही प्रतिशत है और जनसंख्या में भाई एट दशमलव परसेंट लिया हुआ है तो आप उसी हिसाब से सोच सकते हैं कि भाई जनसंख्या घनत्व जो होगा प्रति किलोमीटर एरिया में जो लोग निवास करते होंगे वह बिहार में ज्यादा होंगे तो आप देख सकते हैं कि ग्यारह प्रति वर्ग किलोमीटर है यह काफी अत्यधिक है ग्यारह सौ प्रति वर्ग किलोमीटर ठीक है चलिए सर्वाधिक जनघनत्व वाला इलाका जिला कौन सा है तो सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है तिवहर और न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला कौन सा है न्यूनतम जनघनत्व वाला जिला है कैमूर वहीं अगर बात करें कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है जिसमें अंठावन लाख अड़तीस हजार चार सौ पैंसठ लोग निवास करते हैं तो इस हिसाब से आपको याद रखना है कि सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला न्यूनतम वाला जिला और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन है सर्वाधिक तो आपने देख लिया कि भाई पटना है न्यूनतम कौन सा है भैया शेखपुरा है ठीक है न्यूनतम सिख पूरा है और साक्षरता दर अगर देखी जाए तो बिहार में कितना है भाई इकसठ दशमलव दशमलव साक्षर हैं जिसमें से अगर महिलाओं की बात करूं और पुरुषों की बात करूं तो पुरुष हैं इकहत्तर परसेंट इकहत्तर दशमलव दो परसेंट और महिलाएं हैं फिफ्टी वन दशमलव फाइव परसेंट साक्षरता के दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो बिहार सबसे नीचे स्थान पर आता है पैंतीसवें स्थान पर आता है यहां पर देखिए ये है मेल और ये है फीमेल और कुल जो है वो ये है तो ये आप लोगों को याद रखना चाहिए क्योंकि इससे परीक्षा में सवाल पूछा जा सकता है क्लियर है सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है जहां पर लिटरेसी रेट सबसे अत्यधिक है वो कौन सा है वह रोहतास है 73.4 परसेंट न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है यह पूर्णिया है एक आप देखेंगे तो एक इस छोर में है बिहार के और एकदम एक उस छोर में है बिहार के तो मतलब ध्यान आपको ध्यान में रहेगा कि एकदम इधर है और एकदम उधर है ठीक है सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है वह भी रोहतास ही है तो आपको याद ऐसे रखना है कि सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला और सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दरवाला जिला दोनों कौन है दोनों रोहतासी है तो इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हैं कि दोनों रोहतासी है यहां पर है रोहतास ये देखिए ये वाला इलाका है रोहतास का और इधर जो है सबसे न्यूनतम वाला कौन है भाई पूर्णिया है सबसे न्यूनतम वाला पूर्णिया है चलिए न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला वो भी पूर्णिया है तो बहुत बढ़िया बात है इसको याद रखने में आप लोगों को आसानी होगी क्योंकि इससे सवाल पूछ देगा भाई तो देखिए अगर आप लोग एक टेबल बनाते हैं और टेबल टेबुलर फॉर्म में याद करेंगे तो बड़ा आसान होगा क्योंकि रोहतास में क्या है सर्वाधिक जो है वो साक्षरता दर वाला भी जिला है सर्वाधिक पुरुषों के साक्षरता दर वाला जिला भी है और महिलाओं की साक्षरता दर वाला जिला भी है तो तीनों में रोहतास है पूर्णिया में क्या है सर्वा जो न्यूनतम शिक्षा वाला जो साक्षरता दर वाला जिला है पुरुषों के मामले में भी न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला है लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है यह महिलाओं में नहीं है तो अगर आप टेबल में याद करेंगे तो टेबलर फॉर्म से आपको समझ में आ जाएगा कि भाई अगर ये रोहतास है और ये अगर मेल है और ये अगर फीमेल है तो दोनों में वन नंबर पे है लेकिन पूर्णिया इसमें तो वन पे है लेकिन मतलब नीचे से वन पे अगर कहूं तो निम्न में लेकिन इस पे वन नहीं है इसमें कौन वन पे आता है इसमें वन पे आता है सहरसा कौन आता है सहरसा इसमें वन पे आता है सहरसा तो ये ध्यान में रखना है क्लियर है ओवरऑल की बात करें तो इसमें तो ओवरऑल भाई रोहतास है ठीक है और इसमें ओवरऑल पूर्णिया है ओवरऑल में मतलब अगर केवल पूछे साक्षरता दर सबसे कम कहाँ है तो वो पूर्णिया हो जाएगा अगर मैं बात करूं, अनुसूचित जाति की तो अनुसूचित जाति में भी देखिए भैया इतना है कुल जनसंख्या का नौ प्रतिशत है जिसमें पुरुष और महिलाओं का क्रमशः दिया हुआ है ये ये वैल्यू इतना याद आप लोग को नहीं रख र, रख पाइएगा तो इतना को याद करने का सम जो है वो दुस्साहस भी मत करिए ठीक है 15.9 प्रतिशत है कुल अनुसूचित जाति मतलब एससी जो शेड्यूल कास्ट है वो इतना है सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला कौन सा है यह है भाई गया जो सदन मोस्ट जो पॉइंट है गया वह सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला इलाका है जहां पर 30.4 एससी जो है वो पॉपुलेशन है और न्यूनतम कौन है एक सदन वे पॉइंट है एकदम सदन मोस्ट और एक जो है वो पुरी मोस्ट पॉइंट है किशनगंज किशनगंज यहां पर न्यूनतम है और सेम अगर हम लोगों ने ये तो बात कर ली एस कैटेगरी की सेम अगर हम लोग एस कैटेगरी के, के बारे में बात करेंगे तो एस कैटेगरी लगभग जनसंख्या का एक दशमलव तीन प्रतिशत लिया हुआ है वहीं पर अगर हम देखते हैं तो एस जो है वो एक दशमलव तीन प्रतिशत है और एस जो है वो पंद्रह दशमलव नौ प्रतिशत है तो ज्यादा कौन है बिहार में भाई वो एस सी है ये बात ध्यान रखना है अगर एस सी एस टी में बात हो तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जैसे आपने देखा कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाले में गया है उसी तरीके से सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है वह है पश्चिमी चंपारण छह दशमलव चार प्रतिशत आबादी के साथ और शहरों की कुल संख्या यहाँ पर कितनी है अगर बात करेंगे तो शहरों की कुल संख्या है 199। सर्वाधिक नगरीकरण कहां पर है अर्बनाइजेशन की अगर बात करें तो सर्वाधिक अर्बनाइजेशन कहाँ है तो वह है पटना में 43.1% दशमलव एक प्रतिशत के साथ सबसे ज्यादा नगरीकरण वाला जिला है बिहार का और न्यूनतम कौन है भाई न्यूनतम मेरा डिस्ट्रिक्ट है भाई समस्तीपुर और बांका बांका और समस्तीपुर एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले कितने नगर हैं भाई छब्बीस नगर हैं और महानगर कौन से हैं एक है पटना तो ये सब आप लोगों को एक फैक्ट के रूप में वैसे भी याद रखना है और फुली इतना दूर तक अभी तक आप लोगों को समझ में आया होगा चीज ठीक है और नहीं समझ में आएगा तो मैंने आप लोग को बता ही दिया है कि नहीं समझ में आने का एक उपाय है ठीक है चलिए और अगर हम जिला संबंधी कुछ फैक्ट्स को देखते हैं तो कुल जिलों की संख्या कितनी है भाई अड़तीस है कुल ज़िलों की संख्या अड़तीस है अगर हम लोग जिला संबंधी फैक्ट देखते हैं तो उसमें देखिएगा तो जिलों में आपको बहुत सारे जिले दिखेंगे जैसे भोजपुर बक्सर रोहतास कैमूर गया नालंदा अरवल जहानाबाद औरंगाबाद और इत्यादि और इधर गोपालगंज तो ये जिला आपको याद नहीं रखना है लेकिन हाँ ये फिर भी आपके काम आएगा आंसर राइटिंग वगैरह में सबसे बड़ा जिला कौन सा है पश्चिमी चंपारण उत्तरी मोस्ट जो बिंदु है नॉर्दर्न मोस्ट जो पॉइंट है बिहार का वह सबसे बड़ा जिला है और सबसे छोटा जिला कौन सा है वह है शिवहर तो मैप में देख लेते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भी सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा जिला कौन है सेम ही है पश्चिमी चंपारण और शिवहर तो इसको हम लोग एक बार मैप में देख लेते हैं भैया पश्चिमी चंपारण कहाँ है सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से और नॉर्मल भी तो देखिए यहाँ पर आपको पश्चिमी चंपारण दिख रहा है तो मैंने आपको बताया भी था कि ये सबसे जो है वो क्या है नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है और उसके बाद देखिए यहाँ पर ये जो है शिवहर जो है ये शिवहर क्या है यह शिवहर सबसे कम जो सबसे सबसे बड़ा है पश्चिमी चंपारण और सबसे छोटा शिवहर है ठीक है सबसे बड़े में आ जाएंगे तो वो पश्चिमी चंपारण और सबसे छोटे में शिवहर हो जाएगा ठीक है सबसे छोटे जिले में और क्षेत्रफल की दृष्टि से भी वही है प्रशासनिक परिचय अगर करते हैं तो राजधानी आपको पता है पटना है हाईकोर्ट पटना में ही है प्रमंडल जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन कहा जाता है वह बिहार में कितना है कुल नौ है एक पटना दूसरा मगध तीसरा सारण चौथा तिरहुत पांचवा दरभंगा छठा कोसी सातवा पूर्णिया आठवां मुंगेर और नौवा भागलपुर यह कभी भी पूछा जा सकता है यह तो पूछा ही जा सकता है लेकिन इसके साथ ये भी जो है यह कभी भी आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा के दृष्टिकोण से पटना प्रमंडल में कितने जिले हैं ये देख लीजिए छह जिले आते हैं पटना नालंदा बक्सर भोजपुर रोहतास और कैमूर ये छह जिले आते हैं अगर मैं बात करूं मगध प्रमंडल में तो पांच जिले हैं औरंगाबाद गया नवादा जहानाबाद और अरवल जहानाबाद से ही अरवल बनाया गया था बाद में उसको सारण प्रमंडल में कितने जिले हैं तीन है गोपालगंज सारण तथा सीवान तिरहुत प्रमंडल में तो एक देखिए एक पटना में और तिर, दूसरे तिरहुत में दोनों में छे छे ही है सीतामढ़ी शिवहर मुजफ्फरपुर वैशाली पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण दरभंगा प्रमंडल में तीन है मधुबनी दरभंगा और समस्तीपुर ये तीनों का नाम याद रखना है कोसी प्रमंडल में भी तीन है सहरसा सुपौल तथा मधेपुरा पूर्णिया प्रमंडल में चार है पूर्णिया अररिया किशनगंज तथा कटिहार और मुंगेर प्रमंडल में छह हैं मुंगेर जमुई लखीसराय शेखपुरा खगड़िया तथा बेगूसराय तो ये आपको जो है वो याद रखना है इसके अलावा भागलपुर प्रमंडल में कितने हैं भाई भागलपुर प्रमंडल में एक भागलपुर है और दूसरा बांका है दो है तो ज्यादा ज्यादा अगर बात करें तो एक तो सबसे कम वाला पूछ सकता है जो सवाल बनता है तो दो है भागलपुर और बांका और सबसे ज्यादा वाला कौन है भाई सबसे ज्यादा वाला एक तिरहुत है और एक पटना है एक तिरहुत और एक पटना चलिए कुल अनुमंडल की बात करूं जो सब डिविजन बनते हैं 101 है इसी में एस बनेंगे आप सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट तो यहां पर क्या है 101 है सामुदायिक खंड जिसको ब्लॉक बोलते हैं प्रखंड बोलते हैं वो कितना है पांच है और नगरों के समूह कितने हैं भाई चौदह हैं। इन चौदहों का नाम यहाँ पर दिया हुआ है इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा गांवों की संख्या हजार है। हजार पुलिस जिला कितना है भाई चालीस पुलिस सिविल पुलिस जिला है और चार रेलवे पुलिस जिला है 44 है कुल पुलिस स्टेशन कितना है आठ सौ तिरपन है आठ सौ तेरह सिविल पुलिस स्टेशन और चालीस रेलवे वाला पुलिस स्टेशन लोक सत्ता संबंधी यह बहुत इंपॉर्टेंट है यहां से इस फैक्ट से काफी सारे सवाल पूछे जाते हैं परीक्षा में इस फैक्ट से काफी सारे सवाल पूछे जाते हैं अगर देखिएगा तो लोकसभा में कितने सदस्य शामिल हैं भाई चालीस सदस्य लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट कितने हैं छ हैं एक गोपालगंज दूसरा हाजीपुर तीसरा समस्तीपुर चौथा जमुई पांचवा गया और छठा सासाराम तो लोक सत्ता संबंधी अगर हम लोग यह देखते हैं कि कितनी जो हैं लोक सत्ता है लोकसत्ता संबंधी सीटें हैं मीन्स लोकसभा में कितनी है राज्यसभा में कितनी है ये सबसे संबंधित सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं सामान्य तौर पर बहुत बार आप देखेंगे तो इनसे सवाल पूछते हैं कि भाई बिहार में लोकसभा की सीटें कितनी हैं तो लोकसभा की सीटें हैं कुल चालीस राज्यसभा के सदस्य के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो राज्यसभा के सदस्य सोलह है विधानमंडल कैसा है विधानमंडल यहाँ पर द्वि सदनात्मक है द्वि सदनात्मक कहने का मतलब है कि विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है तो ऐसा नहीं है कि केवल और केवल एक विधानसभा हो यहां पर विधानसभा के साथ साथ यहां पर विधान परिषद भी है यहां पर अगर मैं बात करूं तो विधानसभा के कुल सदस्य कितने हैं दो सौ तैतालीस सदस्य हैं विधानसभा के अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र कितना है भाई यह है अड़तीस जो अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित है कैटेगरी के, के लोगों के लिए अगर अनुसूचित जनजाति के लिए बात करें तो कितना है तो ये है दो एक है कटोरिया कटोरिया आई थिंक बांका में पड़ता है और दूसरा है मनिहारी मनिहारी आई थिंक कटिहार में पड़ता है तो यह दो इलाका है जहां पर अनुसूचित जनजाति या फिर एस कैटेगरी के, के लोगों के लिए जो आरक्षण है वो है विधान परिषद के सदस्य कितने हैं भाई पचहत्तर सदस्य हैं जो विधान परिषद में हैं जैसे विधानसभा में 243 हैं वैसे ही विधान परिषद में पचहत्तर सदस्य हैं जिला परिषद कुल कितना है भाई अड़तीस है पंचायत समिति पांच है ग्राम पंचायत कितना है ग्राम पंचायत आठ हजार चार सौ चौहत्तर है ग्राम पंचायत सदस्य कितने हैं एक लाख पंद्रह हजार आठ सौ छिहत्तर है ग्राम पंचायत सचिव कितने हैं तीन हजार सात सौ एक है ग्राम कचहरी सदस्य एक लाख पंद्रह हजार आठ सौ छिहत्तर है यह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है केवल ये वाला याद रख लीजिए ये बाकी जो है या बस चलो डेटा लिखना पड़ता है तो वो उसके ही लिए लिखा गया है इतना अगर मैं आपको बता भी दूं तो आपको याद नहीं रहेगा तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा अगर बात करें पंचायत समिति के सदस्यों की तो ग्यारह है उसके बाद जिला परिषद सदस्य ग्यारह न्याय मित्र आठ ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पूछ दिया तो मान लीजिएगा कि एक नंबर गया क्योंकि ये याद तो रहना नहीं है मैंने तो लिख दिया है भाई मेरा दायित्व तो है आपको बताना लेकिन ये याद नहीं रहेगा ग्राम कचहरी के सचिव भी आपको याद नहीं रहेंगे चौहत्तर चौहत्तर याद रख सकते हैं थोड़ा सा डिजिट आसान है प्रखंड पंचायती राज अधिकारी पांच सौ है पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण ये याद रखना है यह कितना है यह पचास प्रतिशत है तो पंचायती राज में महिलाओं के लिए अगर आरक्षण की बात करते हैं तो वह पचास प्रतिशत है इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है नगर निगमों की अगर संख्या बताएं तो वह कितनी है तीरह है जिसमें एक बार इस पे नजर डाल लीजिएगा कि भाई कौन कौन नगर निगम है, है नगर परिषदों की संख्या की अगर बात करें तो वो कितने हैं फोर्टी सिक्स है ग्राम नगर पंचायत कितने भैया एर है तो यह तीनों डेटा आपके लिए परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है सिंचित क्षेत्र की बात करते हैं तो लगभग राज्य का संतावन मोर देन फिफ्टी फिफ्टी परसेंट इलाका फिफ्टी सेवन अगर करेक्ट बोलू तो कृषि क्षेत्र ही सिंचित है कृषि क्षेत्र ही सिंचित है बिहार में उसके बाद जिसमें सबसे ज्यादा कुल सिंचाई में प्रतिशत भाग किसका किसका है तो देखेंगे नल कुपो तथा कुओं से सिक्सटी थ्री परसेंट नहरों से थर्टी परसेंट और तालाब और अन्य साधनों से सात परसेंट सेवन परसेंट ये याद रखना है ज्योग्राफी में भी इससे सवाल पूछ सकता है चलिए, चलिए, अब हम लोगों ने यहां तक में देख लिया भाई जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो हम लोगों ने समझ लिए बिहार को एक नजर में हम लोगों ने समझने का पूर्ण तौर पर प्रयास किया अब हम लोग क्या करेंगे अब हम लोग थोड़ा सा एंसियंट हिस्ट्री ऑफ बिहार को देखेंगे अब हम लोग एंसियंट हिस्ट्री ऑफ बिहार को देखेंगे और यहां से अगर कोई भी समस्या कोई भी डाउट आप लोग को होता है तो यहां से आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकेंगे चलिए चलिए एक बार मैप जो है हम लोग यहाँ डालते हैं जिससे चीजें थोड़ी सी समझने में आसान रहेगी भाई एक तो हम लोगों को बिहार का मैप डालना पड़ेगा क्योंकि महाजनपद भी पढ़ना है तो महाजनपदों का भी मैप डाल लें दोनों डाल लें तो बड़ा आसान हो जाएगा समझना फिर चलिए तो हम लोग अब प्राचीन बिहार के इतिहास से संबंधित जो बातें हैं उस पर हम लोग कुछ बातचीत करते हैं सबसे पहले तो ये जानने से पहले कुछ कुछ आवश्यक बातें हैं जो आपको जानना चाहिए सबसे पहली बात कि देखिए बिहार क्षेत्र के बारे में अगर कोई आपसे पूछता है कि बिहार क्षेत्र के बारे में बताओ कि आपको जानकारी कैसे मिलती है तो आप उसको क्या बताएंगे तो देखिए उसके लिए दो प्रकार के आपके पास साक्ष्य है जिसके आधार पर आप कह सकते हैं कि हमें बिहार क्षेत्र के बारे में जानकारी मिलती है जिसमें जो सबसे पहला साक्ष्य है आपके पास वह क्या है वह है लिखित साक्ष्य और दूसरा साक्ष्य है जो है आपके पास पुरातात्विक साक्ष्य तो एक साक्ष्य तो ये हो जाएगा अगर बिहार के साक्ष्यों के बारे में बात करें तो दो प्रकार के हैं एक है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जिसको आप पुरातात्विक साक्ष्य कहते हैं और दूसरा है और दूसरा है लिखित साक्ष्य लिखित साक्ष्य जिसको आप लिटरेरी एविडेंस कहते हैं दो प्रकार के हैं लिखित साक्ष्यों में जैसे आ जाएगा अस सपोज अगर प्राचीन बिहार के इतिहास की बात करेंगे तो उसमें आ जाएगा मान लीजिए अथर्ववेद सतपत ब्राह्मण पंचविश ब्राह्मण ऋग्वेद वेद की इंडिका अंगूतर निकाय बौद्ध ग्रंथ जैन ग्रंथ भगवती सूत्र ये सब इस कैटेगरी में आ जाएंगे इस कैटेगरी में कौन कौन आ जाएंगे इस कैटेगरी में जैसे जो भी पूरा पाषाण काल से जो हमें अवशेष मिले जो हमें मध्य पाषाण काल से अवशेष मिले बिहार के किन किन क्षेत्रों से जो हमें नव पाषाण काल के अवशेष मिले बिहार के किन किन क्षेत्रों से ये सब जो के में जो चंद्रगुप्त मौर्य का अस्सी पिलर वाला स्तंभ मिला ये सब जितनी चीजें हैं सिक्के मिले अगर कुछ तो वो पुरातात्विक साक्ष्यों में आ जाएंगे और ये लिखित साक्ष्य में आ जाएंगे आपके जो भी लिखे हुए साक्ष्य हैं इन दोनों में आपको बिहार क्षेत्र का वर्णन मिलेगा आपको पता ही होगा कि बिहार का नाम विहार था पहले क्योंकि यहां पर बौद्ध जो आ, विहार के बिहार के कारण ही बिहार जो क्षेत्र का नाम है बौद्ध विहारों की अधिकता के कारण ही इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ गया क्योंकि यहाँ पर बौद्ध विहार बहुत थे विहार मतलब है जहाँ पर बौद्ध जो भिक्षु होते थे जो ठहरने का जो जगह होता था आज भी आप लोग बहुत सारे इलाकों में देखते होंगे सरिता बिहार हरित बिहार वो बिहार ये बिहार वो सब जो है आजकल जो अपार्टमेंट्स बनते हैं उनको विहार ही नाम दे दिया जाता है तो इस प्रकार प्राचीन काल में क्या हुआ कि यहाँ पर बौद्ध विहारों की अधिकता थी जिसके कारण बिहार को जो है मतलब इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ गया बेसिकली और बाद में आप देखेंगे तो जो जब मिडेवल हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो फिर उसको बिहार यहाँ पर बोला जाने लगा तो ये दो प्रकार के साक्ष्य हैं जो आपको जानने चाहिए और इन दोनों प्रकार के साक्ष्य जो हैं अब आपको मैं पढ़ाऊंगा एक एक करके तो सबसे पहले हम लोग कुछ पुरातात्विक साक्ष्यों के बारे में देखेंगे पुरातात्विक साक्ष्यों की अगर मैं बात करूं तो आप ही लोग को कैरेक्टराइज करना होगा कि कौन पुरातात्विक साक्ष्य है और कौन लिखित साक्ष्य है मैं आप लोग को आगे में बताता रहूंगा कि ये लिखित साक्ष्य है तो आप लोग उसको इस कैटेगरी में मान लीजिएगा और जो साक्ष्य लिखित नहीं होंगे और जो पुरातात्विक होंगे आप उसको इन कैटेगरी में मान लीजिएगा अगर कोई कभी ऐसा सवाल पूछ दिया तो उसको आपको सॉल्व करने जो लिखने में बड़ी आसानी होगी अब देखिएगा तो सबसे पहले लोग ये देख लेते हैं कि भाई इतिहास के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसमें तीन प्रकार की बातें आती हैं है सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं बिहार प्राचीन बिहार प्राचीन के इतिहास तो एक पूरा पाषाण काल है एक मध्य पाषाण काल है स्टोनेज प्री स्टोनेज एक नवपाषाण काल है और एक ताम्र पाषाण काल है एक ताम्र पाषाण काल है तो देखिए इन चारों कालों के अवशेष जो हैं, वो बिहार के क्षेत्र से मिले हैं लगभग एक लाख ईसा पूर्व से लेकर लगभग चालीस हजार एक लाख ईसा पूर्व के पहले तक आपको पूरा पाषाण काल मिल जाएगा एक लाख ईसा पूर्व से लेकर लगभग चालीस हजार ईसा पूर्व तक आपको मध्य पाषाण काल मिल जाएगा तो पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल दोनों के साक्ष्य आपको बिहार के क्षेत्र में मिलते हैं जैसे आप देखेंगे तो गया के जेठियन वाला जो इलाका है यहां से आपको पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिल जाएंगे गया के जेठियन वाले इलाके से वहीं आप देखेंगे तो मध्य तो दिखेंग पाषाण युग के साक्ष्य आपको मुंगेर से मिल जाएंगे तो इन इन तरीके से फिर हम लोग इसको आगे सब समझने का प्रयास करते हैं तो पूरा पाषाण काल के युग के साक्ष की अगर मैं बात करूं तो ये गया के जिठियन से मिल जाएगा वर्तमान में जो हमारा हजारीबाग का इलाका है रजरप्पा का इलाका है वहां से भी पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं तो हजारीबाग वर्तमान में तो कहाँ आ गया भाई वर्तमान में तो ये झारखंड में आ गया वहां से भी मिले हैं उसके बाद सिंहभूम से भी मिले हैं गया के से मिले हैं, नालंदा से भी मिले हैं साक्ष तो जगहों से हमें पूरा पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं अगर मैं बात करूं मध्य पाषाण काल के साक्ष की तो मुंगेर से हमें मध्य पाषाण काल के साक्ष मिले हैं तो देखिए अगर मैं मैप में आपको दिखाऊं तो देखिए पूरा पाषाण काल के साक्ष्य आपको नालंदा में मिले हैं यहाँ पर मिल गया है गया के जेठियन में मिला है कुछ झारखंड वाला इलाका में मिला है जैसे हजारीबाग में मिला है सिंहभूम में मिला है इसके अलावा कहीं कहीं पर यह भी आपको देखने को मिलेगा कि पटना के भी कुछ कुछ क्षेत्रों में ये प्राप्त हुए हैं अगर मैं बात करूं मध्य पाषाण काल का तो मध्य पाषाण काल के साक्ष्य इसको अलग कलर से बताता हूं मध्य पाषाण काल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं मध्य पाषाण काल के साक्ष्य मुंगेर से मिले हैं अगर मैं बात करूं कि नौ पाषाण काल तो लगभग 2500 ईसा पूर्व वाले साक्ष्य कहाँ से मिले हैं तो नौ पाषाण काल के साक्ष्य आपको सारण से मिला है उसके बाद वैशाली से मिला है चिरांद है यहाँ पर चिरांद से मिला है चिरांद सारण डिस्ट्रिक्ट में है और वैशाली में कौन सा है भाई चेचर है तो वैशाली के चेचर से और चिरांद जो है वो सारण से यहाँ पर आपको नौ पाषाण काल के साक्ष्य मिल गए हैं तो इस हिसाब से आपको इस तरह से मैपिंग में भी याद रखना है वैसे अलग अलग और भी इलाका है जैसे आप देखेंगे तो रोहतास का इलाका है वहां से भी ये साक्ष्य मिले हैं गया के भी इलाके से मिले हैं लेकिन मेनली जो आपको याद रखना है वो चेच्चर और चिरांद याद रखिए नौपाषाण काल संस्कृति में सेम आपको ताम्र पाषाण काल में भी चेचर से भी साक्ष्य मिले हैं ताम्र पाषाण काल के ताम्र पाषाण काल का मतलब क्या है तांबे के साथ पत्थर का प्रयोग तो चेचर से भी मिले हैं चिराद से भी इसके साक्ष्य मिले हैं ताम्रपाषाण काल के अब देखिए तो आपको दिखेगा मैंने ये ऑलरेडी आपको बता दिया कि मुंगेर से मध्य पाषाण युग के साक्ष्य मिले हैं चिरांद और चेचर दोनों से नौ पाषाण युग के साक्ष्य मिले हैं चिरांद से और चेचर से अब देखिएगा तो प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी हमें कहां से मिलती है अथर्व वेद और पंचविश ब्राह्मण तो अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे ये तो पुरातात्विक स्रोत था लेकिन अब आ गया लिखित स्रोत तो लिखित स्रोत में भी अथर्ववेद और ब्राह्मण से हमें क्या मिला है हमें बिहार के इतिहास की जानकारी मिलती है अथर्ववेद की रचना का समय लगभग एक हजार से 800 सौ ईसा पूर्व माना जाता है उत्तर वैदिक काल के समय क्योंकि उत्तर वैदिक काल कब से कब तक है एक ईसा पूर्व से लेकर छह ईसा पूर्व तक और वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 हजार ईसा पूर्व तक तो अगर ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल दोनों काल को सोचेंगे तो लगभग 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 सौ ईसा पूर्व तक में पूरा आपका वैदिक काल है जिसमें ऋग वैदिक पंद्रह से एक और उत्तर वैदिक एक से छह तो ऐसा माना जाता है कि अथर्व वेद की रचना का समय उत्तर वैदिक काल ही है 1000 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 800 ईसा पूर्व में ब्राह्मण का जो समय काल है वह भी 800 सौ ईसा पूर्व से लेकर लगभग 600 सौ ईसा पूर्व माना जाता है तो दोनों में टाइम उत्तर वैदिक काल के समय ही और पंचविस ब्राह्मण से पता चलता है कि मगध में कौन रहते थे मगध में ब्रात्य रहते थे किंतु ऋग्वेद में उल्लेख है कि मगध के सबसे प्राचीन वासी क्या थे भाई क्षत्रिय थे तो आपसे अगर यह पूछे कि कहाँ पर आपको यह पता चलता है कि मगध के क्षेत्र में ब्रात्य रहते थे तो आप कहेंगे अथर्ववेद और पंचविश ब्राह्मण से अगर ये भी पूछ दे कि भाई किस क्षेत्र के लिए यह पता चलता है कि ब्रात्य शब्द का प्रयोग हुआ है तो आप कहेंगे मगध के क्षेत्र के लिए तो मगध के क्षेत्र के लिए ही आप देखिएगा तो ब्रात्य शब्द का प्रयोग किया गया है अथर्ववेद और पंचविश ब्राह्मण में इसके अलावा आप देखेंगे तो कनिंगम जो आपको पता है कि महान पुरातात्विक है कनिंगम तो कनिंगम ने ही क्या खोजा है बोध गया में में मंदिर खोजा है और पहाड़ी उत्खनन कर उसने किस गुफा का पता लगाया भाई इंद्रशिला गुफा का पता लगाया जिसका वर्णन हर्षवर्धन के आने के काल वाला व्यक्ति हेन और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल वाला व्यक्ति फाहियान ने भी किया है तो कनिंगम ने बोधगया में बोध गया मंदिर को खोजा है ऐसा ही श्रेय कनिंगम को नालंदा विश्वविद्यालय के लिए भी जाता है कि उन्नीस सौ में नालंदा विश्वविद्यालय का जो स्थल है उसकी भी खोज कनिंगम ने ही की थी गिरियक पहाड़ी राजगिर गिर में है यह ध्यान रखिएगा कनिंगम की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है कनिंगम की सबसे बड़ी उपलब्धि है बड़गांव का पता लगाना कहाँ पर है बड़गांव राजगीर के समीप क्या है नालंदा महाविहार का स्थल है यह 1915-16 का समय है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि नलिंगलिंगम ने यह काम किया है और यहां से दो अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिनसे यह पता भी चलता है कि यहाँ पर यह जो स्थल है वह नालंदा महाविहार का है तो यहां पर दो अभिलेख प्राप्त हुए हैं और दोनों अभिलेखों में क्या उत्कीर्ण है नालंदा दोनों अभिलेखों में जो लिखा हुआ शब्द है वो नालंदा है कनिंगम ने आप देखेंगे तो बिहार शरीफ में ठीक है नालंदा के बिहार शरीफ में गांव की पता लगाया है घोसरावा गांव और घोसरावा गांव की पहचान की है और क्या माना जाता है कि घोसरावा गांव जो है वह कन्नौज के राजा यशोवर्मन के द्वारा एक स्थापित गांव था लगभग सातवी आठवीं सदी में कन्नौज के राजा हैं यशोवर्मन उनके द्वारा यह स्थापित गांव था घोसरावा गांव और कनिंगम ने इसे पता लगाया है कि भाई यह जो गांव है यह स्थापित जो है वो कन्नौज के राजा के द्वारा किया गया था कनिंगम ने बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल का भी पता लगाया है तो बसाढ़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल का भी पता लगाया है सामान्य तौर पर यह कह दिया जाता है कि जो वैशाली का इलाका है वही उसको पहले हम लोग क्या कहते थे उसको पहले हम लोग बशार कहते थे ऐसा सामान्य तौर पर कह दिया जाता है चंपारण जनपद के आप देखिएगा केसरिया स्तूप लौरिया अरेराज के अशोक स्तंभ का भी पता उसने ही लगाया है कनिघम ने ही और आप देखिएगा तो उत्तर वैदिक काल से बिहार का यह क्षेत्र इतिहास का अंग बन गया इसी के बारे में कहा जा रहा है चंपारण जनपद के बारे में अब देखिए अथर्व वेद में चूंकि आपको पता होना चाहिए कि भाई जो जो लिखित साक्ष्य है उसमें बिहार के किसी क्षेत्र का वर्णन मिलता भी है या नहीं मिलता है तो आप देखेंगे तो लिखित साक्ष्य से आधुनिक जो अथर्व वेद है उससे आधुनिक राजगृह और गया के आसपास के क्षेत्रों का हमें वर्णन मिलता है क्लियर है चलिए इसके आगे देखते हैं अब देखिएगा तो कूढ़ को हटाने वाली जो असुर माया रूप नामक प्रथम जो जो एक स्त्री है उसका भी संबंध बिहार से ही है जिसने कूढ़ जो बीमारी होती है उसको हटाने का प्रयास किया है तो को बीमारी को हटाने का जो प्रयास किया है उसका भी संबंध किससे बिहार से ही है और इसको हटाने का प्रयास असुर माया रूप नामक प्रथम स्त्री चिकित्सक ने किया है।, है बिहार के मिथिला क्षेत्र में बिहार के मिथिला क्षेत्र में आर्यो का प्रवेश उत्तर वैदिक काल में हुआ है तो बिहार के मिथिला क्षेत्र में आर्यो का प्रवेश उत्तर वैदिक काल के समय में हुआ है वैसा ऐसे भी माना जाता है कि जो आर्यों का आगमन हुआ था वह आर्यों का आगमन हालांकि भारत में तो वैदिक काल के समय ही था पंजाब हरियाणा के क्षेत्र में बस गए थे लेकिन बिहार में स्थापित रूप से जो आर्यो का आगमन हुआ है वह उत्तर वैदिक काल के समय ही हुआ है और अगर मैं इसको और प्रिसाइजली कहूं तो अथर्ववेद के शासन का अथर्ववेद की रचना के समय बिहार में आर्यों का आगमन हुआ है तो वह कह भी रहा है कि बिहार में मिथिला क्षेत्र में जो दरभंगा मधुबनी का इलाका है वहां पर जो आर्यों का जिसको विदेह का इलाका भी कहते हैं तो वहां पर जो आर्यों का प्रवेश है वह उत्तर वैदिक काल में मतलब 1000 ईसा पूर्व से लेकर लगभग 600 ईसा पूर्व के बीच में हुआ है ठीक विश्व में सबसे पहली गणतंत्रात्मक शासक पद्धति कहाँ लगी है आप देखेंगे तो इसका जो जन्म है वो वैशाली में हुआ है अगर आपको पता चलेगा कि अगर आपको जब पता चलेगा तो आपको यह जानकारी मिलेगी कि वैशाली की जो स्थापना है वह राजा विशाल के द्वारा की गई और राजा विशाल इच्छवाकू के पुत्र थे तो राजा विशाल जो है वो छवाकू के पुत्र है और उन्होंने वैशाली की स्थापना की है हालांकि वैशाली में पहले राजतंत्र हुआ करता था लेकिन सातवीं सदी ईसा पूर्व में देखेंगे तो वह राजतंत्र गणतंत्र में बदल गया विदेह माधव की कहानी सतपथ ब्राह्मण में मिलती है यह ध्यान देंगे कि जो विदेह माधव है उनकी कहानी सतपथ ब्राह्मण में मिलती है जिसमें विदेह माधव कहाँ रहते थे सरस्वती नदी के तट पर रहते थे और वैश्वनार जो है वो अग्नि को मुख में धारण किए हुए थे ठीक है अब आप देखिएगा तो जो अग्नि को मुख में अग्नि को मुख के अंदर धारण किए थे धृत का नाम लेते ही क्या हुआ कि अग्नि कहानी टाइप का है कि अग्नि मुख से बाहर निकल गई और बाहर आ गई और उसका पीछा जो है विदेह माधव कर रहे थे और नदियों को जलाती हुई सदा नीरा के तट पर ठहर गई और यही आर्यो की पूर्वी सीमा भी हो गई सदा नीरा कौन सी है सदा नीरा जिसको कहा जाता है अभी जो हम लोग गंडक नदी कहते हैं वर्तमान में बिहार की उसको सदा नीरा कहा जाता है तो कह रहा था कि अग्नि जब निकल गई तो अग्नि जो है वो जलाते हुए चीरते हुए बहा भाग रही थी और उसके पीछा जो है विदेह माधव कर रहे थे और जो लास्ट कहाँ तक गई वो गंडक नदी को पार नहीं कर पाई गंडक नदी तक ही रह गई सदानीरा नदी तक ही और इसी को पूर्वी सीमा भी माना जाता है हरियो का विदेह माधव जो है मैंने आपको बताया अपने गुरु गौतम ग्रहगुण के साथ सदा नीरा नदी तक आकर जो है वो अग्नि का पीछा करते रहे और सदा नीरा नदी तक ही जो है वो अग्नि का प्रवाह प्रभाव जो है आपको देखने को भी मिलेगा सदा नीरा नदी जो है वो कौशल और विदेह की सीमा थी विदेह कौन सा इलाका है जो मिथिला वाला इलाका है जिसमें नेपाल का भी कुछ इलाका आता था तो विदेह वही था कौशल कौन सा इलाका है महाजनपद में आपको अगर मैं कौशल दिखाऊं तो देखिए यहां पर है कौशल देखिए ये वाला जो इलाका है ये कौशल का इलाका है अगर मैं बड़े मैप में आपको दिखाऊं तो देखिए ये वाला जो इलाका है इसी को हम लोग क्या कहते हैं कौशल का इलाका यही है ये वाला यहाँ पर ठीक है छठी शताब्दी पूर्व में आप देखेंगे देखिए कौशल तो महाजनपद है लेकिन विदेह जो है वो महाजनपद नहीं है विदेह के बारे में हम लोग थोड़ा सा आगे पढ़ लेंगे विदेह का कैसे विदेह का नाम कहाँ से आ रहा है छठी शताब्दी पूर्व के सोलह महाजनपदों में से बिहार के तीन महाजनपद मगध, वज्जी और अंग जो है अंग का वर्णन आपको अंगोतर निकाय में मिलेगा जो कि एक बौद्ध साहित्य है और भगवती सूत्र में मिलेगा जो कि एक जैन साहित्य है तो इन दोनों का वर्णन आपको मिलेगा एक का वर्णन जो मतलब इन इन महाजनपदों का वर्णन जो है यह आपको बौद्ध ग्रंथ में भी मिलेगा अंगोत्तर निकाय में और जैन साहित्य भगवती सूत्र में भी इसका वर्णन आपको देखने को मिलेगा इधर देखिएगा तो अंग की राजधानी क्या है अंग आपको पता है भागलपुर और मुंगेर वाला इलाका है इसमें बांका का भी एरिया आता है तो अंग की राजधानी क्या थी अंग की प्रारंभिक राजधानी चंपा थी इनकी राजधानी चंपा थी और बिम्बिसार ने इसे किस में मिला लिया था बिंबिसार ने इसे मगध में मिला लिया था अंग क्षेत्र को बिंबिसार ने मगध में मिला लिया था और ये तो आपको पता है विवाह की नीति युद्ध की नीति के माध्यम से यह सब कार्य किया जाता था हम जब जब बिंबिसार पढ़ेंगे जो हरिय वंश का राजा है तो इसके बारे में और थोड़ा विस्तार से जानेंगे वज्जी संघ में जो है आपको पता होना चाहिए कि वज्जी संघ में कुल आठ थे मैंने बताया तीन महाजनपद बिहार के हैं एक है मगध दूसरा है अंग और तीसरा है वज्जी इसको मैं मैप से भी आपको दिखाऊंगा तो वज्जी संघ में कुल आठ कुल थे जिसमें चार कुल जो है वो काफी प्रमुख है एक है कुंड ग्राम के ज्ञात्रिक एक है मिथिला के विदेह मिथिला के विदेह कुंडग्राम के ज्ञात्रिक वैशाली के लिच्छवी और वज्जी स्वयं और वज्जी स्वयं कुंडग्राम के यात्रिक और वज्जी स्वयं ठीक है वज्जी संघ में सबसे प्रबल कौन है भाई ये है लिच्छवी ठीक है तो चारों कुलों में सबसे प्रबल कौन है लिच्छवी है और जिनकी राजधानी क्या है जिनकी राजधानी वैशाली थी जिनकी राजधानी वैशाली थी जो आधुनिक वैशाली जनपद का बसाड़ गांव था जो आधुनिक वैशाली जनपद का बसाड़ गांव होता था ठीक है एक मिनट चलिए स्टार्ट करते हैं तो विदेह अपने दार्शनिक राजाओं के लिए प्रसिद्ध है विदेह का इलाका मैंने आपको बताया कि वज्र संघ में चार प्रमुख कुल हैं आठ कुलों में चार प्रमुख कुल हैं जिनमें पहला कुल कौन सा है पहला कुल है मैंने आपको बताया वैशाली के लिच्छवी दूसरा है कुंडग्राम के ज्ञात्रिक तीसरा है मिथिला के विदेह और चौथा स्वयं तो विदेह नाम यहीं से आया पिछले बार भी बताया था जो सदा नीरा नदी की बाउंड्री बताया गया कि कौशल और और जो ये विदेह है उसकी सीमा सदा न, सदा नीरा नदी है जो गंडक नदी है तो वहीं पर भी विदेह आया था हालांकि विदेह जो है अब आप लोगों ने समझ लिया तो विदेह जो है अपने दार्शनिक राजाओं के लिए प्रसिद्ध था और इसकी राजधानी मिथिला थी अब देखिए यहाँ पर दो शब्द आता है एक तो आता है आपका विदेह का वर्णन आता है और दूसरा आता है उ, आपका मिथिला का वर्णन तो विदेह का जो वर्णन है विदेह का वर्णन अगर आपको मैं बताऊं तो विदेह सबसे पहले तो विदेह की स्थापना किसके द्वारा की गई तो विदेह की स्थापना की गई है विदेह के द्वारा निमी ठीक है महिलाओं का नाम होता है बहुत बार निमि विदेह और मिथिला की स्थापना किसके द्वारा की गई मिथिला की स्थापना मिथिजनक विदेह के द्वारा किसके द्वारा भाई मिथिजनक विदेह मिथिला का मिथि और जनक राजा को बोला जाता था और मिथि जनक विदे तो मिथिला के स्थापत स्थापना करने वाले हैं मिथि जनक विदे और विदेह के स्थापना करने वाले हैं निमि विदे। निमि विदे। क्लियर है चलिए अब मैं थोड़ा सा जो मैपिंग से आपको बताने का प्रयास कर रहा था वो कर लेता हूं फिर हम लोग इसमें चलेंगे बौद्ध और जैनों को जैन के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे तो उससे क्या होगा फिर चीजें थोड़ी सी आसान हो जाएगी सबसे पहले हम लोग मैपिंग में कुछ कुछ चीजें देख लेते हैं जो हम लोगों को समझना है तो देखिए बिहार के मैप को अगर देखते हैं तो सबसे पहले यहां देखिए तो जो ये वाला इलाका है पटना गया वाला जो इलाका है पटना गया वाला इलाका इसको हम लोग मगध का इलाका कहते हैं जो पटना गया वाला इलाका है और उसके बाद जो ये वाला इलाका है जो आपका भागलपुर और मुंगेर वाला जो एरिया है जो बांका वाला इलाका है इसके इसको हम लोग क्या कहते हैं इसको हम लोग भागलपुर मुंगेर वाला जो इलाका है इसको हम लोग क्या बोलते हैं इसको अंग का क्षेत्र बोलते हैं तो और इन दोनों के बीच एक नदी थी जिसका नाम था चंपा और यह चंपा नदी मगध और अंग के बीच सीमा निर्धारण का भी काम करती थी तीन महाजनपदों में से दो के बारे में तो हम लोगों ने जाना अंग की राजधानी मैंने आपको पहले ही बताई कि अंग की राजधानी चंपा है अगर आपसे कोई पूछ दे कि प्रारंभिक राजधानी अंग की कौन सी है तो आप कहेंगे कि अंग की प्रारंभिक राजधानी मालिनी है मालिनी ठीक है अगर आपसे कोई पूछ दे कि अंग की प्रारंभिक राजधानी कौन सी है तो आप कहेंगे मालिनी है ठीक है और अभी जो जो बाद में बोला जाने लगा वो क्या था चंपा हालांकि उसको चेनप्पो भी बोला गया विदेशी यात्री हेनशांग के द्वारा ठीक है उसके बाद देखेंगे तो यहां पर आपको पता चलेगा कि जो मगध वाला इलाका है मगध की जो बाउंड्री है वो क्या है मगध की जो राजधानी है वो क्या है मगध की राजधानी प्रारंभिक राजधानी ग्रीव्रज थी जो राजगृह में थी लेकिन बाद में आप देखेंगे तो बाद में उदयन इसको पाटलिपुत्र हस्तांतरित कर देता है इसके बाद अब बच गया वज्जी वज्जी संघ की राजधानी क्या है वैशाली है वज्जी संघ की राजधानी वैशाली है अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा मगध के बारे में तो आपको दिखेगा मगध की बाउंड्री की बात अगर मैं करूं तो यहां देखिए अगर ये मगध है तो इसका जो पूर्वी जो सीमा है वो चंपा तक है इसका जो पश्चिमी है वो सोन नदी इसका जो उत्तरी बिंदु है वह गंगा नदी और जो दक्षिणी जो पॉइंट है वो विंध्य पर्वत तक है वह विंध्य पर्वत तक है तो ये चारों चीजें हैं जो मगध की सीमा का निर्धारण करते हैं ये सब क्या करते हैं भाई मगध की सीमा का निर्धारण करते हैं क्लियर है चलिए अब हम लोग क्या देख रहे थे भाई अब हम लोग देख रहे थे जो बौद्ध और जैन है उसके बारे में तो बौद्ध धर्म और जैन धर्म हम लोग उसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं तो देखिए बौद्ध संगतियों में देखेंगे तो प्रथम बौद्ध संगति किस स्थान पे हुई है राजगृह में हुई है सप्तपर्णी गुफा में समय जो है वो 483 ईसा पूर्व का है अध्यक्ष इसके महाकश्यप थे शासक इसमें आजाद शत्रु थे महत्वपूर्ण तथ्य में एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि विनय पिटक और सुत पिटक का संकलन किया गया विनय पिटक आपको पता है इसमें क्या होता है और सुत पिटक भी आपको पता है इसमें क्या होता है तो बौद्ध भिक्षुओं के जो आचरण के सिद्धांत की बात आ जाती है वो विनय पिटक में आ जाती है और सुत पिटक में बुद्ध के दस हजार से ज्यादा उपदेश आ जाते हैं सुत पिटक का ही जो है बहुत सारा सेक्शन है जिसमें आप लोग सुनते होंगे अंगूतर निकाय मध्यम निकाय दिघ निकाय वो सुत पिटक के अंतर्गत ही आता है इसके बाद यह प्रथम की बात हुई इसके बाद द्वितीय जो है वो वैशाली में हुआ 383 एट्टी एक सौ साल बाद किसके किसके अध्यक्षता में भाई सर्वकामी की अध्यक्षता में शासक कौन थे काला शोक थे शिशुनाग वंश के और महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि स्थावर और महासंघिक में बौद्ध धर्म विभाजित हो गया स्थावीर का मतलब क्या है जो चेंज नहीं चाहते हैं जो बदलाव नहीं चाहते हैं यथास्थितिवाद वाले और महासंघिक का मतलब जो बदलाव चाहते हैं जो चेंज चाहते हैं ठीक है तो चारों आपको याद भी रखना है तृतीय जो है पाटलिपुत्र में हुई है दो सौ सैतालीस ईसा पूर्व में मोगा जो अशोक के बौद्ध धर्म के मामले में उनके गुरु भी हैं तो उनकी अध्यक्षता में अशोक जो है वो मौर्य का शासक था और अभिधम पिटक इसमें जोड़ा गया अभिधम क्या है बुद्ध का जो दार्शनिक पक्ष है फिलोसॉफिकल आस्पेक्ट है बौद्ध दर्शन का उसको हम लोग अभिधम पिटक कहते हैं इसके बाद चौथी जो चौथी जो संगति है वो कश्मीर के कुंडलवन में हुई है इससे तीन जो पहले हुई वो तीनों बिहार में हुई बुद्ध के मृत्यु के उपरांत महापरिनिर्वाण के उपरांत हुई लेकिन चतुर्थ वाला जो है वो कश्मीर में हुआ कुंडलवन में बहत प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुआ वशुमित्र अध्यक्ष थे और उपाध्यक्ष कनिष्क और कुशान वंश इसके कुषाण वंश का शासक कनिष्क जो है वह इसका एक महत्वपूर्ण उस समय का शासक था जिसके शासनकाल में यह हुआ और महत्वपूर्ण तथ्य क्या है बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हो गया इसके बाद क्रम देखेंगे तो पाटलिपुत्र जैन संगतियों के बारे में देखेंगे तो प्रथम है पाटलिपुत्र कब हुआ है 310 सौ पूर्व में इसके बाद कौन थे अध्यक्ष स्थूल भद्र थे शासक कौन था चंद्रगुप्त मौर्य था जैन धर्म दिगंबर एवं स्वेतांबर में विभाजित कर हो गया और 12 अंगों का संपादन भी हुआ है बारह अंगों का संपादन भी हुआ है ठीक है द्वितीय जॉन जैन जो समिट है वो कहां पर हुई है भाई वल्लभी गुजरात में द्वितीय जो समिट है वो कहां हुआ है वल्लभी गुजरात में और 512 सौ ईस्वी में दिवार्धी क्षमा श्रवण इसके अध्यक्ष है इसमें शासक बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है और धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से अंतिम रूप से संकलित कर उसको लिपिबद्ध किया गया लिखा गया ठीक है ये है द्वितीय जैन संगति ये दो जैन संगतियां और चार बुद्धिस्ट काउंसिल बौद्ध सभा या बौद्ध संगति परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट है इसको आप लोगों को याद रखना है क्लियर है चलिए आगे चलते हैं महात्मा बुद्ध महात्मा बुद्ध के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं तो आपको पता चलेगा कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ पांच ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बनी में हुआ साक के कुल में ये पैदा हुए मृत्यु कब हुआ चार सौ तिरासी में कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई यूपी के कुशीनगर में उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ है पिता का नाम सुधोधन है माता का नाम महामाया है सौतेली माँ प्रजापति गौतमी है पत्नी यशोधरा बचपन का नाम सिद्धार्थ पुत्र का नाम राहुल है उनतीस वर्ष में गृह त्याग किया गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है छह वर्ष की कठोर तपस्या के बाद पैतीस वर्ष की आयु में ज्ञान की प्राप्ति हुई छह वर्ष की तपस्या के बाद वैशाखी पूर्णिमा की रात पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के तट पर फलगु का नाम अभी जुड़ेगा इससे जब ज्योग्राफी पढ़िएगा तो फलगु की मुख्य सहायक नदी है उसके बाद निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति तथा उसके बाद बुद्ध जो है वास्तव में उसके बाद जो है गौतम बुद्ध मतलब वास्तव में बुद्ध कहलाए बुद्ध का मतलब होता है ज्ञान प्राप्त कर लेने वाला तो वास्तव में वो बुद्ध कहलाए तथागत कहलाए और बौद्ध धर्म के संस्थापक बने कौन गौतम बुद्ध ठीक है गौतम बुद्ध तो सिद्धार्थ जो है वो बुद्ध कब कहलाए हैं सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए हैं कब भाई जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई बौद्ध धर्म के तीन रत्न कौन कौन से हैं बुद्ध धम और संघ कौन से हैं बुद्ध धम और संघ बौद्ध धर्म के चार आर्य सत्य क्या है एक है दुख एक है दुख समुदाय एक है दुख निरोध एक है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा तो बौद्ध धर्म के चार आर्य सत्य है दुख दुख समुदाय दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा अष्टांगिक मतलब इसका मतलब क्या है दुख है दुख का कारण है दुख का निवारण है और दुख के निवारण के लिए उपाय भी है दुख के निवारण का उपाय उन्होंने बताया कि अष्टांगिक मार्ग है एट फोल्ड पाथ है जिसके माध्यम से आप दुख को मतलब दूर कर सकते हैं जीवन में क्लियर है अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं सम्यक दृष्टि सम्यक संकल्प सम्यक वाणी सम्यक कर्मांत सम्यक आजीव सम्यक व्यायाम सम्यक स्मृति सम्यक समाधि प्रत्यित समुत्पाद क्या है प्रत्यय समुत्पाद बुद्ध के उपदेशों का सार है इसको कार्य कारण सिद्धांत से भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं लेकिन आपको चूंकि फिलॉसफी ऑप्शनल है नहीं तो प्रतीत समुत्पाद का संबंध किससे है बस इसको आप समझिए कि प्रतीतित समुत्पाद का संबंध भगवान बुद्ध से है ठीक है इसके बाद देखेंगे थोड़ा सा महावीर के बारे में समझने का प्रयास करते हैं तो महावीर का जन्म 599 सौ निन्यानवे में हुआ वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ यात्रिक कुल के हैं मृत्यु इनका 527 सौ सत्ताईस में हुआ कहां पर भाई पावापुरी में इनकी मृत्यु हुई पिता का नाम सिद्धार्थ है माता का नाम त्रिशला है जो कि एक लिच्छवी राजकुमारी है तो राजकुमारी के ये बेटे थे महावीर पत्नी का नाम यशोदा है पुत्री का नाम प्रियदर्शना है जमाली जो है वो जमाई का नाम है उनका तीस वर्ष की अवस्था में गृह त्याग है आप देखेंगे तो गौतम बुद्ध उन्तीस वर्ष की अवस्था में है गृह त्याग उनका इनका तीस वर्ष की अवस्था में है और बयालीस वर्ष की अवस्था में इन्हें सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति होती है केवल की बारह वर्ष की तपस्या उन्होंने उनतीस से पैंतीस में की इन्होंने तीस से बयालीस में ज्ञान की प्राप्ति की ज्ञान प्राप्ति कहां पर हुआ जंभिक ग्राम के निकट रिजू पालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे आपको दिखेगा कि भगवान महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई है कैवल्य प्राप्त होने के बाद वो कैवलिन कहलाए जिन जिन का मतलब क्या होता है कल मैं सवाल करा रहा था तो उसमें ये सवाल था कि भाई जिन का मतलब क्या होता है जिन का मतलब होता है विजेता विजेता अहंत कहलाए मतलब योग्य कहलाए निर्ग्रंथ मतलब बंध रहित बंध रहित मतलब बंधन रहित कोई बंधन नहीं है पूरे तरीके से आप समझिएगा तो इन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली ठीक है जैन धर्म के वो चौबीसवें तीर्थंकर हैं जैन धर्म के तीन रत्न कौन कौन से हैं सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र इधर पंच महाव्रत कौन से हैं सत्य अहिंसा अप्रिग्रह आस्ते और ब्रह्मचर्य ठीक है तो आप लोग यहाँ पर कमेंट में जरूर बताइएगा कि भाई अप्रिग्रह और आस्ते के बीच में क्या अंतर होता है ये जरूर बताइएगा महावीर ने पांचवा व्रत कौन सा दिया महावीर ने पांचवा व्रत ब्रह्मचर्य दिया है जबकि तीस चार व्रत पार्शनाथ के द्वारा प्रतिपादित किया गया था ये वही पार्श्वनाथ हैं जिनका संबंध किसे है जो आपने सुना होगा झारखंड के गिरिडीह पहाड़ी में गिरिडी जिले में पारसनाथ की पहाड़ी है उससे इनका संबंध है स्यादवाद या फिर अनिकांतवाद या सप्तभंगी जो सिद्धांत है ज्ञान की सापेक्षता का जो सिद्धांत है इसका संबंध किससे है इसका संबंध जैन धर्म से है अनेकांतवाद का मतलब है कि आपका भी दृष्टिकोण सही है आपका भी दृष्टिकोण सही है मेरा भी सही है उनका भी सही है देखिए सभी के लक्ष्य प्राप्ति तो एक ही होता है ठीक है जैसे भारत देश की बात अगर करें तो भारत देश का विकास करना यह सबका उद्देश्य है लेकिन कोई उसमें ही अलग-अलग विचार विचार रखता है कांग्रेस पार्टी की अलग विचारधारा है भारतीय जनता पार्टी की अलग विचारधारा है आम आदमी पार्टी की अलग है बहुजन समाज पार्टी की अलग विचारधारा है तो सबका विचारधारा अलग हो सकता है अनिकांत वाद हो सकता है लेकिन लक्ष्य जो है वो सबका एक है तो मीन मीन सबका रास्ते सबके अलग अलग हो सकते हैं लेकिन एंड जो है जो साध्य है वो एक ही होगा साधन भले अलग अलग हो सकता है क्लियर है पुरानों के अनुसार अब हम लोग थोड़ा सा मगध साम्राज्य के उत्कर्ष को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं कि मगध साम्राज्य के उत्कर्ष को थोड़ा सा हम लोग समझेंगे तो देखिए पुराणों के अनुसार क्या माना गया कि पुराणों और महाभारत के अनुसार यह माना गया कि मगध में जो सर्वाधिक सबसे पहले जो सर्वप्रथम जिस वंश का शासन हुआ उस वंश का नाम था वृहद्रथ वंश यह महाभारत और पुराण इस बात को मानते हैं लेकिन आप जब देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि बौद्ध ग्रंथ इस बात को नहीं मानता बौद्ध ग्रंथ कहता है कि मगध में सर्वप्रथम जिस राजवंश का शासन आया है वो हरयक राजवंश है लेकिन यहां पर पुराणों में और महाभारत में वृहद्रथ वंश को सर्वप्रथम वंश बताया गया है यहां पर दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखना है वो यह भी है कि वृहद्रथ वंश के संस्थापक राजा वृहद्रथ स्वयं है और इस वंश का सबसे प्रतापी जो शासक है वो जरासंग है और सबसे आखिरी शासक रिपुंजय है जरासंग की हत्या श्री कृष्ण के सहायता से भीम के द्वारा कर दी जाती है क्लियर है एक मिनट क्लियर है चलिए तो जरासंघ के बारे में आपने देख लिया और इस वंश का सबसे अंतिम शासक कौन है उसका नाम क्या है रिपुंजय क्या नाम है रिपुंजय रिपुंजय उसका अंतिम नाम है मतलब उसका अंतिम शासक है अब देखिएगा तो मगध का सबसे पहला राजवंश कौन था मगध का सबसे पहला राजवंश है हर्यक वंश ठीक है जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी जिसकी स्थापना बिंबिसार के द्वारा की गई 544 से लेकर लगभग चार सौ बानवे पूर्व में आप देखेंगे तो बिंबिसार ने मगध में हरयक वंश की नींव डाली और यह जो आपको दिख रहा है समयकाल यह हर्यक वंश का नहीं यह बिंबिसार का समय है बिंबिसार का तो हरियक वंश के संस्थापक अगर इस प्रकार का सवाल पूछते तो कौन है वह बिंबिसार है बिंबिसार ने कौशल की राजकुमारी कौशला देवी के साथ विवाह कर काशी को दहेज में प्राप्त किया तो प्रसन्नजीत की बहन कौशला देवी से विवाह कर उसने काशी को दहेज में प्राप्त कर लिया अब आप देखिएगा तो थोड़ा सा मैप में आपको दिखाने का प्रयास करता हूं कि देखिए कितना जो है वो यहां पर एक गेम था इसके अलावा भी देख लीजिए पहले वैशाली की राजकुमारी चिल्लन्ना से भी विवाह किया और अंग नरेश ब्रह्मदत्त को विजीत कर अंग राज्य को मगध में मिला लिया इन तीनों का काम किसने किया है एक बार वैवाहिक संबंध एक बार भाई अलग अलग तरीके से युद्ध की नीति से अलग अलग तरीके से यह क्या करने का प्रयास कर रहा है यह विभिन्न क्षेत्रों को जीतने का प्रयास कर रहा है अब आप देखिएगा मैप में तो आपको पता चलेगा कि देखिए महाजनपद में हम लोग देख लेते हैं देखिए एक बार क्या किया यहां पर इस राजकुमारी से उसने विवाह कर लिया कौशल की राजकुमारी कौशला देवी से प्रसन्नजीत की बहन है ये देखिए ये काशी को उसने प्राप्त कर लिया काशी का इलाका दहेज के रूप में उसके बाद अंग के भी ब्रह्मदत्त को पराजित कर दिया अंग के ठीक है तो देखिए यहां पर है मगध तो यहां पर क्या कर रहा है ये देखिए अपने ये जो मगध है यहां पर साम्राज्य विस्तार का, का काम कर रहा है देखिए यहां है मगध और यह देखिए अंग से भी इधर को काशी से और इधर कोसल से इन तीनों से संबंध स्थापित कर लिया वैशाली के भी राजकुमारी से इसने संबंध स्थापित करने का प्रयास किया तो वज्जी वज्जी संघ के ही राजधानी जो है वो वैशाली है तो देखिएगा तो पूरे साम्राज्य को सब राजा एक दूसरे से लड़ी रहे हैं और सब अपना साम्राज्य विस्तार की चाह रख रहे हैं तो यह काम किसने किया है यह काम आपके यह काम आपके किसके द्वारा भी किया गया है एक मिनट इसको स्लाइड को लेकर आता हूं चले ठीक है उसका अवंती के शासक चंड प्रद्योत के साथ भी युद्ध हुआ था तो ऐसा नहीं है कौशल वैशाली अंग इसके अलावा अवंती के शासक चंड प्रद्योत के साथ भी उसका युद्ध हुआ कालांतर में आप देखेंगे तो प्रद्योत के इलाज के लिए उसने अपना जो वैद्य है वो जीवक को भेजा था चंड प्रद्योत की स्थिति थोड़ी खराब थी उसकी हालत अगर खराब थी तो उसमें क्या भेजा उन्होंने अपने वैद्य को भेज दिया हत्या कर मगध का शासक बना तो माना जाता है कि वह पित्रि हंता भी कहा जाता है लेकिन जैन धर्म जो ग्रंथ है वो इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं हालांकि बौद्ध ग्रंथ यह मानता है कि अजात शत्रु पित्री हंता है मतलब पिता की हत्या करके उसने अप जो है गद्दी को हड़पा है चार सौ बिरानवे से लेकर चार सौ साठ ईसा पूर्व इसका समय काल है जैसा आपने देखा होगा चार सौ तेरासी बीसी के समय बुद्ध की प्रथम संगति हुई बुद्ध का महापरिनिर्वाण भी हुआ तो यह दोनों इंपॉर्टेंट घटनाक्रम अजात शत्रु के शासन काल में ही आपको देखने को मिलेगी हालांकि आप देखिएगा तो बिंबिसार बिंबिसार के बारे में ऐसा कहा जाता है कि उसको सबसे पहले स्थायी सेना रखने का जो श्रेय है वह बिंबिसार को ही दिया जाता है युद्ध में सर्वप्रथम बार हाथियों का प्रयोग भी बिंबिसार के द्वारा ही किया गया है तो अजात शत्रु ने चूंकि बिंबिसार की हत्या कर दी और आपको पता है कि प्रसन्नजीत की बहन कौशला देवी से विम्बिसार का कि विवाह हुआ था विम्बिसार का और काशी भी मिला था विम्बिसार को अब क्या हुआ कि भाई विम्बिसार की जब हत्या कर दी तो उस हत्या के शोक से कौसला देवी की भी मृत्यु हो गई जिससे जो कौसला देवी का भाई है प्रसन्नजीत वह जो है उत्तेजित हो गया और उसने काशी वापस ले लिया क्योंकि काशी उसी उसी ने दहेज में दिया था विम्बिसार को अब विम्बिसार को तुम मार दिए हो तो भाई मेरे काशी को वापस दो बाद में देखिएगा तो कालांतर में दोनों में संधि हो जाती है वैवाहिक संबंध भी स्थापित होते हैं आपके प्रसन्नजीत की बेटी के साथ अजात शत्रु के अजात शत्रु काशी की राजकुमारी वजीरा से विवाह होता है और फाइनली वह काशी उसको पुनः प्राप्त हो जाती है तो एक बार एक बार जो है फैटाफैटी चल रहा है एक बार जो है आप देख रहे हैं कि फैटाफैटी भी चल रहा है साथ ही साथ वैवाहिक संबंध भी स्थापित हो रहे हैं अब देखिएगा यहाँ पर एक सवाल आप लोगों से बार बार पूछा जाता है कि भाई अंग्रेजों ने अंग्रेजों ने जो है अंग्रेज कह रहा हूँ डलवा दिया और लिच्छवियों पर आक्रमण कर उन्हें परास्त कर दिया तो वज्जी को मिलाने का जो कार्य है वह किस प्रकार से किया तो वज्जी संघ में ही उसने क्या किया फूट डलवा दिया और उसमें उसका सहायक कौन बना उसमें उसका जो सहायक बना है वो उसका जो मंत्री है वस्कार वही उसमें उसका सहायक बना है ठीक है वही उसमें उसका सहायक बना है उसके ही शासनकाल में आप देखिएगा तो महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई चार सौ ईसा पूर्व में इसके ही संरक्षण में प्रथम बौद्ध संगति का भी आयोजन हुआ राजगृह में हुआ और महाकश्यप की अध्यक्षता में ये हुआ है तो महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ उसके बाद आप देख रहे हैं तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन राजगिर में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ है चलिए चलिए अजात शत्रु के मृत्यु के बाद उसका पुत्र उदयन जो है वह मगध का शासक बनता है 460 सौ पूर्व में उदयन मगध का शासक बनता है और उसने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की मतलब राजगृह से पाटलिपुत्र बना लिया और यही जो है उसके जीवन काल की सबसे एक इम्पोर्टेंट घटना है और आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से भी उदयन यहीं पर एक इंपॉर्टेंस रखता है कि उसने जो मगध की प्रारंभिक राजधानी थी ग्रीव्रज और या फिर राजगीर उसको हस्तांतरित कर पाटलिपुत्र जो गंगा तथा सोन नदियों के संगम पर था वहां पर हस्तांतरित कर दी उसके बाद देखेंगे तो उदयन के तीन पुत्र अनिरुद्ध मुंडक और नागदशक ने क्रमशः अल्पकाल तक शासन किया है तो क्रमशः अल्पकाल तक इन्होंने शासन किया है नाग वंश तो देखिएगा शिशुनाग वंश आपको पता होगा कि भाई जो हरियक वंश का अंतिम शासक जो नाग दशक है जो उदयन का बेटा है उसको पराजित किया जाता है शिशुनाग के द्वारा क्योंकि नाग दशक एक आप कह सकते हैं कि भोगविलासी टाइप वाला राजा था जनता उससे असंतोष थी और उसका फायदा शिशुनाग ने उठाया और शिशुनाग ने नाग दशक को पराजित किया और शिशुनाग वंश की नींव मगध पर डाल दी जब वह जब जब शासक जब राजा नाग दशक थे तब वह क्या था तब वह काशी का राज्यपाल हुआ करता था शिशुनाग लेकिन बाद में उसने जो है वो नाग दशक को सत्ता से हटा दिया शिशुनाग ने अवंती कौशल और वत्स को विजित कर मगध साम्राज्य का विस्तार किया तथा उसका जो पुत्र है कालाशोक प्रमुख शासक बना है इसके समय में ही वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति थ्री पूर्व में आयोजित हुई जिसमें स्थावीर और महासंगिक के रूप में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया तो यही द्वितीय संगति इसके बारे में मैंने ऑलरेडी आपको पहले ही बता दिया था कि भाई शिशुनाग वंश के समय में ही जब काला शोक शासक है उसके टाइम पे ही द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन भी किया गया जिसमें स्थाविर और महासंगी के रूप में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया आप देखेंगे चलिए नंदी वर्धन इस वंश का अंतिम शासक था तो सबसे पहले तो भाई आए कौन सबसे पहले आए वृहद्रथ वृहद्रथ वंश जो आपको पता है कि भाई महाभारत और पुराणों में बृहद्रथ वंश को सबसे प्रमुखता दी गई है उसके बाद कौन आया उसके बाद आया हरियक वंश हरियक वंश के संस्थापक बिंबेशार अंतिम शासक नाग दशक उसके बाद कौन आया उसके बाद आए हैं जो हरियक वंश के बाद आए शिशुनाग वंश शिशुनाग वंश के अंतिम शासक कौन नंदीवर्धन संस्थापक कौन शिशुनाग और उसके बाद कौन आया भाई अब आए नंद वंश नंद वंश के शासक कौन है भाई संस्थापक शासक कौन है महापद्म नंद और महापद्म नंद, नंद ने शिशुनाग वंश का अंत कर नंद वंश की स्थापना की है तो शिशुनाग वंश का अंत कर नंद वंश की स्थापना करने का श्रेय किसको जाता है महापद्म नंद को पुराणों में उसे सर्व छत्रांतक कहा गया है उसे एक छत्र अथवा एक राट भी कहा जाता है ऐसा माना जाता है कि वह निचली जाति का था वह नाई जाति से बिलोंग करता था ऐसे भी साक्ष्य महापद्मनंद नंद के बारे में मिलते हैं उसे शूद्र व दासी पुत्र भी बताया गया है और उसके समय में मगध की जो राज्य की सीमा है वो गंगा घाटी को पार कर गई थी तो यह एक काफी साम्राज्यवादी किस्म का शासक था आप देखेंगे तो कलिंग को सबसे पहले अपने साम्राज्य में मिलाने का श्रेय महापद्म नंद को ही जाता है क्योंकि महापद्म नंद के बारे में मैंने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि परीक्षा में लोग इसमें क्या टिक मार देते हैं अशोक लेकिन सबसे पहली बार जो कलिंग को अपने साम्राज्य में मिलाने का श्रेय जाता है वह महापद्म नंद को ही जाता है तो यह बात आपको ध्यान में रखनी है इस वंश का अंतिम शासक कौन है इस वंश का अंतिम शासक धनानंद है और उसी के समय यूनानियों का यानी सिकंदर का आक्रमण भी हुआ था तो उसी के समय में सिकंदर का आक्रमण भी हुआ था जब इस वंश का अंतिम शासक धनानंद था यह आपको सवाल बार बार पूछा जाएगा कि भाई जो ये सिकंदर का आक्रमण जब हुआ था तो उस समय कौन शासक थे तो उस समय कौन शासक है उस समय शासक है धनानंद ये आपको ध्यान में रखना ही है ठीक है चलिए पुराण बौद्ध एवं जैन साहित्य कौटिल्य अब मौर्य वंश में आ गए कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा विदेशी लेखकों के द्वारा मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है तो देखिए धनानंद है सिकंदर उसका समकालीन है लेकिन आप देखिएगा तो मौर्य जो साम्राज्य है उसकी स्थापना कैसे होती है धनानंद ने आप देखेंगे तो चाणक्य का अपमान कर दिया अब चाणक्य क्या सोच रहे हैं चाणक्य सोच रहे हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की मदद से धनानंद जो एक लालची शासक है इसका खात्मा किया जाए इसको समाप्त किया जाए और वह ऐसा करते भी है हालांकि सिकंदर से भी मदद मांगते हैं लेकिन उसका कोई फायदा उनको नहीं मिलता है तो मौर्य वंश की स्थापना किस प्रकार हुई है मौर्य वंश की स्थापना में आप देखेंगे तो चाणक्य का एक बड़ा रोल है चंद्रगुप्त मौर्य की योग्यता को वह पहचानता है चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा प्रदान करवाता है और उसके बाद धनानंद जो शासक है जिसने उसका अपमान किया था उसको उसके माध्यम से पराजित भी करवाता है ठीक है चलिए स्ट्रैबो और जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस जबकि एरियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस कहा है यह नाम भी आपको याद रखना चाहिए मौर्य वंश से संबंधित ये एक इंपॉर्टेंट नाम है जो आपको याद रखना चाहिए स्ट्रैबो और जस्टिन ने मन चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस जबकि एरियन और प्लूटार्क ने एंड्रोकोटस कहा है किसको भाई तो ये मौर्य को और उसके प्रमुख राजा किसको भाई चंद्रगुप्त मौर्य को विलियम जोन्स ने की पहचान भारतीय ग्रंथों में वर्णित चंद्रगुप्त मौर्य से की है मैंने आपको बताया सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस दोनों भाई चंद्रगुप्त मौर्य के लिए ही बोला गया है जेम्स प्रिंसप ने 1837 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि को अनुदित किया है तो जेम्स प्रिंसप ने याद रखिएगा अठारह सौ ईस्वी में ब्राह्मी लिपि को अनुदित किया है मतलब उसको मतलब उसको समझने का प्रयास किया है 326 सौ छब्बीस में मकदूनिया या यूनान का शासक सिकंदर का भारत पर आक्रमण होता है और देखिएगा तो सिकंदर सिंधु नदी को पार करके झेलम वितस्ता के तट तक आ जाता है तो सिंधु नदी को पार कर जाता है झेलम वितस्ता के तट पर आ जाता है पूरस के साथ उसका युद्ध होता है पूरस के साथ आप देखिएगा तो पूरस जो है वो जो बिहा जो भारत का जो पंजाब क्षेत्र है और जो पाकिस्तान का पंजाब क्षेत्र है उसका इलाका है वहां पर पूरस का शासन है बहुत ही विशाल मतलब आप समझेंगे तो साम्राज्य था इनका और साथ ही साथ पूरस जो है वो काफी शक्तिशाली राजाओं में से एक है और यहाँ पर युद्ध होता है देखिए हार तो इसमें पोरस ही जाता है अगर आप इसमें कहेंगे मतलब फाइनली सोचेंगे तो लेकिन इसमें कड़ा मुकाबला होता है और बस मान के चलिए कि सिकंदर बस बस जीत गया ठीक है बस जीत गया ऐसा कुछ नहीं हुआ कि सिकंदर ने कुछ अनोखा अनोखा कर दिया हालांकि सिकंदर एक बहुत बड़ा बड़ा जो है वो साम्राज्य पहले से ही हासिल कर चुका था लेकिन फिर भी पोरस के साथ युद्ध में उसने कोई बहुत बहुत बड़े तरीके से युद्ध में विजय प्राप्त नहीं की बस जीत गया मानो ठीक है लेकिन यहां तक आते आते पोरस के साथ युद्ध लड़ते लड़ते उसकी हालत जो हो गई थी वो खराब थी व्यास नदी के तट पर देखिएगा आने के बाद की सेना आने से आगे बढ़ने से इनकार कर दी और व्यास नदी से ही किसकी सीमा प्रारंभ होती थी नंद साम्राज्य की और उस समय देखिएगा तो उस समय शासक कौन था धनानंद था तो धनानंद उस समय का शासक था और सिकंदर भारत में लगभग 12 वर्षों तक रहता है 12 वर्षों सॉरी 19 महीने तक रहता है सिकंदर भारत में लगभग 19 महीनों तक रहता है अपने गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त जो है वह मगध का शासक बनता है 305 ईसा पूर्व के आसपास सेलुकस निकेटर से चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ परांत हुई संधि से चंद्रगुप्त को काबुल का कंधार का मकरान का और हैरात का इसका क्षेत्र प्राप्त होता है तो देखिएगा तो जब चंद्र, एलेक्जेंडर सिकंदर का जो सेनापति है सेलुकस निकेटर वह वापसी में युद्ध करता है वह फिर से आता है और युद्ध करना चाहता है और जब युद्ध करता है तो उस समय शासक कौन है चंद्रगुप्त मौर्य है और चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं उसको पराजित करते हैं चार प्रमुख क्षेत्र जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य को प्राप्त होता है और साथ में यूनानी राजकुमारी से उसका विवाह भी हो जाता है यहां पर देखिएगा कौन कौन सा एरिया उसको मिला है यहाँ पर देखिए तो काबुल का एरिया मिला है कंधार का मिला है मकरान का मिला है और हैरात का क्षेत्र उसको प्राप्त हुआ है सेलुकस निकेटर ने अपने राजदूत मेघास्तनीज को चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था तो मेघास्तनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजने वाला शासक कौन है तो भेजने वाला शासक है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन भेजने वाला सेनापति कौन है भाई सेलुकस निकेटर है मेघास्त्रीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी यह बात आपको याद रखनी है और इसमें पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन के बारे में उसने बात कही है जो हम लोग जब मौर्यकालीन प्रशासन देखेंगे तो हम लोग इसके बारे में और भी आगे विस्तार से बात करेंगे जीवन के अंतिम समय में चंद्रगुप्त अपने पुत्र बिंदुसार को सत्ता सौंपकर जैन मुनि भद्र बाहु के साथ श्रवण बेरगोला चले गए और वहीं पर सलेखना जो जैन धर्म में आपको पता है उपवास की पद्धति होती है अंतिम समय में आप क्या करते हैं खाना पीना सब कुछ छोड़ देते हैं और उससे आपका देह त्याग हो जाता है आपकी मृत्यु हो जाती है तो उपवास से अपने प्राण त्याग दिए मैंने आपको बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही जैन जो प्रथम काउंसिल थी उन्हीं के समय हुई थी और आप देखेंगे तो उस समय काफी बड़ा अकाल पड़ा था तो कुछ लोग क्या हुए कुछ लोग भद्र बाहु के साथ श्रवण बेलगोला उत्तरी कर्नाटक चले गए वो दिगंबर कहलाए जो नग्न रहते थे और जो व्यक्ति मगध में ही रह गए स्थूल भद्र के साथ वो श्वेतांबर कहलाए और वो लोग श्वेत वस्त्र धारण करते थे तो चंद्रगुप्त किन के साथ चले गए हैं भद्रबाहु के साथ इसलिए कहा जा सकता है कि उनका जो मानना था वो दिगंबर जो जैन धर्म का दिगंबर सेक्ट है उसकी तरफ इनका रुझान ज्यादा था इन्हें भाई बिंदुसार की बात हो रही है दो से लेकर दो सौ बहत्तर ऐसा पूर्व इन्हें अमित्र घात भद्रसेन और सिंहसेन आदि कहा गया है इसी के समय सीरिया के शासक एंटियोकस का दूत डायमेकस ये नाम याद रखिएगा तथा मिस्र का शासक द्वितीय का दूत डायनोसियस तो एक है डायमेकस और एक है डायनोसियस ये दोनों बातें आपको याद रखनी हैं और यह दोनों हुआ कब है भाई यह दोनों बिंदुसार के समय पर हुआ है तो दोनों चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी है बिंदुसार और यह आजीवक सेक्ट को मानता है अशोक पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं अशोक से संबंधित सवाल जो है वो काफी बार पूछा जाता है तो अशोक को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं अशोक दो से दो ईसा पूर्व सिंहासन पर बैठने के चार वर्ष बाद दो ईसा पूर्व दो में बैठा और दो सौ में बैठा है और चार वर्ष बाद लगभग दो सौ उनहत्तर उज्जैन का राज्यपाल था ठीक है तो सिंहासन पर बैठने के चार वर्ष बाद दो सौ उनहत्तर में उसका राज्यभिषेक हुआ और राज्यभिषेक के दौरान वह किसका राज्यपाल था उज्जैन का राज्यपाल था ऐसा माना जाता है कि बिंदुसार अशोक को नहीं चाहते थे राजा बनाना लेकिन अमात्यो ने धोखाधा करके अशोक को जो है वो राजगद्दी दी और आप देखेंगे कि तो अशोक एक महान सम्राट तो तो सिंहासन पर तो भाई दो सौ तिहत्तर दो सौ बहत्तर ईसा पूर्व में ही बैठ गया था लेकिन राज्यभिषेक इसका दो सौ ईसा पूर्व के समय हुआ था तो राज्यभिषेक चार साल के बाद किया गया था दो ईसा पूर्व में आप देखेंगे तो राज्यभिषेक दो सौ उनहत्तर में हुआ है तो उसके 9वें वर्ष में कलिंग विजय हुई और यहीं से आप देखेंगे तो यहीं से उसके हृदय में परिवर्तन आ गया जो वह युद्ध की नीति रखा था यहां पर कलिंग के युद्ध में लाखों लोगों को जब मरते हुए देखा तो यही युद्ध की नीति को त्याग कर वह धम्म या फिर कहूं तो नैतिकता की नीति का अनुपालन करना शुरू कर दिया अशोक सिंघली अनुश्रुति के अनुसार निग्रोथ के प्रवचन से अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और जो उसकी अध्यक्षता की थी उनके शासनकाल में मुगाली उसका वह शिष्य बना तो निग्रोथ के प्रवचन से क्या हुआ है अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया है ये चीजें आपको याद रखनी है और वह शिष्य किसका था ये भी बातें याद रखनी है इससे पूर्व अशोक शैव था लेकिन बाद में चूंकि बौद्ध धर्म के प्रति उसका झुकान हो गया के दसवें वर्ष उसने बोध गया की यात्रा की तो राजभिषेक के दसवें वर्ष उसने बोध गया की यात्रा की चौदहवें वर्ष धम महामात्रों की नियुक्ति की और बीसवें वर्ष लुम्बनी गया और उसे लुम्बनी गया और उसे क्या किया कर मुक्त घोषित कर दिया तो अपने राज, राज्या्याभिषेक के बीसवें वर्ष में वह लुम्बनी जाता है और वहां जाकर उसे कर मुक्त कर देता है और कहा जाता है कि कर को घटा भी देता है भूमि कर का जो एक भाग जो घटा कर कितना कर देता है भूमि कर को घटाकर एक बटा आठ कर देता है वहां पर और इसका पता रुमन देई से लगता है रुमनदेई शिला से अशोक के अभिलेखों में शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा जो पाकिस्तान में है के अभिलेख खरोस्टी लिपि में उत्कीर्ण है तक्षशिला से अरमाइक लिपि में उत्कीर्ण अभिलेख सेराकुना से यूनानी तथा अरमाइक लिपि में उत्कीर्ण अभिलेख प्राप्त हुए हैं तो देखिए एक तो खरोस्टी लिपि में फिर अरमाइक लिपि में यूनानी में सभी तरह के लिपियों में इन तीनों तरह के लिपियों में पाए गए हैं हालांकि ब्राह्मी लिपि में भी पाया गया है थोड़ा पानी पी लो भाई ठीक है। अशोक का इतिहास भी हमें अशोक का इतिहास भी हमें इन्हीं अभिलेखों से प्राप्त होता है अभी तक अशोक के चालीस अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं तो अभी तक अभिलेख अशोक के चालीस अभिलेख हमें प्राप्त हो चुके हैं अब देखिएगा तो अशोक के वृहद जो शिलालेख हैं, जो पत्थरों पर लिखे हुए हैं शिलाओं पर उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं कौन कौन से हैं? यह इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से भी तो देखिएगा धौली यह उड़ीसा के पूरी जिले में है शाहबाजगरी यह पाकिस्तान में स्थित है मानसेहरा यह पाकिस्तान के हजारा जिले में स्थित है कलसी यह वर्तमान उत्तराखंड राज्य में है जौगढ़ यह उड़ीसा में है सोपारा यह महाराष्ट्र के थाने जिले में है एरागुडी यह आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में है गिरनार यह गुजरात के काठियावाड़ में जूनागढ़ के पास है ब्रह्मगिरी यह मैसूर कर्नाटक के चित्रदुर्ग में स्थित है सिद्धपुर यह भी कर्नाटक में है यह ब्रह्मगिरी से एक मील उत्तर पूर्व में है जत रामेश्वर यह भी कर्नाटक मैसूर में और ब्रह्मगिरी से तीन मील उत्तर पूर्व में स्थित है अहरोरा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में है शारोमारो यह मध्य प्रदेश के शाहडोल जिले में है नतूर यह कर्नाटक के बेल्लारी जिले में है रूपनाथ यह मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में है गुर्जरा यह मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है भाव यह राजस्थान के जयपुर जिले में है भाव या भाबरू अभिलेख कहा जाता है भाबरू लघुशिला लेख है ये सब यह रायचूर जिलों में है मास्की तो हम लोगों ने कौन कौन सी चीजें देखी हम लोगों ने वृहत शिला लेख भी देखा और लघु शिला लेख भी अशोक का देख लिया है अब आइए बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु अशोक ने दूतों एवं प्रचारकों को विदेश भेजा और यह एक काफी उसकी जो है प्रमुख उपलब्धि भी रही अपने दूसरे तथा तेरहवें शिला लेख में उसने उन देशों का नाम लिखवाया जहां दूत भेजे गए थे तो यह किसमें है भाई दूसरे सेकंड नंबर और तेरहवें दोनों शिला में है दक्षिण सीमा पर स्थित राज्य चोल पांडेय सत्यपुत्र केरल पुत्र तथा ताम्रपर्णी बताए गए हैं तो इन जगहों पर भी उसने जो है अपने दूत भेजे थे धम्म के प्रचार के लिए और धम्म महामात्रों की नियुक्ति की जिससे धम का प्रचार संभव हो कितने लोग धर्म को अपना रहे हैं इसके बारे में भी जानकारी मिल सके क्लियर है चलिए सम्राट अशोक की राजकीय को राजकीय घोषणाएं जिन आप देखिएगा जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण है उन्हें लघु स्तंभ लेख कहा जाता है तो वह जो भी घोषणाएं करते थे तो वही घोषणाएं जहां पर उत्कीर्ण है उन्हें लघु स्तंभ लेख कहा जाता है और महत्वपूर्ण अभिलेख किन किन स्थानों पर स्थित है यह जान लीजिए चलिए सबसे पहला कहां पर है सबसे पहला है ची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है यह बात ध्यान दीजिएगा कि यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में है उसके बाद रोमंदई यह नेपाल के तराई क्षेत्रों में है इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि भाई जो अशोक का लघु स्तंभ लेख है उसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो अशोक का लघु स्तंभ लेख है उसमें जो रूमनदेई है लघु लघुस्तंभ लेख जो है उसी से हमें यह जानकारी मिलती है कि अशोक जो है वो लुम्बनी गया था नेपाल गया था और वहां पर भूमि करके भाग को घटाकर एक बटा आठ कर दिया उसी से हमको पता भी इस बात का चलता है कौसाम्बी देखिएगा तो कौसाम्बी प्रयागराज के निकट है यह सब तो फैक्ट है तो इसमें कुछ मेरा कोई स्पेशल रोल नहीं है याद करना है नितिल निगली सागर नेपाल के तराई में है वैशाली में सिंह सिर केवल शेर लिख रहित बिहार में स्थित है तो यह सब अशोक के लघु स्तंभ लेख है एक रीडिंग मार लीजिएगा थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा अशोक के गुहा लेख मतलब गुफाओं पर जो लेख होगा गुफाओं पर कुछ उत्कीर्ण बातें होंगी कुछ आदेश होंगे उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं तो दक्षिण बिहार के गया जिले में स्थित बराबर नामक तीन गुफाओं की दीवारों पर अशोक के उत्कीर्ण लेख प्राप्त हुए हैं उसके बाद इन सभी की भाषा प्राकृत इन सभी की भाषा प्राकृत तथा ब्राह्मी लिपि में है इन सभी की भाषा प्राकृत तथा ब्राह्मी लिपि में है केवल दो अभिलेख आप देखिएगा जो शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा पाकिस्तान से मिले हैं वहां पर भाषा ब्राह्मी न होकर क्या है खरोष्ठी है तो यहां पर भाषा ब्राह्मी न होकर खरोष्ठी है इस बात का भी आपको ध्यान रखना है यह लिपि दाएं से बाई ओर लिखी जाती है ठीक है और आपको दिखा दि, दिखेगा कि जो खरोष्ठी है वह दाई से बाई ओर लिखी जाती है क्षशिला से अरामिक लिपि में लिखा एक भगन अभिलेख कंधार के पास जो अफगानिस्तान में कंधार है वहां से स्थान से यूनानी तथा अभिलेख प्राप्त हुए हैं तो किस किस लिपियों में हुए हैं एक तो हो गया ब्राह्मी एक हो गया खरषि एक हो गया अरमय और एक हो गया यूनानी तो यह चारों लिपियों में अशोक के अभिलेख आपको मिले हैं तो इस तरह का जब ऑप्शन अगर बताए तो उस समय ध्यान देना है कि भाई ऐसा ना हो कि मामला गंभीर हो जाए कि भाई आप लोग को बस याद रहे खरोस्टी ब्राह्मी नहीं आरामयिक में भी मिले हैं और साथ ही साथ यूनानी में भी मिले हैं तो चारों याद रखना है अब हम लोग अशोक के स्तंभ लेख के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है भाई अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या है कुल सात जो छह भिन्न स्थानों में पाषाण स्तंभों पर उत्कीर्ण पाए गए हैं या भिन्न स्थानों पर पाषाण स्तंभों मीन्स पत्थर के स्तंभों पर उत्कीर्ण पाए गए हैं इन स्थानों के नाम को अब थोड़ा देख लिया जाए कौन कौन सा है भाई कौशाम्बी स्तंभ लेख कहाँ है इलाहाबाद में इसे अकबर के द्वारा लाया गया था ठीक है इलाहाबाद में इसे अकबर के द्वारा लाया गया था दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख यह स्तंभ लेख प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में पाया गया था लेकिन बाद में आप देखेंगे तो फिरोज शाह तुगलक एफ के द्वारा इसे कहा लाया गया इसे दिल्ली में लाया गया था तीसरा क्या है <coughs> दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख यह भी प्रारंभ में कहा था मेरठ में था लेकिन फिरोज शाह तुगलक का बेचारे का काम ही था कि जो जहीं हो उसको वहां से हटाकर कहां लेके आ जाओ दिल्ली लेकर आ जाओ तो फिरोज शाह तुगलक इसको भी दिल्ली लेकर आ गया लौरिया अरेराज और लौरिया नंदनगढ़ जो स्तंभ लेख है यह भी कहाँ है यह भी बिहार राज्य के चंपारण जिले में ही स्थित है रामपुरवा कहाँ है यह भी चंपारण में है बिहार राज्य में यह भी ध्यान दीजिएगा तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या क्या देखा इस प्रकार से हम लोगों ने अशोक के स्तंभ लेख देख लिए ठीक है अब हम लोग प्रांतीय प्रशासन देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के समय का तो प्रांतीय प्रशासन में देखेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन संचालन को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने राज्य को चार प्रांतों में विभाजित कर दिया आप देखिएगा इन प्रांतों को जब विभाजित किया है इन्हें क्या कहा जाता है चक्र

प्रतिनिधियों के द्वारा जो है संचालित होता था और अंततः जो सर्वे सर्वा है वो कौन है सम्राट ही था सम्राट अशोक के काल में प्रांतों की संख्या कितनी हो गई पांच हो गई थी वैसे कितनी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने चार किया था लेकिन अशोक ने एक और बढ़ा दिया ताकि जो है शासन और प्रशासन में काफी आसानी हो क्योंकि जितना ज्यादा प्रांत का डिवीजन होगा उतने प्रतिनिधि राजा के लग जाएंगे और जितने प्रतिनिधि राजा के लग जाएंगे उतना लाभ मिलेगा राजा को क्योंकि शासन चलाना आसान हो जाएगा प्रांत में देखिएगा तो प्राचीन मध्य प्रदेश पाटलिपुत्र है उत्तरा पथ जो है वो तक्षशिला है दक्षिणा पथ सुवर्णगिरी है अवंती राष्ट्र उज्जैनी है कलिंग जो है उसका तोसली राजधानी है यह पांचों प्रांत आपको क्या करना है एकदम अभी से इसको याद कर जाना है किसी की भी राजधानी पूछ लेगा चार ऑप्शन दे देगा बोलेगा कौन अशोक का प्रांत नहीं था कौन था इस प्रकार से तो यह पांचों के पांचों नाम क्या होने चाहिए आपको याद होने चाहिए तो प्राची मध्य प्रदेश पाटलिपुत्र राजधानी है उत्तरापथ राजधानी तक्षशिला है दक्षिणापथ राजधानी सुवर्णगिरी है अवंती राष्ट्र राजधानी मध्य प्रदेश के उज्जैनी है और कलिंग उड़ीसा वाला उसकी राजधानी तोसली है तो यह ध्यान देना है उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला भाई पाकिस्तान हो गई देख लीजिए आज जो है बहुत लोग जो अद्भुत विचार वाले होंगे उनको पढ़ने में मन नहीं लग रहा होगा क्यों एक तो उसके पीछे रीजन है कि वरुण कुमार सिंह ने उनका कमेंट ही आज ऑफ करवा दिया है तो क्या यहाँ पर आकर वीरता का प्रदर्शन करे तो यहाँ पर आज वही बच्चे रुके होंगे पता नहीं मुझे तो दिख भी नहीं रहा कि कितने बच्चे रुके हैं क्योंकि मैं तो कैमरे के सामने खड़ा हूँ तो वही बच्चे रुके होंगे जो बच्चों को वास्तव में पढ़ना होगा जो बच्चे बस ऐसे ही लफनटूस गिरी करने आते हैं ठीक है यूट्यूब कमेंट से ही वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेते हैं बिंबिसार को भी तो वैवाहिक संबंध स्थापित करने में कष्ट का सामना करना पड़ा था हम लोग यूट्यूब से ही स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं सोचिए है कि सोशल मीडिया ने क्या चेंज ला दिया है चक्रों का प्रशासन कुमार मात्य या कुमार आर्यावत व्रत के नाम से कुमार कुमार पुत्र नामक पदाधिकारियों के द्वारा होता था यह ध्यान देंगे प्रांत किस में विभाजित था मंडल में मंडल किस में विभाजित था जिले में और जिन्हें क्या कहा जाता था विषय कहा जाता था अब आप देखिएगा तो उसके प्रशासक क्या कहे जाते थे उसके प्रशासक विषय पति कहे जाते थे मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि प्रांत मंडल में प्रांत है मान लीजिए तो इसको मंडलों में विभाजित कर दो और मंडल किसमें विभाजित थे जिलों में जिलों में यही कहने का मतलब है ठीक है मान लेते हैं चार मंडल है तो कितने हो गए चार चौक सोलह जिले ठीक है चार चौक सोलह जिले तो जिसका प्रशासक विषयपति कहलाता था जो जिले में विभक्त थे उन्हें हम क्या कहते थे आहार या विषय कहा जाता था जिले का प्रशासनिक पदाधिकारी स्थानिक होता था आप लोग भी जब प्रशासनिक पदाधिकारी बनिएगा तो आप लोग तो दूसरे पद वाले कहे जाइएगा ये लोग स्थानिक कहे जाते थे और गोप गोप क्या होता था दस गांव का प्रतिनिधि नाम भी बड़ा बढ़िया है दस गांव का क्या था प्रतिनिधि कहिए प्रशासक कहिए प्रशासक था गोप मेघासनीज के अनुसार नगरीय प्रशासन मैंने बताया था कि मेघासनीज की पुस्तक इंडिका इसमें क्या है पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन है और मेघासनीज के अनुसार नगरीय प्रशासन तीस सदस्यों के मंडल के द्वारा चलाया जाता है और यह मंडल कितने समितियों में विभाजित थी भाई छह समितियों में इन मंडल का विभाजन हुआ था अब देखिएगा नाम याद कर लीजिए अगर समिति का नाम याद करना है तो समिति का नाम याद कर सकते हैं और अगर नहीं करना है तो नहीं भी कर सकते ठीक प्रथम समिति उद्योग शिल्प का निरीक्षण करती थी द्वितीय समिति विदेशियों की देखरेख करती थी तृतीय समिति जनगणना समिति थी चतुर्थ समिति व्यापार वाणिज्य की व्यवस्था करती थी पंचम समिति विक्रय की व्यवस्था और निरीक्षण समिति विक्री कर व्यवस्था तो ये छह प्रकार की समितियां हुआ करती थी अगले में देखेंगे तो नगरों में पुलिस व्यवस्था थी जिन्हें क्या कहा जाता था रक्षित कहा जाता था नगरों में पुलिस व्यवस्था थी जिन्हें रक्षित कहा जाता था यूनानी सूत्रों में वर्णित अधिकारी एग्रोनोमोई जिलाधिकारी और एंटीनोमोई नगर आयुक्त तो भाई जो नगर का आयुक्त है कमिश्नर है उस देख लीजिए उसका नाम एंटी नोमोई था आपको बोला जाए ऐसा अगर लेकिन यूनानी सूत्रों में ऐसा ही बोला जाता था एग्रोनोमोई जिला अधिकारी था सैन्य व्यवस्था छह समितियों में विभक्त थी जो सैन्य विभाग के द्वारा देखरेख जिसकी की जाती थी तो मेघास ने प्रशासन के लिए भी छह समितियां बताई और यहां पर आप देख रहे हैं तो सैन्य व्यवस्था को देखने के लिए भी छह समिति थी प्रत्येक समिति में इसमें भी जैसा वहां पर पांच पांच होते थे यहाँ पर भी पांच पांच होते हैं लेकिन ये पांच पांच कौन थे सेना के विशेषज्ञ जो सेना के बारे में जानकारी रखते थे पैदल सेना अश्वसेना गज सेना रथ सेना नौसेना की व्यवस्था भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी सैनिक प्रबंध का सर्वोच्च अधिकारी क्या कहलाता था अंतपाल कहलाता था और वह सीमांत क्षेत्रों का व्यवस्थापक भी होता था जहां पर भी बॉर्डर एरिया होते थे वहां का ये मैनेजमेंट भी देखता था कौन था भाई सैनिक प्रबंध का सर्वोच्च अधिकारी अंतपाल, ठीक है? स्थनीज के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना छह लाख पैदल पचास हजार घोड़ा पे बैठने वाला स्वरोही नौ हजार हाथी आठ सौ से सुसज्जित अजेय सैनिक थे अशोक के परवर्ती मौर्य सम्राट मगध साम्राज्य के महान मौर्य सम्राट अशोक की मृत्यु दो सौ बत्तीस ईसा पूर्व में हो गई थी तो यह <laughs> अशोक की मृत्यु के बारे में लगभग चालीस साल अशोक ने शासन किया लेकिन जैसी शुरुआत थी वैसा अंत अशोक का नहीं हुआ जब आप लोग ए, 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 हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ेंगे तो इसके बारे में और थोड़ा विस्तार से जानेंगे अगला है कि देखिएगा नगर प्रशासन में तो अक, अशोक के उपरांत आप देखेंगे तो पांच दशक तक लगभग पांच दशक तक निर्बल उत्तराधिकारी शासन करते रहे और अशोक की मृत्यु के बाद आप देखेंगे तो साम्राज्य दो भागों में बट गया एक पश्चिमी और एक पूर्वी तो मौर्य साम्राज्य दो भागों में बट गया एक पश्चिमी और एक पूर्वी ठीक है एक पश्चिमी और एक पूर्वी ठीक है पश्चिमी भाग पर कौन शासन करता था भाई पश्चिमी भाग पर कुनाल करता था शासन और पूर्वी भाग पर संप्रति का शासन था संप्रति का पूर्वी भाग पर शासन था लेकिन आप देखेंगे तो फाइनली 180 सौ ईसा पूर्व आते आते ये जो पश्चिमी भाग है इस पर यूनानियों का और बैक्टीरिया के शासकों का पूर्ण रूप से कब्जा हो गया तो भाई अब साम्राज्य ही बिखर गया यहीं से आपको दिख रहा है पूर्वी भाग पर जो आपने देखा संप्रति का शासन था उसके बाद आप देखेंगे तो दशरथ का राज्य था और फाइनली देखेंगे तो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करनापति कर पुष्य मित्र ने कर दी तो बृहद्रथ जो है अंतिम मौर्य सम्राट है यह भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन है और इससे क्या हुआ मौर्य साम्राज्य समाप्त हो गया इससे मौर्य साम्राज्य पूरे तरीके से समाप्त हो गया मौर्य शासक वृहद्रथ की हत्या कर उसका सेनापति पुष्यमित्र मित्र शुंग मगध का शासक बनता है और उसकी उपाधि क्या है उसकी उपाधि है सेनानी तो पुष्य मित्र शुंग एक सौ चौरासी ईसा पूर्व में मगध का शासक बनता है और उसकी उपाधि सेनानी थी क्यों थी सेनानी अशोक के शासनकाल में आप देखेंगे तो कर्म कांड जो है वो पूरे तरीके से समाप्त कर दिए गए क्योंकि उसने धम की नीति को अपनाया था तो जो भी ब्राह्मण लोग थे जो भी पुरोहित लोग थे उनका तो भाई खाना पाना बंद हो गया खाना पीना तो वो लोग क्या बन गए सैनिक बन गए तो पुष्यमित्र मित्र भी वैसा ही किसी किस्म का कुछ है पुष्यमित्र पुष्यमित्र है क्या पुष्यमित्रुष्पित्र बेसिकली ब्राह्मण है लेकिन अब अशोक के काल के काल के चलते क्या करना पड़ा उसको सेना ज्वाइन करना पड़ा और वह सेनानी की उपाधि भी धारण की वृहद्रथ के समय और पुष्यमित्र के समय ये जो यूनान है और यवनों है उनका जो आक्रमण है ये लगातार हो रहा था और उसने यवन के आक्रमण को विफल करने का भी प्रयास किया पुष्य मित्र सुंग ने आप देखेंगे तो ब्राह्मण धर्म को फिर से स्थापित करने का प्रयास किया मतलब वैदिक पुनर्जागरण का आप इनको काल मान सकते हैं इसके, इनके को। ने दो बार अश्वमेघ यज्ञ भी किए और इनके पुरोहितों में पतंजलि भी शामिल थे उसके बाद पुष्यमित्र सुंग के बाद आप देखेंगे एक ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शासक बने थे और उसके बाद अग्नि की मालविका अग्निमित्रम उसमें जो ये आ, आप जो अग्निमित्र है मालविका तो एक हो गई और एक ये हो गया एक हो गई और एक हो गया है तो अग्निमित्र और मालिका मलिका से जुड़ी जो कहानी है उसमें यही अग्निमित्र है जो पुष्यमित्र के बाद शासक बने हैं देवभूति इस वंश का अंतिम शासक है तो देखिएगा तो भाई आपको दिखेगा कि वंश वंश का सुंग का पुष्यमित्र अंतिम शाशक कौन है? देवभूति और जिसकी हत्या उसके ही अमात्य या मंत्री वसुदेव या वसुमित्र के द्वारा कर दी जाती है और कर्ण वंश की स्थापना हो जाती है आप देखेंगे तो पुष्यमित्र सुंग की राजधानी भी पाटलिपुत्र है और वशुमित्र या फिर कर्ण वंश की राजधानी भी पाटलिपुत्र है कर्ण वंश का अंतिम शासक कौन है सुशर्मा है जो इस वंश का शासक था वंश आपको पता है कुशान वंश की जो स्थापना है वो लगभग 30 सी मतलब 30 ईस्वी में लगभग 350 तक चली है धीरे धीरे करके कुट फेसिस्ट के द्वारा इसकी जो है वो स्थापना की गई कडफेसिस बोला जाता है कुडफेसिस नहीं कडफेसिस के द्वारा इसकी स्थापना की गई और कुषाण जो वंश है उसका एक प्रमुख शासक कनिष्क भी रहा है और कनिष्क इस वंश का सबसे ग्रेट एम्परर आप मान सकते हैं कनिष्क के शासनकाल में ही आपको बताया था कि बौद्ध की चौथी संगति जो हुई प्रथम शताब्दी ईसवी में वह कनिष्क के शासनकाल में ही घटित हुई थी कश्मीर के कुंडलवन में तो यह ध्यान आपको रखना है इसमें देखिएगा तो कनिष्क ने पाटलिपुत्र को आक्रमण किया था और वहां से विजित कर अश्व को वह अपने साथ ले गया और एक चमत्कारी मुर्गा भी वहां से वो लेकर आया था ठीक है कुसान कालीन जो नागार्जुन है वो नालंदा के एक प्रसिद्ध रसायन विद थे मतलब केमिस्ट्रियन थे केमिस्ट्री को जानने वाले थे और जो बीकर का होता है ना आपने सुना होगा जब लेबोरेटरी वगैरह में जाते होंगे तो बीकर तो जो बीकर का प्रयोग है वह बीकर का प्रयोग नागार्जुन के द्वारा ही किया गया था कुर्तान साम्राज्य के बाद पाटलिपुत्र पर लिच्छवियों का शासन रहा था कुछ समय के लिए तो क्रम जो है आपको याद रखना है अब आ गया गुप्त वंश गुप्त वंश तो थोड़ा सा मैं पानी पी लूं क्लियर है तो गुप्त वंश में आप लोग देखिएगा तो क्या किया जाए एक टाइमलाइन थोड़ा सा गुप्त काल का आप लोग को बताते हैं तो फिर उससे कुछ और चीजें भी क्लियर होंगी ठीक है बोलते बोलते गला जो है वो दुख जाता है समझ ही रहे हैं आप लोग कि बोलते बोलते गला दुख जाता है चलिए स्टार्ट करते हैं चलिए क्या है तो देखिए गुप्ता डायनेस्टी में जब आएंगे तो थोड़ा सा शासन काल को भी ध्यान दे देंगे दे। गुप्ता डायनेस्टी में जब आएंगे तो शासन काल को भी थोड़ा ध्यान दे देंगे दे दे। क्या है देखिएगा श्री गुप्त जो है वो फाउंडर हैं श्री गुप्त जो है वो फाउंडर हैं इसके और उनका जो समय काल है वो 240 एडी से लेकर 280 एडी तक है और इन्होंने अपने टाइटल महाराज इन्होंने क्या टाइटल अपनाया था महाराजा को 240 एडी से लेकर 280 एडी तक घटोत्कच क्या है घटोत्कच सन है श्री गुप्त के और इन्होंने टाइटल लिया था महाराजा चंद्रगुप्त वन क्या है चंद्रगुप्त वन उसके बाद आए हैं उनका टाइम फ्रेम देख लीजिए 319 एडी से तीन एडी गुप्ता एरा को स्टार्ट किया इन्होंने और महाराजा धीराज की टाइटल को इन्होंने एक्जूम किया टाइटल लिया उपाधि ग्रहण की लिच्छवी प्रिंसेस कुमारा देवी से इन्होंने विवाह किया चंद्रगुप्त वन के बाद आ जाएंगे समुद्रगुप्त सब कुछ मिल जाएगा परेशान होने की जरूरत नहीं है नहीं भी दिख रहा है तो मैं जो बता रहा हूँ उतना ही सुन लीजिए इनका जो शासन है वो तीन एडी से तीन एडी तक रहा उसके बाद इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है इतिहासकार बी ए स्मिथ के द्वारा जो आयरिस जो आइडियोलॉजी है उसको फॉलो करते थे उसके बाद उसके बाद अब्सक्रिप्शन जो एरन अब्सक्रिप्शन है मध्य प्रदेश का उसमें उनके जो विजयी अभियान है उनके जो कैंपेन्स थे उनके बारे में चर्चा मिलती है इरन अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय आ गए इनका समय काल तीन सौ अस्सी से चार सौ बारह एडी है नवरत्न इनके ही दरबार में रहा करते थे विक्रमादित्य का इन्होंने उपाधि लिया और साथ ही साथ इनके ही शासनकाल में कौन आया था अपना फाहियान ठीक कुमार गुप्त वन के बारे में देखेंगे तो 413 एडी से लेकर लगभग 455 एडी तक यह शासन किया है नालंदा यूनिवर्सिटी को इसने फाउंड किया और इसको कहा जाता है सक्रादित्य ऑल्सो कॉल्ड एज सक्रादित्य स्कंद गुप्त का जो शासनकाल है उसके बाद है कुमार गुप्त के बाद स्कंद गुप्त उनका जो शासनकाल है वो 455 एडी से लेकर 467 एडी है इसने जो टाइटल लिया है उसका नाम है ये भी टाइटल जो लिया था विक्रम आदित्य और ये क्या था एक वैष्णव है सन ऑफ कुमार गुप्त है तो बेसिकली आपको जो है उसके बाद विष्णुगुप्त आ गया 540 एडी से लेकर 550 एडी तो मैंने यहां पर आपको बताने का क्या प्रयास किया है एक तरह से एक टाइमलाइन बताने का प्रयास किया है कि 240 से 280 इधर में चंद्रगुप्त वन 319 से 334 335 से 380 समुद्रगुप्त हैं 380 से 412 चंद्रगुप्त द्वितीय हैं कुमारगुप्त 413 से 455 हैं स्कंदगुप्त 455 से 467 एडी हैं उसके बाद वो विष्णुगुप्त जो है वो 540 से 550 एडी हैं स्कंदगुप्त के बारे में एक चीज और आप जानते होंगे कि इन्होंने हुनों का जो आक्रमण था उसका करारा जवाब उन लोगों को तौर पर पराजित किया लेकिन स्कंद गुप्त की मृत्यु के पश्चात फिर बार बार हुनों का जो है आक्रमण होता ही रहा परेशान करते ही रहे और गुप्त साम्राज्य को के पतन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा ही डाले चलिए गुप्त वंश देख लेते हैं समुद्र गुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति है कुमार गुप्त का जो विल्सन स्तंभ लेख है स्तंभ लेक उत्तर प्रदेश में है इटावा में और स्कंद गुप्त का भीतरी स्तंभ लेख है यह भी यूपी में है मिर्जापुर के आसपास के आधार पर निष्कर्षता इस वंश का प्रथम शासक कौन हुआ श्रीगुप्त था जिसकी उपाधि क्या थी महाराज थी ठीक है श्री गुप्त का समय काल मैंने बता ही दिया आपको इसका उत्तराधिकारी कौन है घटोत्कच। उसके बाद आया कौन चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त प्रथम एक पहला शासक था जिसने कौन सी उपाधि ली है महाराजा धीराज की उपाधि इसने हासिल की है उसके बाद देखेंगे तो उसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया अपने राज्यभिषेक तीन सौ उन्नीस ईस्वी के आधार पर उसने गुप्त संवत की शुरुआत भी कर दी अपने राज्य तीन सौ उन्नीस ईस्वी के आधार पर तो गुप्त संवत की शुरुआत करने वाला शासक चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त गुप्त शासक चंद्रगुप्त संपूर्ण बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से उसके साम्राज्य में शामिल थे तो कुछ हिस्से उसके साम्राज्य के अंतर्गत भी शामिल थे अभिलेखों तथा सिक्कों पर पराक्रमांक, व्याघ्र, पराक्रम, सर्व, पराक्रमांक्राक आदि उपाधियां प्रदान की ये सामान्य तौर पर नहीं है, पूछा जाता है समुद्र गुप्त के बारे में यह सब बताया जा रहा है लेकिन ये सब उपाधियां उतनी नहीं पूछी जाती है फिर भी याद रखिए, समुद्र गुप्त को इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने भारत का नेपोलियन कहा है और उत्तरापथ के द्वितीय अभियान में मैंने आपको उत्तरापथ बताया था जब मौर्य काल बता रहा था कि पांच प्रांत थे जिसमें उत्तरापथ की राजधानी कहाँ थी तक्षशिला तो उत्तरापथ के द्वितीय अभियान में नौ राजाओं को इसने विजित किया था मतलब नौ राजाओं को समुद्रगुप्त ने हराया था तो इसका साम्राज्य भी काफी विस्तारित था दक्षिणापथ जिसकी राजधानी स्वर्णगिरी थी उसमें भी इसने बारह राजाओं को हराया दक्षिणा पथ अभियान में ऐसा माना गया कि विजित क्षेत्रों पर समुद्र गुप्त ने प्रकार का दावा भी पेश किया उसकी नीति ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति थी अशोक के इलाहाबाद स्तंभ लेख पर समुद्र गुप्त की प्रशस्ति उसके संधि विग्रहिक एवं राजकवि हरिसेन ने लिखा है तो अशोक के इलाहाबाद स्तंभ लेख पर समुद्र गुप्त की प्रशस्ति किसके द्वारा लिखी गई है हरिसेन उसके राजकवि हरिसेन और संधि विग्रहिक के द्वारा ये दोनों चीजें जो है ये जो दोनों के द्वारा अशोक के इलाहाबाद स्तंभ लेख पर लिखी गई है रामगुप्त के बारे में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ऐतिहासिकते में स्तिग्धता है इसकी चंद्रगुप्त द्वितीय देवराज देवगुप्त देवश्री विक्रमादित्य आदि नामों उपाधियों से भी इसे जाना जाता था इसने ध्रुव देवी से विवाह किया ध्रुव देवी से विवाह किया दिल्ली के महरौली लौह स्तंभ पर जो लेख है उस पे चंद्र शासक द्वारा सिंधु के पार बालिकों और पूर्व में बंग शासकों पर विजय का वर्णन है और बाद में यही चंद्र शासक का जो पहचान है वो किससे किया गया चंद्रगुप्त द्वितीय से तो माना गया कि यह जो जो अभिलेख है इसका संबंध किससे है इसका संबंध आपका चंद्रगुप्त द्वितीय से है तो दिल्ली के महरोली स्थित लौह स्तंभ पर हमें चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित जानकारी मिलती है हालांकि इसमें चंद्र शासकों के द्वारा सिंधु के पार और पूर्व में बंगाल बंग शासकों पर विजय का वर्णन मौजूद है इसने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकटक नरेश रुद्र द्वितीय से कर दिया आप देखेंगे तो प्रभावती इसके बहुत सारे अभियान में काठियावार अभियान में इसका सहयोग भी करती है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का उसके बाद देखिए इसी के समय फाहियान ने भी भारत की यात्रा की और वह लगभग चौदह वर्ष तक भारत रहा है लगभग चार सौ चौदह ईस्वी तक चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में माना जाता है कि उसके दरबार में नौ रत्न रह रहा करते थे जिसमें कालिदास धनवंतरी छपणक अमर सिंह संकु बेताल भट्ट घटकर पर वराहमिहिर वरुचि जैसे विद्वान शामिल थे कुमार गुप्त प्रथम अब आ जाइए कुमार गुप्त प्रथम पे ठीक है तो देखिएगा मंदसौर अभिलेख से कुमार गुप्त के बारे में हमें विस्तृत जानकारी मिलती है और उसके बारे में यह पता चलता है कि भाई कुमार गुप्त प्रथम भी कोई चीज था मतलब गुप्त शासक था स्कंद गुप्त के भीतरी अभिलेख मैंने बताया उत्तर प्रदेश में उससे भी ज्ञात होता है कि कुमार गुप्त के शासनकाल में पुष्य मित्रों का आक्रमण हुआ था जिसे रोकने के लिए कुमार गुप्त ने स्कंद गुप्त को भेजा था ठीक है तो भाई कुमार गुप्त के शासनकाल में भी आप देखेंगे तो सको का आक्रमण हुआ और उसके लिए ही उसने किसको भेजा था स्कंद गुप्त को भेजा था क्योंकि कुमार गुप्त के बाद ही आएंगे गुप्त. नहालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी 450 सौ ईस्वी में इसके द्वारा ही की गई और कुमार गुप्त ने महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की थी अब आ जाइए स्कंद गुप्त में स्कंद गुप्त के बारे में पता चलता है जूनागढ़ अभिलेख से कि उसने हूनो को पराजित कर दिया था हून जिसको क्या कहा जाता था उस अभिलेख में मलेच मलेच उसने सुदर्शन झील जो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा निर्मित थी उसको पुनरुद्धार करवाया किसने स्कंदगुप्त ने कहम अभिलेख के अनुसार उसकी उपाधि क्या थी सक्रादित्य थी कुछ दिन पहले मैं जब पढ़ा रहा था अभी तो मैंने पूछा था सक्रादित्य तो सब कुमार गुप्त प्रथम कह रहे हैं जो उपाधि है वो किसे मिलती है वह मिलती है स्कंद गुप्त को क्योंकि इसने हुनों को हराया था गुप्त काल के का उत्तरार्ध तो चीनी यात्री तुंग युन ने 515-520 ईस्वी में भारत की यात्रा की हेन शांग ने भी की है हर्षवर्धन के काल में 629 सौ उनतीस ईस्वी से 645 सौ ईस्वी तक सोलह वर्षों तक रहा है और हिंगसान के अनुसार मगध के शासक नरसिंह गुप्त बालादित्य ने मिहिर को पराजित किया था यह हेन सांग के अनुसार माना जाता है कि नरसिंह गुप्त ने मिहिर कुल जो हूनो के राजा थे उनको पराजित किया था स्कंद गुप्त के बाद पुरुगुप्त कुमार गुप्त द्वितीय बुद्ध गुप्त नरसिंह गुप्त बालादितीय गुप्त कुमार गुप्त तृतीय इत्यादि लोग थे देखिये मिहिर कुल को पराजित तो कर दिया था लेकिन उसको फिर माफ कर दिया अपनी मम्मी के कहने पर यह उसकी सबसे बड़ी इतिहास में भूल भी बताई जाती है पागलों वाला कार्य कार्य जो है वो बताया जाता है विष्णु गुप्त इस वंश का अंतिम शासक था जिसने मगध पर शासन किया और गुप्त वंश के साथ ही मगध साम्राज्य का अंत हो गया तो गुप्त वंश के साथ ही मगध साम्राज्य समाप्त हो गया क्लियर है अब आ जाइए पाल वंश पर पाल वंश अब हम लोग जो है एक आध मिनट थोड़ा सा ये पीने का जो समय है ये ये एंशेंट हिस्ट्री को ख़त्म करने के बाद ही शुरू करते हैं तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा ठीक है एक मिनट का समय दीजिए अभी मैं टीम के टीम का एक न्यूज़ देख रहा हूँ बिहार लोक सेवा आयोग पटना का खबर है पटना का न्यूज़ है कि क्या न्यूज़ है कि शायद आप लोगों को पता भी होगा कि यह न्यूज़ क्या है न्यूज़ थोड़ा दिखा दूँ आप लोगों को कुछ कुछ लोगों को बड़ा शांति मिलेगा और बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है कि आप लोगों को समय भी मिला देखिएगा न्यूज क्या है कि सिक्सटी सेवेंथ बीपीएससी की जो परीक्षा थी उसको अपरिहार्य कारणों से अब कौन सा होता है इन लोग का अपरिहार्य कारण ये भाई इन्हीं को पता हमें नहीं पता थर्ड बीपी सिक्सटी सेवें बीपीएससी की परीक्षा जो ट्वेंटी थर्ड जनवरी दो हजार बाईस को संभावित थी वो परीक्षा अब अपरिहार्य कारणों से स्थगित की जाती है लेकिन बहुत जल्दी ही नई तिथि मिल जाएगी तो ज्यादा समय नहीं लगेगा मतलब हो सकता है फरवरी स्टार्टिंग में ही आ जाए ठीक है एक महीने का मैक्सिमम समय देगा लेकिन इससे ज्यादा का समय नहीं मिलेगा तो अभी मत सोचिए कि एकदम जो है आप लोगों को दस महीने का समय मिल गया तो ये बात आपको ध्यान में रखना है ध्यान में ये रखना है क्लियर है ठीक है यह चीज आप लोगों ने देखी ली अब चलिए अब इंजॉय करिए लेकिन अभी वीडियो को देख लीजिए लास्ट तक एग्जाम का डेट जल्दी ही आ जाएगा ठीक है ऐसा मत सोचिए कि लेट हो जाएगा ठीक है ऐसा अगर सोचा तो जो सोचेगा वो खो जाएगा खोएगा चलिए तो हम लोग अभी आगे बढ़ते हैं पाल शासक देख रहे थे पाल शासकों पर ही हम लोग डिस्कशन करेंगे आगे ठीक है पाल शासकों पे यह डिस्कशन करेंगे पाल वंश का संस्थापक कौन है गोपाल है गोपाल को माना जाता है बिहार उसके राज्य में शामिल था बिहार उसके राज्य में शामिल था बड़ा अच्छा बात है तो पाल वंश के शासन काल में ही बिहार भी शासन जो बिहार भी उसमें शामिल था बंगाल का एरिया तो था ही तो पाल वाले लोग हमेशा त्रिपक्षीय संघर्ष में मतलब लगे ही रहते थे पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट ये सब तो ये सब हम लोगों को अभी इसमें नहीं पढ़ना है बिहार के इतिहास में गोपाल ने उदांतपुरी महाविहार और विश्वविद्यालय की स्थापना की जो कहा है बिहार शरीफ नालंदा जिले में स्थित है यह महाबिहार हिरण्य प्रभात पर्वत पर पंचानन नदी के किनारे स्थित है तो नदी का नाम याद रख लीजिएगा तो और भी बहुत बड़ी इसमें बात होगी इधर ध्यान दीजिए धर्मपाल 770 से 810 सौ ईस्वी इसी के समय त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू हुआ प्रतिहार नरेश वत्सराज ने धर्मपाल को पराजित किया प्रतिहार नरेश ने आगे चलकर राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव ने धर्मपाल और वत्सराज जो प्रतिहार नरेश है दोनों को पराजित कर दिया तो यह त्रिपक्षीय संघर्ष जो है यह चलता रहा त्रिपक्षीय संघर्ष में हम लोगों को ज्यादा दिक्कत नहीं लेना है धुर ये देख लीजिए देख लिया हम लोगों ने अब जो है धर्मपाल देखते हैं धर्मपाल गोपाल है 750 से 770 और धर्मपाल 770 से 810 सौ ईस्वी धर्मपाल ने विक्रमशिला महाविश्वविद्यालय की स्थापना की तथा बौद्ध विहारों का निर्माण करवाया विक्रमशिला महाविहार और विश्वविद्यालय भागलपुर जिले में लगभग शहर से 50 किलोमीटर पूर्व में स्थित है कौन सा गांव है भैया अंतिचक गांव अंतिचक गांव में स्थित है कहां स्थित है अंतिचक गांव में धर्मपाल के बारे में देखेंगे तो सोमपुरा महाविहार जो बांग्लादेश के नवगांव जिले के पहाड़पुर गांव में है उसका निर्माण भी धर्मपाल ने करवाया वर्तमान में यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची, सूची में शामिल है वर्तमान में यह यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल है धर्मपाल को अभिलेखों में परम सौगात परम सौगात कहा गया है गुजराती कवि सोडल ने इसे उत्तरा का स्वामी कहा है ठीक है क्लियर है चलिए देवपाल देवपाल ने देवपाल ने इसी ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई इसने जावा, सुमात्रा के शासक बालपुत्र देव को नालंदा में विहार बनाने हेतु पांच गांव भी इन्होंने प्रदान किए तो देखिएगा एक तो है मीर कासिम जिसका नाम आप लोग सुने होंगे दूसरा कौन है दूसरा है ये देवपाल देवपाल 810 ईस्वी तो से 850 ईस्वी तो और इसने भी अपनी राजधानी किसको बनाई है इसने भी अपनी राजधानी मुंगेर को बनाई है इसने जावा सुमात्रा के शैलेंद्र वंशी शासक बाल पुत्र देव को नालंदा में बिहार बनवाने हेतु पांच गांव प्रदान किए हैं महिपाल प्रथम इसे पाल वंश की पुनर्स्थापना का श्रेय दिया जाता है महिपाल प्रथम को और इसी के समय राजेंद्र चोल ने आक्रमण किया था तो राजेंद्र चोल का आक्रमण यही महिपाल प्रथम के समय में हुआ है बौद्ध भिक्षु अतीस दीपम दीपंकर के नेतृत्व में इसने तिब्बत में एक दूत मंडल भी भेजा था किसने महिपाल प्रथम ने रामपाल इस वंश का अंतिम शासक माना जाता है और इसी के समय केवर्त विद्रोह हुआ था तो यह भी आपको ध्यान देना है रामपाल तो रामपाल इस वंश का अंतिम शासक माना जाता है अब आ जाइए कर्नाट वंश तो कर्नाट वंश का संस्थापक कौन है इस वंश का संस्थापक है नान्यदेव इसके बाद आता है गंगदेव फिर उसका पुत्र नरसिंह देव कर्नाट कहाँ के हैं भैया मिथिला क्षेत्र के जो मधुबनी मधुबनी सीतामढ़ी दरभंगा वाला जो इलाका है उसमें इनका शासन आपको देखने को मिलता है ठीक है मैपिंग में दिखाऊं अगर तो एक बार दिखा देता हूं कहां पर है इनका शासन इनका शासन मिथिला क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा ठीक है मैप दिख रहा हो अगर तो देख लीजिए ये वाला जो इलाका है इधर वाला ठीक है ये वाला नरसिंह देव के समय ही आप देखेंगे जो कर्नाट के शासक नरसिंह देव हैं इनके ही समय आप देखेंगे तो बख्तियार खिलजी ने उस समय कौन थे कर्नाट वंश के शासक जब बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया था तो उस समय कौन हुआ करते थे इसके शासक उसके में जो है इनके शासक थे कौन उस समय इनके शासक थे नरसिंह देव नरसिंह देव तो बख्तियार खिलजी का जब आक्रमण हुआ जब हम लोग अभी मगध जब हम लोग मध्यकालीन बिहार का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें बख्तियार खिलजी पढ़ेंगे तो बख्तियार खिलजी के आक्रमण के समय कौन थे तो नरसिंह देव के समय ही यह आक्रमण नालंदा विक्रमशिला जैसे जगहों पर जैसे महाविहारों पर किया गया था और उस समय जो कर्नाट वंश के शासक हैं वह कौन है नरसिंह देव वैसे ही पाल वंश के शासक कौन थे इंद्र पाल ये सब कौन थे जब बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया था उसी प्रकार सेन वंश भी एक था और सेन वंश के उस समय शासक कौन थे लक्ष्मण सेन तो ये चीजें आप लोगों को याद रखनी चाहिए चलिए तो ये इतना हम लोगों को देखना था मध्यकालीन बिहार के इतिहास में सॉरी प्राचीन कालीन बिहार के इतिहास में अब हम लोग इसके आगे मध्यकालीन बिहार का इतिहास थोड़ा पढ़ते हैं ठीक है चलिए तो अभी लोगों के उत्साह का समय आ गया परीक्षा के समय लोगों में उत्साह कुछ और होता है एग्जाम कैंसिल हो जाएगा तो अब सोना बाबुओं का समय आया मैसेज करेंगे आराम से कोई विशेष काम नहीं करेंगे बस मैसेज और इस पर इन लोगों का विशेष ध्यान रहेगा चलिए अब हम लोग क्या करते हैं भैया अब हम लोग मध्यकालीन बिहार के इतिहास को हम लोग अपना टारगेट पूरा करते हैं बाद बाकी जिनको पढ़ना है वो पढ़ें जिनको आराम करना है वो करे क्या दिक्कत है ठीक है तो मध्यकालीन इतिहास मध्यकालीन इतिहास <clears throat> तो देखिए बिहार में आपको पता होना चाहिए कि हुआ क्या कहा जाता है कि बिहार में तुर्कों की स्थापना का श्रेय बख्तियार खिलजी को जाता है मेरा तो मानना है कि तुर्कों की स्थापना का श्रेय बख्तियार खिलजी को नहीं जाता है हमने ऐसा कर्म किया कि तुर्क की स्थापना हो गई कैसे बिहार विभिन्न शक्तियों का अड्डा बन गया इधर सेन वंश इधर कर्नाट वंश इधर दक्षिण बिहार में कई स्वतंत्र राजवंश तो ये सब आपस में ही संघर्ष करते रहे और उसका फायदा किसे मिला उसका फायदा बख्तियार खिलजी को मिला तुर्क शासक तुर्क बेसिकली कहा से आए थे तो तुर्क उत्तर पश्चिमी चाइना से मंगोलिया से आए हुए माने जाते हैं तो इसका फायदा तुर्कों को मिला और तुर्क शासन ने उस चीज का फायदा भी उठाया और अपनी स्थिति यहां पर मजबूत कर ली आप देखेंगे तो बिहार के क्षेत्र में लगभग बारहवीं से सत्रहवीं सदी बारहवीं सदी के मध्य से लेकर लगभग सेवेंटींथ सेंचुरी तक आपको दिखेगा कि हम लोग मध्यकालीन बिहार के इतिहास में इसको काउंट करते हैं इसका आरंभ बिहार में तुर्कों के आगमन से होता है और इसका अंत यूरोपियन के आगमन से हो जाता है इस पूरे मध्यकालीन बिहार का मध्यकालीन बिहार में हम लोग बेसिकली ये देखेंगे कि तुर्क शासन फिर हम लोग थोड़ा सा देखेंगे दिल्ली सल्तनत फिर मुगल शासक के समय शेर शाह को भी इसमें पढ़ेंगे अफगान शासक अब आ जाइए तो बिहार को जीतने वाला पहला मुस्लिम विजेता मैंने ऑलरेडी आपको बताया ये कौन है बख्तियार खिलजी को माना जाता है वस्तुतः उसने बारहवीं सदी के अंत में ठीक है और तेरहवीं सदी के प्रारंभ में बिहार पर आक्रमण किया बारहवीं सदी का मतलब अंत मतलब 1100 से ले कर, 1101 से लेकर लेकर 1101 मान के चलिए 1199 तक तो ये बारहवीं सदी हुआ तेरहवीं सदी 1201 से लेकर 1299 तक ऐसा तो कह रहा है कि बारहवीं सदी के अंत मतलब क्या हुआ 1100 से लेकर 1199 तक तो ग्यारह में इसने आक्रमण शुरू किया तेरहवीं सदी के प्रारंभ मतलब बारह सौ से शुरू हो जाएगा और आप देखेंगे तो यह आक्रमण इसका चलता रहा ग्यारह सौ अंठानवे से यह सिलसिला शुरू हो गया इतिहासकारों के अनुसार आप देखेंगे तो बख्तियार खिलजी ने उदांतपुरी तथा नालंदा विश्वविद्यालय का विनाश किया और बख्तियार खिलजी के समय जो बिहार शरीफ तुर्क शासन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ था तो आप यहां पर ध्यान दीजिएगा एक तो देखिए कि बख्तियार खिलजी ने किस किस विश्वविद्यालयों को और महाविहारों को नष्ट किया उदांतपुरी, उदांतपुरी की स्थापना गोपाल ने की थी पालवंशीय शासक और नालंदा विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है जिसकी स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा की गई है ठीक है चलिए बख्तियारपुर शहर का भी संस्थापक कौन है भाई बख्तियार खिलजी ही है बख्तियार खिलजी को ही माना जाता है और इसने स्वयं द्वारा विजित तत्कालीन प्रदेशों की राजधानी लखनौती को अपनी राजधानी इसने बनाई है तो लखनौती को इसने राजधानी बनाई लखनौती कहाँ है बंगाल में है और इसने वहाँ पर राजधानी बनाई है यहाँ पर आप देखिएगा तो बख्तियार खिलजी ने ओदांतपुरी नालंदा के बाद आप देखिएगा तो चढ़ाई कहाँ पर की जो नदिया के इलाके में जहाँ पर सेन वंश का जो है आधिपत्य था जिस समय शासक लक्ष्मण सेन थे और वहाँ पर नदिया के क्षेत्रों को विजय विजित विजित किया और उसके बाद ही उसी के पास लखनौती थी और उसको अपनी राजधानी बना लिया बख्तियार खिलजी ने मिथिला क्षेत्र के कर्नाट वंशीय शासक नरसिंह देव तथा जयनगर के गुप्त शासकों को भी अपनी अधीनता स्वीकार करवाई तो बख्तियार खिलजी ने मिथिला क्षेत्र के कर्नाट वंशीय शासक नरसिंह देव और जयनगर के गुप्त शासकों को भी अपनी अधीनता स्वीकार कराई तो देखिए एक तो हुआ सेन वंश जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया एक यहां पर आ गया कौन एक आ गया यहां पर कर्नाट वंश इसको भी अपनी अधीनता स्वीकार करा ली जयनगर के गुप्त शासकों को भी करा ली और साथ ही साथ आप देखेंगे तो पाल वंश का जो इंद्र प्रद्युम्न पाल है उसका भी यहाँ पर कोई विशेष रोल नहीं रहा उसको भी जो है बख्तियार खिलजी के सामने झुकना ही पड़ा है बख्तियार खिलजी की हत्या उसके ही किसने कर दी है भाई अधिकारी ने कर दी अली मर्दान खिलजी ने और उसका जो मकबरा है जो उसको दफनाया गया वो बिहार शरीफ के इमादपुर गांव में है नालंदा में ही है तो बख्तियारपुर की स्थापना इस भी इसने की तो तरह तरह के इसने काम किए हैं ये आपको इसमें याद रखना है तुर्को की जो स्थापना है उसका श्रेय जो है बेसिकली बख्तियार खिलजी को ही जाता है बारह ईस्वी में इतुतमिश ने आप देखिएगा जिसका समय काल क्या है 1211 से 1236 तो 1225 ईस्वी में इतुत ने बिहार शरीफ तथा बाढ़ पर अधिकार किया और इस दौरान उसने राजमहल की पहाड़ियां जो झारखंड में है में हिशामुद्दीन इवाज को उसने पराजित कर दिया मलिक अलाउद्दीन जानी को इलतूत ने याद रखिएगा बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया तो सूबेदार मतलब सूबे का प्रमुख ठीक है तो बिहार का प्रमुख किसको बनाया भाई मलिक अलाउद्दीन जानी को इलतुतमिश ही वह दिल्ली सल्तनत का शासक है जिसने बिहार को सर्वप्रथम दिल्ली सल्तनत के अंदर शामिल किया है वह इलतूत है बारह सो तीस में बिहार तथा बंगाल को पुनः विभाजित कर दिया ध्यान दीजिएगा इसने आ, मलिक जानी ने और उसके बाद इलतुतमिस और मलिक जानी ने बिहार तथा बंगाल को पुनः विभाजित कर दिया लेकिन बाद में मलिक जानी के बाद इतुतमिस का पुत्र नसरुद्दीन महमूद ने अवध बिहार तथा लखनौती को एक कर दिया था ध्यान दीजिएगा तो नसरुद्दीन महमूद जो इलतुतमिस का बेटा है उसी ने क्या किया इनको एक कर दिया अवध को बिहार को और लखनौती वाला क्षेत्र को सैफुद्दीन एवं तुगान भी मिस के द्वारा बिहार में सूबेदार बनाए गए तो ऐसा अगर ऑप्शन दे दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन कौन बिहार के सूबेदार बने थे तो उसमें आप कहिएगा कि पहला तो भाई मलिक जानी थे फिर तुगान खान भी है फिर आपके सैफुद्दीन एबक भी हैं तो इन तीनों का नाम होगा तो उपरोक्त में से एक से अधिक उस उसको उस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ग्यासुद्दीन तुगलक ने 1324 ईस्वी में बंगाल अभियान से वापसी के दौरान कर्नाट वंश के अंतिम शासक हरि सिंह देव को हराया है यह ध्यान में रखना है कि भाई सुद्दीन तुगलक ने 1324 सो ईस्वी में बंगाल अभियान कर रहा था वहां से वापसी के दौरान यह कर्नाट वंश जो मिथिला का कर्नाट वंश का शासन है उसके अंतिम शासक हरि सिंह देव को यह हरा दिया तुर्कों के समय कौन था वहां पर तुर्कों के समय कौन था बताया था मैंने कि जब आपके आ, जब जब बख्तियार खिलजी का शासन हुआ था उस समय वहां पर कौन था ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया नरसिंह देव का नाम ऑलरेडी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है देखिए, अगर नहीं बताया है तो उसको लिख लीजिए क्योंकि देव। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था तो ये बात आपको ध्यान देखना है और यहां पर जो आपका आया है वो कौन है यहां पर आया है आपका तुगलक। और उसके समय कौन है हरि सिंह देव हरि सिंह देव क्लियर है मोहम्मद बिन तुगलक के समय बिहार का सूबेदार या प्रांतपति प्रांत मतलब जो बिहार प्रांत है उसका प्रमुख या सूबेदार उसी को कहा जाता है एक सूबे का प्रमुख बिहार का प्रांतपति मजदुल मुल्क था फिरोज शाह तुगलक ने राजगृह के जैन मंदिरों को दान दिया था तो पूछा जाता है कि, कि किस तुगलक शासन ने शासक ने राजगृह के जैन मंदिरों को दान दिया था तो उसमें करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा उसमें करेक्ट उत्तर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने तुगलक काल में बिहार की राजधानी क्या थी बिहार की राजधानी तुगलक काल में बिहार शरीफ थी और इस समय प्रमुख प्रशासक कौन था भाई मलिक इब्राहिम या मलिक बया मलिक इब्राहिम या जिसको आप मलिक बया के नाम से जानते हैं और जिसका मकबरा कहाँ पर है बिहार शरीफ में जिसका मकबरा है बिहार शरीफ में यह ध्यान देंगे तेरह सौ चौरानवे ईस्वी में ख्वाजा जहां का जहां बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ ख्वाजा जहाँ बिहार का सूबेदार नियुक्त हुआ तेरह सौ चौरानवे ईस्वी में तो ये सब अब सूबेदार है याद रखना होगा नाम जिसको मुल्... ये किसके द्वारा नियुक्त हुआ है सुल्तान नसरुद्दीन महमूद के द्वारा ठीक है सुल्तान नसरुद्दीन महमूद कौन है ये है इलतुतमिस के पुत्र शीर सूरी बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से शीर शाह सूरी काम में जब बीपीएससी के परीक्षा की बात करेंगे तो उस हिसाब से यह काफी इंपॉर्टेंट आपका एक शासक बन जाता है आप देखेंगे तो तत्कालीन जो शाह राम है सासाराम का जागीरदार हसन खां सूर का यह पुत्र था कौन शीर शाह सूरी तो शीर शाह सूरी एक अफगान शासक है माना जाता है कि यह तत्कालीन शाह के जागीरदार हसन खां सूर का पुत्र था सिर शाह का बचपन का नाम क्या है फरीद खान ये भी पूछा जाता है परीक्षा में कि सीर खा, सीर शाह के बचपन का नाम क्या है तो वह फरीद खान है फरीद खान ने तलवार से एक शीर को मार डाला था और उसकी इस बहादुरी से प्रसन्न होकर सुल्तान मोहम्मद बहार खां नुहानी ने उसे शीर खां की उपाधि प्रदान की थी तो ये सुल्तान मोहम्मद बहार खां का भी नाम आपको याद रखना है पंद्रह ईस्वी में शेर शाह ने सूरजगढ़ा के युद्ध में बंगाल की सेना को पराजित किया था कब पंद्रह ईस्वी में और उसके बाद देखिएगा तो 26 जून पंद्रह में इसने चौसा जो बक्सर है जहां से आप गंगा का भी संबंध सुनते होंगे चौसा से गंगा नदी का चौसा के युद्ध में मुगल शासक हुमायूं को इसने पराजित किया था 26 जून पंद्रह सौ ईस्वी को शेर खान चौसा की लड़ाई में विजय प्राप्त करने के बाद किसकी उपाधि लेता है शेर शाह की उपाधि धारण करता है और सिंहासन पर विराजमान होता है ठीक है चौसा में पराजित होने के एक वर्ष बाद ही हुमायूं के द्वारा फिर से वापसी की जाती है कि भैया हम जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं तो वही बात है कि हुमायूं द्वारा 1540 ईस्वी में कन्नौज या बिलग्राम के निकट फिर एक युद्ध के लिए शेर शाह को ललकारा गया इसे बिलग्राम के युद्ध के नाम से जानते हैं और इसमें शेर शाह की विजय हुई इसे हम लोग किस युद्ध के नाम में जानते हैं बिलग्राम के युद्ध में और इसमें शेर शाह जो है वो विजयी हुआ और उसके बाद उसका आगरा में चूंकि दिल्ली और आगरा दोनों पर उसका अधिकार हो गया तो आगरा में उसने शेर शाह का राज्याभिषेक हुआ है 10 जून 1540 को <coughs> तो एक बार हराया फिर दोबारा बिलग्राम और कन्नौज में हराया है किसको हुमायूं को तो देखिए मुगल शासक उस समय है 1526 से 1530 तक बाबर है 1530 से 40 में आप देखेंगे तो हुमायूं रहा लेकिन 1540 के बाद सत्ता किसके पास आ गई शेर शाह के बाद शिर शाह के पास और उसके बाद वो 15 से 55 छप्पन तक हुमायूं ही रहेगा उसके बाद आपको पंद्रह से सोलह तक अकबर दिखाई पड़ेगा तो शेर शाह जो है वो 10 जून 1540 को शेर शाह का राज्य अभिषेक हुआ लेकिन यह पांच वर्ष तक ही शासन कर पाता है क्योंकि बहुत बुजुर्ग अवस्था में अड़सठ वर्ष की अवस्था में यह शासन करने आता है तो पांच वर्ष तक ही यह शासन कर पाता है उसके बाद इस्लाम शाह जो है वो इसका उत्तराधिकारी बनता है शेर शाह ने अपने शासन काल में पटना का दुर्ग बनवाया और इस नगर को पुनः 1541 ईस्वी में बिहार की राजधानी भी बनाया है शेर शाह ने तारीखे दाऊदी जिसकी रचना अब्दुल्लाह ने की है यह ध्यान रखिएगा कि तारीखे दाऊदी की रचना किसके द्वारा की गई है इसकी रचना अब्दुल्लाह ने की है उसके अनुसार शेर शाह ने पटना को राजधानी बनाया और उसके बाद यहाँ दुर्ग का निर्माण करवाया है कब 1541 में 1541 में ठीक है सिर शाह का मकबरा कहां स्थित है का मकबरा शासाराम में स्थित है जिसका काम शुरुआत किसने कराया बाबू शीर शाह ने स्वयं कराया लेकिन उसको कंप्लीट किसने कराया उसके बाद जो उसका पुत्र है ने शीर शाह द्वारा सुलेमान करारानी को बिहार का सूबेदार का पद प्रदान किया गया था सुलेमान करारानी को बिहार का सूबेदार मतलब बिहार का प्रांतपति आप समझ सकते हैं टीर शाह द्वारा सूर वंश की स्थापना की गई तथा देश में डाक प्रथा का प्रचलन भी उन्होंने ही आरंभ किया है तो देखिए डाक प्रथा कब से चली आ रही है ये सोचिए शेरशाह एक दूरदर्शी दूर तक देखने वाला अपने साम्राज्य के बारे में सोचने वाला एक कुशल प्रशासक था और उसने अपने शासनकाल में एक बेहद विशाल ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया और उसी के माध्यम से यातायात की व्यवस्था को इसने सुदृढ़ करने का भी काम किया है ने 1542 ईस्वी में मालवा पर आक्रमण किया तथा 1543 सौ ईस्वी में उस पर इसने विजय प्राप्त किया शेरशाह शाह अड़सठ वर्ष की आयु में 1540 सो ईस्वी में हसन पर बैठता है मैंने आपको बताया था काफी बुजुर्ग अवस्था में बैठता है मात्र पांच वर्ष तक 1545 तक ही बैठ पाता है लेकिन इस पांच वर्षों में उसने इस तरह का ऐतिहासिक कार्य कर दिया जिसके लिए उसको इतिहास में हम लोग आज भी याद करते हैं शेर शाह ने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र को पटना नाम से पुनर्स्थापित किया जिसका आपको मिलता भी है वर्णन रोहतासगढ़ का किला तथा दिल्ली का किलाए कुहना नामक मस्जिद उसी ने बनवाया है तो रोहतासगढ़ का किला और दिल्ली का किलाए कुहना नामक मस्जिद भी उसके द्वारा ही बनवाया गया था यह भी आप लोगों को याद रखना है ठीक है चलिए एक मिनट चलिए तेर शाह ने किसानों की दशा सुधारने और राज्य की आय को निश्चितता देने के लिए उसने क्या किया उसने भूमि व्यवस्था में काफी सुधार किए भूमि की माप के लिए 32 अंक वाला सिकंदरी गज एवं सन की डंडी का प्रयोग किया एक तरह से आप समझेंगे तो भाई यह भूमि व्यवस्था को सुधारने का प्रयास था पट्टा प्रथा की शुरुआत की पैदावार का लगभग एक तिहाई भाग लगान के रूप में वसूला ताकि भाई प्रशासनिक खर्चा निकाला जा सके तो यह सब काम जो है वो शेर शाह ने अपने शासन के दौरान में किया है शाह ने एक अत्यंत विकसित मुद्रा प्रचलित की जिसमें शुद्ध चांदी का रुपया एक ग्रेन और तांबे का एक क्या था उसका नाम क्या था दाम 380 ग्रेन तो चांदी का रुपया और तांबे का ग्राम इसने चलवाया और अनेक सिक्के चलवाए आप देखेंगे तो शेर शाह द्वारा एक दिन सैनिकों के कार्य के निरीक्षण के दौरान एक गोला फट गया और हद गोला फटने के कारण क्या हुआ कि शेर खां घायल हो गए और 22 मई 1545 सौ पैतालीस ईस्वी को चूंकि बुजुर्ग थे ही उनकी मृत्यु हो गई तो यह बात आपको ध्यान देना है क्लियर है चलिए तेर शाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र जलाल खान जलाल खान इस्लामाबाद के नाम से 27 मई इस्लाम इस्लामाबाद नहीं इस्लाम शाह के नाम से सौ 1545 ईस्वी को गद्दी पर बैठा, उसका पुत्र है बिहार में अफ़गान जो सम्राट थे, उसके पतन के बाद भी आप देखेंगे तो बिहार अफगानों के अधीन काफी समय तक बना रहा आप देखेंगे तो इसमें ताज खां करारानी सुलेमान खान दाऊद खां करारानी आदि प्रमुख रहे और इन लोगों ने अपना नियंत्रण 1580 ईस्वी तक बनाकर रखा उसके बाद अकबर के शासनकाल में अकबर के द्वारा इसको मुगल साम्राज्य के अधीन एक प्रांत के रूप में जो है वो शामिल कर लिया गया बिहार को क्योंकि जब आगे देखिएगा आप कि दाऊद का करारानी का तो जो ये रवैया है अकबर के लिए वो सही नहीं था और सुलेमान खान का तो बढ़िया चल रहा था लेकिन जो दाऊद खां का रवैया है वो अकबर को सही नहीं लगा सुलेमान खान का तो ठीक था इसलिए उसने दाऊद खां के समय में वह स्वयं पटना आया बिहार आया और उसने आक्रमण कर जो है इस क्षेत्र को जीत लिया और मुगल साम्राज्य में एक प्रांत और सूबा के रूप में इसने शामिल कर लिया तो देखिएगा सुलेमान खान का तो भाई संबंध बढ़िया था 1556 से पंद्रह यह भी अकबर के शासनकाल में ही है क्योंकि अकबर का शासनकाल पंद्रह से सोलह सौ ईस्वी तक है शासन किया और अपने अधिकार क्षेत्र को का उड़ीसा तक विस्तार कर लिया सुलेमान खान ने उसने तत्कालीन मुगल सम्राट अकबर मैंने बताया था आपको 1557 से 1605 ईस्ट इंडिया कंपनी भी जो जो स्थापना है 1600 इसी के समय हुई है उसने तत्कालीन मुगल सम्राट अकबर के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार बनाए रखा लेकिन दाऊद खान कररानी ने अकबर के प्रति भाई सम्मान पूर्वक जो है व्यवहार नहीं रखा अब सोचिए मुगल सम्राट अकबर के आप सामने जो जो है ज़्यादा तेज बनेंगे तो क्या तो क्या होगा वही हुआ मंजूरे खुदा हुआ फिर अकबर जो है वो स्वयं पंद्रह में बिहार आता है पंद्रह सो छिहत्तर ईस्वी में पटना पर अधिकार कर लिया तथा दाऊद खां कहा चला गया पलायित हो गया इस नगर से दाउद खां करारानी आप याद रखिएगा बिहार का अंतिम अफगान शासक बनता है क्लियर है 1580 ईस्वी तक बिहार को मुगल साम्राज्य का एक प्रांत घोषित कर दिया जाता है और अकबर ने राजा मान सिंह को पंद्रह से पंद्रह तक क्या नियुक्त किया है प्रांतपति तो राजा मान सिंह ने भी जो भी स्थानीय चुनौतियां थी जैसे खरकपुर और भोजपुर के स्थानीय सरदारों को इन्होंने पराजित किया और रोहतास रोहतास जो बिहार का रोहतास वाला इलाका है उसको इन्होंने अपनी राजधानी बनाई है जहांगीर के शासनकाल में आप देखिएगा तो जहांगीर का शासनकाल क्या है 1557 से 1605 अकबर का है 1605 के बाद से 1627 तक लगभग शासनकाल किसका आ गया जहांगीर का 1627 से सोलह औरंगजेब का और सोलह सो सोलह से सोलह सो छप्पन शाहजहां का और सोलह सत्तावन से सत्रह सात तक औरंगजेब और का शासनकाल रहा तो जहांगीर शाहजहां औरंगजेब ऐसे चलता जाएगा जहांगीर के शासन काल में खोखरा देश छोटा नागपुर के क्षेत्र पर मुगलों का अधिकार स्थापित हुआ तो खोखरा देश आपको पूछा जाए कि किसको कहा जाता है तो यह छोटा नागपुर के इलाके को कहा जाता है और इस क्षेत्र में जो विभिन्न खाने थी हीरो की खान थी उस पर मुगलों का अधिकार हुआ जहां जिसके बारे में पता कैसे चलता है कि यहाँ पर सोने की भी खान थी वो तुजु के जा, जो जहांगीरी है जो जहांगीर की आत्मकथा है उसमें ये बात पता चलता है आप देखिएगा तो पहली बार ऐसा हुआ कि भाई जहांगीर ने अपने जो पुत्र है राजकुमार उसको बिहार का प्रांतपति बना दिया 1621 सौ ईस्वी में 1605 से सोलह तक जहांगीर है तो उस बीच में ही कर रहा है 1621 में और इसके बाद से जो ये प्रांत पदियों पतियों का जो पद है यह किसको दिया जाने लगा राजकुमारों को दिया जाने लगा अब मुगल काल में बिहार देखा जाए मुगल काल में बिहार 1702 ईस्वी में औरंगजेब ने अपने प्रिय पोत्र राजकुमार अजीम को बिहार का सूबेदार नियुक्त किया उसने पटना को अजीमाबाद का नया नाम दिया और उसका पुनर्निर्माण भी करवाया किसने भाई औरंगजेब ने अपने प्रिय पोत्र पुत्र नहीं पोत्र पोत्र मतलब भाई पोता राजकुमार अजीम उसको जो है बिहार का सूबेदार नियुक्त किया और उसने पटना को अजीमाबाद नाम दे दिया तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया है तो औरंगजेब के पुत्र राजकुमार अजीम ने। क्लियर है। में राजकुमार अजीम को अजीम मुस्ान की उपाधि प्रदान की गई और औरंगज़ेब की मृत्यु के, के पश्चात भी आप देखिएगा तो जो बहादुर शाह शासक बनते हैं 1707 से 1712 तक उसने भी पुनः हाँ, आप देखिएगा तो किसको बनाया अजी मुस्ान को ही बिहार का प्रांतपति बनाया मतलब जो औरंगजेब बना के गया था उसी को कंटिन्यू किया है बहादुर शाह ने 1712 तक 1711 सो ईस्वी में फरुखसियार जो बंगाल से बिहार चला आया फरुखसिहार पहला मुगल सम्राट था जिसका राज्यभिषेक पटना में हुआ है बिहार में यह नाम याद रखिएगा तो फरुखसियार एक पहला शासक है जिसका जो अः जो राज्याभिषेक है वह बिहार के पटना क्षेत्र में हुआ है उसका शासनकाल जो है बहादुर शाह के बाद कब से 1712 सौ 1719 ईस्वी तक हुआ है 1733 तक देखिएगा तो बंगाल के नवाबों के द्वारा बिहार बंगाल और उड़ीसा का प्रत्यक्ष शासन ग्रहण कर लिया गया और अंग्रेजों की सत्ता स्थापित होने तक यह स्थिति कायम रही तो बंगाल बिहार और उड़ीसा किसके अधीन आ गया है सत्रह सो तैतीस ईस्वी तक यह आ गया है बंगाल के अधीन मीन बंगाल के नवाब के अधीन अब ये क्या करते हैं बंगाल के नवाब कुछ उप नवाब या नायब नाजिमों को रखते हैं कि भाई चूंकि हम हम बंगाल के मान लो नवाब हैं लेकिन हम बिहार जाके थोड़े शासन प्रशासन देखेंगे हमको किसी को रखना पड़ेगा तो जो प्रतिनिधि को रखते हैं उसको ये लोग नायब नाजीम बोलते हैं या फिर उप नवाब बोलते हैं ठीक है अब देखिए तो इसके बाद हम लोग आधुनिक बिहार में थोड़ा सा पढ़ेंगे आधुनिक बिहार के इतिहास को जब देखेंगे तो इसके बाद ही हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा ठीक है इधर क्या है इधर जो है वो बंगाल बंगाल के नवाबों का जो है वो आपको प्रभाव देखने को मिलेगा इधर जो है जब फिर से थोड़ा सा उछलते हैं आ, कुछ कुछ अफगान जो है फिर से उछलने लगते हैं इधर लास्ट समय में फिर तो अब अंग्रेज ही आ जाएंगे तो यहां पर भी आप देखेंगे तो बस आपको यह याद रखना है कि नवाब जो बंगाल के नवाब हैं उनके द्वारा ही बंगाल बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र पर जो है अधिकार कर लिया गया है और उन्हीं के द्वारा जो है यहाँ पर नायब नाजिमों को रखा जाता है जो शासन प्रशासन को देखते हैं बिहार में चेर डायनेस्टी इसका उदय किसके बाद हुआ है पाल वंश के पतन के बाद हुआ और इसके अंतर्गत बिहार का शाहबाद जो भोजपुर का इलाका है सारण चंपारण मुजफ्फरपुर तथा पलामू के क्षेत्र शामिल होते हैं तो मैप में अगर दिखाऊं देखिए ये वाला जो इलाका है यहाँ पर आपको दिखेगा कि जो यहां पर वाला जो इलाका है इसमें देखिए जो भोजपुर का इलाका है जो सारण का इलाका है जो चंपारण का इलाका है इन सब इलाकों में देखिएगा जो मुजफ्फरपुर का इलाका है इन सब इलाकों में आपको पलामू झारखंड का पलामू जो क्षेत्र है इन सब इलाकों में आपको दिखेगा कि भाई चीर चीरो वंश का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा चेरो वंश का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा ये देखिए ये तो झारखंड का मैप था और ये जो है ये किसका मैप है यह बिहार का मैप है यह बिहार का है यह झारखंड का आ गया अब झारखंड में देखिए ये है पलामू ठीक है जो थोड़ा सा बड़ा होगा तो और क्लियरली ये आपको विजिबल होगा ठीक है सोलह ईस्वी में उज्जैनों तथा चेर राजाओं के मध्य युद्ध हुआ जिसमें नारायण मल के नेतृत्व में उज्जैन वंशीय राजा विजयी हुए तो बस ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन कि उज्जैनों के और चेरों के बीच युद्ध हुआ है जिसमें नारायण मल के नेतृत्व में उज्जैन वंशीय राजा को विजेता मिली है विजय हुए हैं चेर वंश के राजा फूल को जगदीशपुर के मेले को प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है तो भोजपुर मेला को जो प्रारंभ करने का श्रेय दिया जाता है वह किसको दिया जाता है चीर वंश के राजा फूलचंद को चीर वंश में आप देखेंगे जो सबसे प्रमुख राजा हैं वो पलामू के हैं मेदनी राय सोलह सो 1660 ईस्वी तक औरंगजेब के समय में आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि लगभग इस क्षेत्रों पर जो जिस भी क्षेत्र पर चीरो का अधिकार था इस पर मुगलों की सत्ता जो है का जो अधिकार है वो स्थापित हो गया नुहानी देख लीजिए चौदह सौ पंचानवे छियानवे में दरिया खान नुहानी सिकंदर लोदी जो लोदी डायनेस्टी थी उसके द्वारा बिहार का सूबेदार बनता है और यह अपने पद पर 1523 सो ईस्वी तक बना रहता है इसके बाद बहार खान नुहानी इस जो है प्रशासक नियुक्त होता है तो देखिए चौदह सौ पंचानवे छियानवे में आपको दिख रहा है कि सिकंदर लोदी के द्वारा जब लोदी वंश है तो उस समय बिहार का सूबेदार दरिया खान नुहानी है वह 1523 तक रहता है और है और 1526 में देखेंगे पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद बहार खान ने बिहार में स्वतंत्र शासन स्थापित किया और सुल्तान मोहम्मद शाह नुहानी की उपाधि धारण की तो उपाधि बेसिकली आप धारण किसका करेंगे जो भाई आपसे श्रेष्ठ होगा आप ये फील करेंगे कि इसका उपाधि धारण करने से हमको कुछ बल मिलेगा बहार ने 1526 में कनकपुरा के युद्ध में इब्राहिम लोधी को हरा दिया था और बहार खां के बाद आप देखेंगे फरीद खां वही शेर शाह के संरक्षण में उसका पुत्र जलाल खां बिहार में नुहानी वंश का अंतिम शासक बनता है तो सबसे पहले आपको दिख रहा है दरिया बाद फिर दिखा 1523 के बाद, के बाद बहार खा, बहार खा ने क्या किया सौ ने आप देखेंगे तो इसने क्या किया बहार खाने बहार खाने पराजित किया है किसको भाई इब्राहिम लोदी को और साथ ही साथ इसने मोहम्मद शाह नुहानी का जो है वो उपाधि भी धारण किया है फाइनली बहार खां के बाद कौन आता है उसका पुत्र जलालुद्दीन खान या फिर जलाल खान नुहानी और वह किसका उसका संरक्षक कौन है फरीद खान और बाद में जो है फरीद खान ही जो है वो अफगान शासक बन जाता है तो यहीं से आपको फरीद खान भी जुड़े हुए दिखाई पड़ेंगे तो ये है मध्यकालीन बिहार का इतिहास अब हम लोग आ जाएंगे कहां पर भैया अब हम लोग आ जाएंगे आधुनिक बिहार के इतिहास में आधुनिक बिहार का इतिहास ठीक है आधुनिक बिहार का इतिहास चलिए तो एक मिनट का दीजिए भाई इसके बैटरी को भी चेंज करना पड़ेगा awa jari चलिए आवाज जारी होगी तो हम लोग क्या है? स्टार्ट करेंगे अब आधुनिक बिहार का इतिहास आधुनिक बिहार का इतिहास देखिएगा तो बिहार में यूरोपीय या व्यापारिक वर्गों का प्रादुर्भाव ठीक है इसको से हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे देखा हम लोगों ने कि भाई बंगाल के जो नवाब थे उनका आधिपत्य हो गया बंगाल बिहार और उड़ीसा के क्षेत्र में सत्रह ईस्वी तक और यह स्थिति तो तो पुर्तगाली बिहार में व्यापार करने वाले व्यापार करने आने वाले प्रथम जो है वो व्यापारी थे उनका व्यापारी केंद्र कहाँ है हुगली था जहां से वे नाव द्वारा पटना आया जाया करते थे कहाँ पर हुगली जो है हुगली चूंकि पश्चिम बंगाल में है तो वहां से पटना अगर उनको आना जाना होता था तो वो नाव के माध्यम से आया जाया करते थे बिहार सोरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था सोरा के उत्पादन ने औपनिवेशिक शक्तियों को बिहार में काफी बड़े तौर पर आकर्षित करने का प्रयास किया था सोरा क्या है सोरा है बेसिकली जिसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है बारूद में ठंडा रखने के लिए भी किया जाता है बारूद में भी किया जाता है तो इस उद्देश्य से बिहार जो है उसमें काफी जो है आप देखेंगे तो बिहार में काफी आ, आ, बिहार की डिमांड जो है वो औपनिवेशिक शक्तियों के सामने काफी अत्यधिक थी बिहार क्षेत्र की मांग थी क्योंकि यहाँ पर सोरा का उत्पादन होता था उससे एक जाति भी जुड़ी थी जातिया बेसिकली नोनिया समुदाय इससे जुड़ा हुआ था अंग्रेजों ने 1620 सौ ईस्वी में पटना में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने का प्रयास किया लेकिन वह स्थापित नहीं हो पाई जहांगीर के शासनकाल में स्थापित करने का प्रयास किया गया था लेकिन वह स्थापना पूर्ण नहीं हो पाई पूर्ण जो है वो फाइनली आप देखेंगे तो शाहजहां के शासनकाल में वह पूर्ण हो पाती है फाइनली देखेंगे तो प्रथम प्रारंभ में अंग्रेजों की रुचि सूती वस्त्र अनाज और सोरे की प्राप्ति मात्र थी लेकिन बाद में अंग्रेज जो है वह नील के उत्पादन की ओर भी आकर्षित हुए सोलह सौ ईस्वी में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना हुई है सोलह सो ईस्वी में बिहार के सूबेदार साइस्ता खां के द्वारा व्यापार पर कर लगा दिए जाने के कारण ब्रिटिश फैक्ट्री का प्रमुख जॉब ने हुगली शहर को यही कलकत्ता का संस्थापक भी है और इसी ने आप देखिएगा तो हुगली शहर को लूट लिया था ठीक है और 1717 में दोनों पक्षों में समझौता हो जाने के बाद आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि सत्रह सत्र में दोनों पक्षों में समझौता हो जाने के बाद ने अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने की स्वतंत्रता प्रदान कर दी थी ठीक है क्योंकि भाई अब यहां पर बिहार का सूबेदार था साइस था खां उसने कह दिया भाई व्यापार पर ज्यादा तुमको जो है पैसा देना पड़ेगा टैक्स देना पड़ेगा फाइनली क्या कर दिया जॉब चारनौक ने हुगली जो पश्चिम बंगाल में है उस शहर को लूट लिया और उसके बाद जो है समझौता हुआ और समझौता के बाद अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने की पुनः स्वतंत्रता दी गई मैंने आपको बताया कि अंग्रेजी जो कंपनी थी उसको 1620 में स्थापित करने का प्रयास किया गया था 1620 के समय में 1623 में लेकिन सोलह uh, के समय में लेकिन वह स्थापित कब हो पाई वह स्थापित 1651 के दौरान में हुई है शाहजहां के टाइम पे ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है फिर भी ध्यान में रखेंगे कि इसकी जो स्थापना जो है वो अंग्रेजों के समय अंग्रेजों ने कोशिश भले की थी कि पटना के आलमगंज में हम 1620 में ही इसको स्थापित कर दें लेकिन वह हो नहीं पाई और वास्तविक सफलता उनको 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को मिलती है फ्रांसीसी यात्री टेवर नियर अपने यात्रा वृतांत में पटना को दूसरा सबसे बड़ा नगर बताया है तो फ्रांसीसी यात्री टेवरनियर ने अपने यात्रा वृतांत में जो पटना का क्षेत्र है उसको दूसरा सबसे बड़ा नगर बताया है और एक यन, अन्य यात्री है मैनोरिक ने तत्कालीन पटना की जनसंख्या लगभग कितनी बताई थी दो लाख दो लाख बताई थी अंग्रेज व्यापारी जॉन मार्शल और पीटर मुंडी का पटना आगमन हुआ तथा 1630 से चौतीस ईस्वी के मध्य तक वह बिहार में रहे हैं और उस समय मुगल शासक कौन है 1630-34 के दौरान में शाहजहां अब थोड़ा सा हम लोग पलासी का युद्ध जो है आप लोग जानते ही हैं कि पलासी का युद्ध 23 जून सत्रह को हुआ जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई षड्यंत्रों से अंग्रेज ने उनको हरा दिया उसमें मीर जाफर जो उसका सेनापति था उसने अपनी सेना की टुकड़ी शामिल ही न की सिराजुद्दौला के पक्ष में जिससे कारण अंग्रेज जो है उन्होंने सिराजुद्दौला को पराजित कर दिया अब देखिएगा तो पलासी के युद्ध के पश्चात क्या हुआ तो मीर जाफर बंगाल का नवाब बनता है कठपुतली नवाब बन जाता है और इस दौरान मीर जाफर क्या होता है लॉर्ड क्लाइव जो उस समय का बंगाल का गवर्नर था लॉर्ड क्लाइव के साथ पटना आया तथा क्लाइव ने मीरन को बिहार का उपनवाब नियुक्त किया तो अंग्रेजी गवर्नर लॉर्ड क्लाइव मीर जाफर के साथ आता है और मीर जाफर जो है वह मीरन को क्लाइव के माध्यम से क्या करता है बिहार का उपनवाब नियुक्त करता है परंतु मीरन वास्तव में सत्तासीन नहीं हो सका तो वास्तविकता में वह सत्तासीन नहीं हो पाया और आप देखिएगा तो उस समय तत्कालीन मुगल शहजादा कौन है अली गौहर अथवा शाह आलम द्वितीय ने बिहार के क्षेत्र में मुगल सत्ता को पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया है तो शाह आलम द्वितीय जो है वह बिहार में मुगल सत्ता को स्थापित करने वाला एक प्रमुख शासक भी है जिस प्रकार वर्तमान में बिहार राज्य प्राकृतिक आपदाओं का सामना करता है ऐसी परिस्थितियां पहले भी विद्यमान हुआ करती थी सत्रह में बिहार में पड़े भीषण अकाल का सामना करने हेतु अनाज के भंडारण के लिए पटना में गोलघर का निर्माण करवाया गया था तो कहां पर गया करवाया गया था भाई पटना में गोलघर का निर्माण करवाया गया था सत्रह में बिहार में भीषण अकाल का सामना करने के लिए इस समय गवर्नर जनरल कौन है अंग्रेजों में तो इस समय बंगाल के गवर्नर जनरल हैं वॉरेन हेस्टिंग्स सत्रह से पचासी तक आपको पता है कि अंग्रेजों ने अपनी हित की पूर्ति करने के लिए मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया था परंतु वह उनकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरा फिर क्या किया गया मीर जाफर को हटा करके मीर कासिम को बना दिया गया मीर कासिम भी बड़ा स्वतंत्रता प्रिय टाइप का आदमी था उसने क्या किया उसने देवपाल की तरह क्या किया भाई अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर कहाँ लेकर चला गया मुंगेर बिहार के मुंगेर में तो जो तो टाइप का, का जो बनाता है बारूद का कारखाना वो मुंगेर में जो देखने को मिलता है वो इसी की देन है मीर कासिम की अंग्रेजों की नीतियों से असंतुष्ट अवध का नवाब सुजाऊ दौला मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय जिसको अली गौहर भी कहा जाता है और चूंकि मीर कासिम से भी क्या थी मीर कासिम से भी अंग्रेज नाखुशी थे तो आप देखिएगा तो मीर कासिम को भी उस पद से हटा दिया गया तो जो बंगाल का पदस्थ नवाब है मीर कासिम इन तीनों की संयुक्त सेना ने किसको किसके साथ युद्ध कर किया हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में कंपनी की सेना के साथ जो है वह युद्ध हुआ कहने का मतलब है कि इधर कौन कौन है इधर है आपका सुजाउदौला अवध का नबाब साथ ही साथ शाह आलम द्वितीय साथ ही साथ तीसरा कौन है सुजाउदौला और मीर कासिम है इधर कौन है अंग्रेजी सेना है उसका नेतृत्व तो करता कौन है हेक्टर मुनरो तो इस प्रकार का कुछ आपको समीकरण देखने को मिल रहा है इधर कौन है तीन है अवध का नवाब ए एन लिख दे रहा हूं सुजाउद दूसरा कौन है मीर कासिम बंगाल का नवाब बी एन लिख दे रहा हूँ बंगाल का नवाब मीर कासिम का नवाब और उसके बाद मुगल जो नवाब है क्या नाम है मुगल शासक का शाह आलम द्वितीय अली गौहर जिसको कहा जाता है ये तीनों हैं एक साथ मिले हैं इधर कौन है इधर कौन है भैया इधर है अंग्रेज अंग्रेजी सेना कंपनी की सेना और इसमें कौन है कंपनी की सेना में कौन है भैया हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में कंपनी की सेना है इधर ये तीनों हैं और पराजित हो जाते हैं कौन ये तीनों इसमें पराजित हो जाते हैं ये तीनों जो हैं वो इसमें पराजित हो जाते हैं कौन भैया ये तीनों ठीक है ध्यान दीजिएगा ये तीनों क्लियर है चलिए 22 अक्टूबर सत्रह को यह युद्ध होता है बहुत जगह पे 24 अक्टूबर भी देखने को मिलता है तो बहुत में आंसर बहुत में आपको मिलेगा कि 24 अक्टूबर को हुआ था बहुत जगह पे 22 अक्टूबर को 22 अक्टूबर सत्रह को बक्सर में युद्ध होता है इस युद्ध में ऑब्वियसली अंग्रेजों की विजय हुई शक्तिशाली सेना थी उनके पास इस युद्ध में उन पर उनका विजय हुआ परिणाम स्वरूप अंग्रेजों को बंगाल बिहार तथा उड़ीसा जो वर्तमान ओडिशा है उसकी दीवानी प्राप्त हुई मतलब टैक्सेशन वाला राइट जो है वह मिल गया अंग्रेजों को और इसके साथ ही अंग्रेजों का भारत में राजनैतिक शक्ति के रूप में उभार हुआ ठीक है वैसे कहा जाता है कि भाई इतिहासकारों के द्वारा कि राजनीतिक शक्ति के तो रूप में वो कब उभर गए थे पलासी के युद्ध के बाद ये तो एक उनको यहाँ पर सोचिएगा तो यहाँ पर तो उनको एक बल जैसा मिल गया जब बक्सर के युद्ध में उनकी विजय हो गई क्योंकि यहां से उनको दीवानी अधिकार भी मिल गया है आलम द्वितीय द्वारा जो मुगल शासक है बिहार बंगाल तथा उड़ीसा के क्षेत्रों में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान प्रदान करने से बिहार में जो सामान्य प्रशासन है उस पर भी अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हो गया अप्रत्यक्ष तौर तो पर ही सही लेकिन नियंत्रण तो बन ही जाएगा अब देखिए दीवानी राइट है और फौजदारी राइट है अब एगो राइट तुम दे दोगे तो भाई कहीं ना कहीं से वो दूसरे राइट को इन्फ्लुएंस करेगा ही करेगा पैसा का तुम टैक्सेशन का अधिकार दे दिए ठीक है मान लेते हैं कि तुमने क्रिमिनल जो राइट है मतलब क्राइम से रिलेटेड या फौजदारी से रिलेटेड जो राइट है वो नहीं दिया है लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रभाव वो पड़ेगा एक तो अंग्रेजी जो कंपनी है वो काफी मजबूत है उसके कारण भी पड़ेगा और साथ ही साथ दो में से एक राइट तो दे ही दिए तो एक राइट के कारण भी दूसरे पर प्रभाव पड़ता है बिहार तथा बंगाल क्षेत्र को द्वैध प्रशासन के अंतर्गत लाया गया इसमें क्या है भाई इसमें भाई एक तरफ तो तुमने शासन जो है दीवानी अधिकार अंग्रेजों को दे दिए और दूसरी तरफ जो है जैसा चल रहा था फौजदारी वैसा चल रहा है तो और दीवानी में भी अंग्रेजों ने क्या किया कि प्रत्यक्ष तौर पर काम नहीं करते थे उसके लिए भी उप दीवान नियुक्त कर दिया जैसे बिहार के क्षेत्र में सिताब राय को इधर बंगाल के क्षेत्र में रजा खान को तो इसमें भी गेम किया कि भाई मैं क्यों सीधा सीधी लोगों के सामने बुरा बनने जाऊं मैं किसी को सामने रख देता हूं मतलब दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाने का काम अंग्रेजों से बढ़िया कोई नहीं जानता था क्योंकि उनको पता था कि सीधा सीधी हम अगर जनता के सामने आ जाएंगे तो जनता में विद्रोह का उमार हो जाएगा तो इसीलिए भाई दूसरे के कंधे पर रहकर ही बंदूक चला दो क्लियर है सत्रह सौ तिरानवे ईस्वी में लागू स्थाई बंदोबस्त प्रणाली में आप देखेंगे बिहार को भी सम्मिलित किया गया सत्रह ईस्वी में गवर्नर जनरल हैं कॉर्नवालिस और उन्होंने स्थायी बंदोबस्त प्रणाली बिहार में लागू की स्थायी बंदोबस्त का मतलब क्या होता है परमानेंट सेटलमेंट जिसमें बंगाल बिहार और उड़ीसा की आप देखेंगे तो वहां पर मुख्य तौर पर स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था जिसमें होता क्या था तो देखिए इसमें है क्या कि मान लेते हैं कि ये है ईस्ट इंडिया कंपनी ये कौन है यहां पर क्या है यहां पर देख लीजिए जमींदार हैं बाबू जमींदार पापा हमारे जमींदार हैं यहां कौन है किसान है पीजेंट किसान है भैया हमें जो है किसान से सीधा मतलब नहीं है इनको ठीक है लो मैं कर कैसे वसूलूंगा तुम इनको दो ठीक है और इनसे मैं वसूलूंगा समझ रहे हैं तो ये स्थाई बंदोबस्त था जिसमें इनको बेचारों को ग्यारह परसेंट और इनको एटी नाइन परसेंट मिल जाता था मतलब सौ है किसान तो ग्यारह रुपया जमींदार को और नवासी रुपया अंग्रेजों को मिलेगा थोड़ी स्थाई टाइप की व्यवस्था थी सत्रह में इसको कॉर्नवालिस जो उस समय का गवर्नर जनरल था उसके द्वारा लाया गया था कॉर्नवालिस का समय काल सत्रह से सत्रह याद रखिएगा ठीक है चलिए अब देखिएगा तो जो है स्थानीय क्षेत्रों में यूपी बिहार के स्थानीय क्षेत्रों में भी विरोध होता है तो काशी के चैत सिंह एक कोई है व्यक्ति है राजा है वहां के उनके विद्रोह से प्रेरित होकर सत्रह अस्सी इक्यासी में पटना के कुछ जमींदारों ने भी विद्रोह का असफल प्रयास किया है मतलब असफल प्रयास मतलब उसमें सफल ना हो पाए ठीक है लेकिन कोशिश किया जैसे हम लोग भी कभी कभी करते हैं कोशिश करते हैं लेकिन कभी कभी नहीं निकल जाता है तो असफल प्रयास है सफल प्रयास होगा कि कोशिश करने के बाद वो एग्जाम निकल गया अंग्रेजों द्वारा बिहार में फौजदारी प्रशासन को फौजदारी मतलब क्राइम रिलेटेड मामला अपने अधिकार में लेने के बाद आप देखेंगे चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट के रूप में काम करने लगे चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट नाम याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट फौजदारी के बाद भाई ऑब्वियसली बात है मजिस्ट्रेट बनाना पड़ेगा कि, क्योंकि क्राइम रिलेटेड मामला आ गया है अब अब देखिएगा तो कुछ कुछ देखा जाए प्रशासनिक परिवर्तन इसमें भी आपको कुछ दिखेगा आधुनिक काल में बिहार में प्रशासनिक परिवर्तन देखेंगे तो 1865 के समय पर क्या हुआ है पटना और गया को अलग अलग जिलों में संगठित किया गया 1865 के समय में 1866 के समय में क्या हुआ है सारण जिले को पृथक कर चंपारण जिले का निर्माण किया गया ये कब किया गया है 1866 में अठारह में क्या हुआ पटना जिले के कुछ क्षेत्र को तिरहुत में मिलाया गया ये अठारह में हुआ है उसके बाद 1875 में क्या हुआ है तिरहुत को मुजफ्फरपुर तथा दरभंगा नामक दो इकाइयों में विभाजित किया गया है तो देखिए ये सब क्रम है जो प्रशासनिक चीजें हैं ये आपको याद रखना है कि भाई पटना जिले के कुछ क्षेत्र को तिरहुत वाला जो इलाका है उसमें मिला दिया गया और तिरहुत को मुजफ्फर तथा दरभंगा नामक दो इकाइयों में विभाजित किया गया क्लास के शुरुआत में ही मैंने आपको बताया कि भाई तिरहुत में तिरहुत भी जो है अब एक आपको नाइन डिविजन में से एक है नौ परमंडलों में से अब आ हाँ जाइए थोड़ा सा ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जो विद्रोह हुआ उसमें कि मैंने इसके लिए ऐसे अलग से भी क्लास ली है उसको भी देख सकते हैं एक साथ देखिए एक साथ का मजा ही कुछ और है बताइए आपको तो देखिए 1770 से 1800 सौ ईस्वी के मध्य बिहार के मुख्य सोरा उत्पादक केंद्रों में कौन है तिरहुत तिरहुत का इलाका तिरहुत का आपको पता है दरभंगा मधुबनी वाला तो इलाका है लेकिन बाद में देखिएगा यहाँ पर देखिएगा तो क्या किया गया है मुजफ्फरपुर तथा दरभंगा को अलग अलग विभाजित कर दिया गया तिरहुत को ठीक है ये 1875 का समय काल है ठीक है तो तिरहुत हाजीपुर सारण और पूर्णिया में हुआ था ये जो चीजें हैं ये यहाँ पर हुई हैं 1770 से 1780 के बीच लेकिन है क्या कि देखिए बिहार में मुख्य सोरा उत्पादक तो ये थे नूनिया समुदाय के लोग लेकिन बात क्या थी कि भाई अंग्रेजों से जो पैसा मिलता था वो बड़ा कम अमाउंट का होता था अब ये लोग क्या करने लगे दूसरे को भी सोरा बेचने लगे और ये बात अंग्रेजों को पसंद नहीं आई इस बात के कारण ही आप देखेंगे तो एक घटना घटती है कि भाई अंग्रेजों के द्वारा इनका व्यापक तौर पर बड़े बुरे तरीके से इन पर दमन किया जाता है इस समुदाय के लोगों पर और जिसके कारण नूनिया विद्रोह होता है देखिएगा तो सोरा का जो है ये लोग बनाते थे अब सोरा बनाने का प्रयोग पता है आपको बारूद बनाने में किया जाता है और उसके बाद जो आसामी थे जो बिचौलिए थे वो ब्रिटिश कारखानों को वो सोरा ले जाकर देते थे लेकिन उनको जो है उनको बहुत कम मूल्य मिलता था बारह से पंद्रह आना में देते थे जबकि अन्य व्यापारी जो कंपनी से संबंधित नहीं थे तीन से चार रुपए प्रति मन सोरा देते थे अब सोचिए भाई एक मनसोरा का मूल्य जो है अंग्रेज कितना कम में दे रहे हैं आना में दे रहे हैं और दूसरे जो व्यापारी जो अंग्रेजों से संबंधित नहीं थे वो तीन से चार रुपए प्रति मनसोरा देते थे और इसीलिए क्या हुआ गुप्त तरीके से नोनिया समुदाय ने भी क्या किया भाई कि तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो तुम मुझे कम दाम दे रहे हो तो अन्य व्यापारियों को वो देने लगे जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने उन पर क्रूरता पूर्वक कार्रवाई की और जिसका नोनिया समुदाय ने प्रबल विरोध किया लेकिन अंग्रेजों की शक्ति आपको पता है काफी अत्यधिक थी इन्होंने इनको दबा दिया अब आ जाइए तमाड़ विद्रोह में तमाड़ विद्रोह सत्रह से 1794 के बीच छोटा नागपुर की उड़ाओ जनजातियों के द्वारा जमींदारों के शोषण के विरुद्ध यह विद्रोह किया गया तो छोटा नागपुर जो झारखंड का इलाका है वहां पर उड़ाव जनजातियों के द्वारा उराव जनजातियों द्वारा जमींदार के शोषण के विरुद्ध मीन जमींदारों के द्वारा वहां पर शोषण की जाती थी उराव जनजातियों के लोगों को उसके विरुद्ध ही उड़ाव जनजातियों ने यहां पर विद्रोह किया है और इसे तामड़ विद्रोह भी कहा गया है तमाड़ तामड़ जो बोलिए आंदोलन आपको पता है कि भाई वहाबी आंदोलन इस्लाम की एक प्रमुख शाखा है सऊदी अरबिया के अब्दुल वहाब इसके प्रवर्तक हैं, लेकिन फाइनली आप देखिएगा तो भारत में इसके प्रवर्तक कौन हैं? सर सैयद अहमद बरेलवी, जो उत्तर प्रदेश के रायबरेली के हैं इसके बाद आपको दिखेगा कि पटना इस वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र है वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य इस्लाम में सुधार करना था सामाजिक सुधार था वो चाहते थे कि किसी भी पाश्चात्य धर्म का प्रभाव इस्लाम पर न पड़े और इसी कारण से चूंकि पाश्चात्य धर्म का प्रभाव वो पड़ना पड़ता देखना नहीं चाहते थे इसी कारण से वो क्या हुए धीरे धीरे अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए क्योंकि अंग्रेजों का, का प्रभाव तो पड़ता ही तो धीरे धीरे अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध होने के पीछे का रीजन उनका जो ये सामाजिक सुधार जो उनका इस्लामों में उद्देश्य था वही बन गया ठीक है तो ऐसा आप मान सकते हैं कि भाई उसकी अंग्रेजी या फिर जो वेस्टर्न कल्चर का प्रभाव न पड़ जाए इसीलिए वो लोग अंग्रेजी अंग्रेजों का विरोध करने लगे और धीरे धीरे कालांतर में अंग्रेजी सत्ता के विरोधी भी ये लोग हो गए हैं मुख्य केंद्र इसका बिहार है हालांकि उत्तर पश्चिमी प्रांत सीतना भी इसका एक प्रमुख केंद्र रहा है अफगानिस्तान पाकिस्तान के पास ठीक है ये सब मैंने आपको बता दिया सैयद अहमद बरेलवी 1821 सौ ईस्वी में पटना गए जहां उन्होंने बहापी आंदोलन के बेहतर संचालन के लिए चार खालीफाओं की नियुक्ति की विलायत अली इनायत अली मोहम्मद हुसैन को पटना में अपना प्रमुख प्रतिनिधि नियुक्त किया 1822 से अड़सठ तक पटना वहापी आंदोलन का प्रमुख केंद्र रहा जिसके प्रमुख नेता विलायत अली और उसके बाद उसके बाद उनके भाई इनायत अली थे अब आ जाइए कोल विद्रोह 1831 1832 इसका समय काल है कोल विद्रोह का तो कोल विद्रोह 1831 1832 ये कहा हुआ है इलाका कौन सा है छोटा नागपुर का इलाका है इलाका है छोटा नागपुर का छोटा नागपुर का मुंडा उड़ाओ हो महाली आदि जनजातियां निवास करती थी छोटा नागपुर क्षेत्र में और इन्हें मैदानी लोग क्या बोलते थे कूल कूल बोलते थे कंपनी शासन के शासन के शोषक इस विद्रोह का एक अन्य कारण भी था तो कंपनी शासन का जो शोषण था कंपनियों के द्वारा जो शोषण किया जाता था इन लोगों पर जमींदारों के द्वारा जो शोषण किया जाता था इन लोगों की जो संस्कृति पर जो प्रभाव पड़ रहा था उसके कारण ही आप देखेंगे तो इन लोगों का विद्रोह जो है वो काफी आपको बड़े स्तर पर दिखाई पड़ेगा यहां पर देखिएगा तो ब्रिटिश सरकार ने यहाँ पर देखिएगा जो एक कर उत्तरदायी था ये कर है है चर नहीं कर वह भी इसके लिए उत्तरदायी था चावल की शराब जिसको हड़िया कहा जाता है हड़िया के उत्पादन पर शुल्क लगा दिया गया था जिसे आदिवासी अपने उपयोग के लिए ही तैयार करते थे और उस पर अगर आप कर लगा दीजिएगा जिसको ये लोग अपना उपयोग के लिए तैयार कर रहा है तो सब आपको पीटेगा तो वैसे ही हुआ इन लोगों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह किया नेतृत्व करता बुद्धो भगत थे बुद्धो भगत इन्होंने इसमें भीषण संघर्ष किया इस संघर्ष में बुद्धो भगत सहित हजारों विद्रोही मारे गए और बुद्धो भगत के पश्चात गंगा नारायण ने अठारह ईस्वी में इस विद्रोह का नेतृत्व किया है और यह विद्रोह रुक रुक तक कर 1848 ईस्वी तक चलता रहा हालांकि अंग्रेजों ने इसका कालांतर में कुछ समय के बाद दमन कर दिया अब आ जाइए संथाल विद्रोह में तो संथाल जनजाति के लोगों ने कंपनी सरकार के अमानवीय कानूनों पुलिस ठेकेदार तथा दीकुओं दीकु कौन होते हैं बाहरी लोग तो इनके खिलाफ जो है वो विद्रोह किया बाहरी लोगों के खिलाफ क्योंकि उनकी, उनकी संस्कृति को ये लोग प्रभावित करते थे कानून जो कंपनी सरकार ने बनाई थी पुलिस क्योंकि उन पर शोषण का, का पुलिस करते थी, ठेकेदार ये सब उनकी संस्कृति उनके जमीन इन सब सब को छीनने का काम करते थे ये लोग तो इस कारण से संथाल जनजाति ने इन पर इनका विद्रोह किया बिहार के भागलपुर से लेकर राजमहल तक संथाल बसावट क्षेत्र को दामनी कोह का नाम दिया गया है और इस पूरे क्षेत्र में आपको इस आंदोलन का प्रभाव देखने को मिलता है इस आंदोलन के प्रमुख नेता कौन हैं सिद्धू कान्हो चांद और भैरव महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं ब्रिटिश सरकार द्वारा बलपूर्वक इस आंदोलन का दमन कर दिया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा पुलिस द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई किसकी किसकी चांद और भैरव की और सिद्धू और कान्हो जो अन्य दो प्रमुख नेता हैं उनको फांसी दे दी, दी गई तो यह है संथाल विद्रोह अब इसके बाद आ जाएगा लोटा विद्रोह लोटा विद्रोह कब है 1856 में कहा के कैदियों के द्वारा मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों के द्वारा किया गया होता क्या था कि भाई पीतल के लोटा के जगह पर कैदियों को क्या दिया जाने लगा मिट्टी का लोटा इसके कारण कैदियों ने क्या कर दिया भाई विद्रोह कर दिया अठारह ईस्वी की क्रांति और बिहार हम लोग लास्ट में फिर देखेंगे अभी कुछ उसमें मुंडा विद्रोह भी हम लोग इसमें लास्ट में देखने का प्रयास करेंगे मुंडा विद्रोह भी काफी इंपॉर्टेंट होगा क्लियर है तो आप लोग को सेशन समझ में आ रहा है कि बस क्या लग रहा है कमेंट तो कर ही नहीं पा रहे हैं आप लोग कोई बात नहीं मजा आ रहा होगा हमें तो आ रहा है चलते चलते हमारी हालत खराब है छः छः घंटे पांच पांच घंटे चलिए कोई बात नहीं सब जीवन है आप लोग भी संघर्ष करिए सफलता जरूर मिलेगी अठारह सौ ईस्वी की क्रांति तथा बिहार आप देखिएगा तो बिहार से संबंधित बात कर रहा हूं ध्यान देना है ऐसा नहीं सोच लीजिएगा कि भारत के संबंध में बात हो रही है बिहार के संबंध में ही बात हो रही है भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध सबसे जन सशक्त जन आंदोलन कब है 1857 का जन आंदोलन रहा है इस क्रांति में बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका इस क्रांति में रही 12 जून अठारह को तत्कालीन बिहार के देवघर जिले के रोहिणी ग्राम में सेना की 32वीं रेजिमेंट ने विद्रोह कर दिया तो 12 जून अठारह को तत्कालीन बिहार के देवघर जिले के रोहनी ग्राम में सेना की बत्तीसवीं रेजिमेंट ने विद्रोह कर दिया रेजिमेंट में कार्यरत सैनिकों ने मेजर नॉर्मन थे तथा सहायक है सार्जेंट डॉक्टर ग्रांट की हत्या कर दी तो ये ध्यान देना है इसमें जो है आपको सबसे पहला सवाल यह पूछा जा सकता है कि जो जो सबसे पहले कहां पर यह विद्रोह प्रारंभ हुआ तो बिहार में देखा जाए तो देवघर जिले के रोहिणी ग्राम में रोहिणी ग्राम में यह कहां पर है वर्तमान में तो यह झारखंड में पड़ जाएगा देवघर में ठीक है 16 जून अठारह को तीन सैनिकों को फांसी दी गई और बत्तीसवीं बत्तीसवीं रेजिमेंट के कार्यालय को कहां से कहा रोहिणी से भागलपुर स्थानांतरित कर दिया गया अंग्रेजी सरकार भी सोच रहा था कि भाई इस तरह से ये लोग विद्रोह मार देता है अब इन लोग को थोड़ा सा यहाँ से खेदो नहीं तो भी लोग जो है सो हम लोगों को ही खेद देगा तो वही काम किया अरे इस समय पटना के कमिश्नर कौन थे विलियम ठीक विलियम थे तथा तो दानापुर स्थित जो मुख्यालय है वो मेजर जनरल लो के नियंत्रण में था ये सब याद रखिएगा नाम है अब इसमें कोई क्या स्पेशल बता दे पटना सिटी में विद्रोह का नेतृत्व तो एक स्थानीय पुस्तक विक्रेता पीर अली कर रहे थे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है पूछा जा सकता है परीक्षा में कि भाई पटना स्थित जो विद्रोह है उसके नेतृत्वकर्ता तो कौन थे तो पीर अली थे जिस प्रकार से जगदीशपुर का नेतृत्व तो करता देखा जाता है बिहार का नेतृत्वकर्ता तो आप देखते हैं कि कौन थे वीर कुंवर सिंह थे उसी प्रकार पटना में कौन थे पीर अली <laughs> पीर अली ने अंग्रेज अधिकारी डॉक्टर आर लॉयल एवं उसके सहयोगी सैनिक की हत्या कर दी अब इस पर देखिएगा तो क्या होगा जब ऐसा कुछ करेंगे तो अंग्रेजों को भाएगा नहीं भाएगा तो अंग्रेजी अंग्रेज क्या बोलेंगे अंग्रेज कहेंगे कि भैया इस व्यक्ति को सबसे पहले फांसी दो ये हमें ही चुनौती दे रहा है तो उस समय, उस समय समय कौन था था कमिश्नर दर्जी क्या नाम था उसका टेलर ठीक है उसने विद्रोह का दमन कर दिया पटना के कमिश्नर ने फाइनली और आप देखेंगे तो पीर अली को जो है गिरफ्तार कर लिया और फांसी दे दी गई ठीक है उसके बाद दानापुर सैनिक मुख्यालयों में भी क्या हुआ अठारह में कंपनी के विरुद्ध विद्रोह कर दिया जुलाई अठारह में और ये सैनिक कहां तक पहुंच गए अब पहुंच गए असली व्यक्ति के पास कहाँ तक जगदीशपुर तक भोजपुर जगदीशपुर तक ये पहुंच गए और वहां के जमींदार कौन थे जमींदार थे कुंवर सिंह उनसे कहा कि भैया हमारे विद्रोह का आप नेतृत्व तो कर लीजिए तब जाकर अंग्रेजी जो है ये हुकूमत जो है इससे हम लोग को शांति मिल सकेगी इसको हम लोग समाप्त कर पाएंगे हालांकि अंग्रेजों ने बहुत प्रयास किया कि वीर कुंवर सिंह इस नेतृत्व कर नेतृत्व की भूमिका को न ले नेतृत्वकर्ता की भूमिका में न आए ऐसा बहुत प्रयास किया गया परिणाम स्वरूप अंग्रेजों से असंतुष्ट होकर कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया अब आया असली मजा इस विद्रोह में कुंवर सिंह के छोटे भाई अमर सिंह ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कुंवर सिंह ने जगदीशपुर किले में बंदूक एवं गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया बोला कि भाई तुम जो है सामान्य बात से तो समझ नहीं रहे तुम बंदूक गोला का इस्तेमाल करते हो तो लो हम भी जो है उसको स्थापित कर लेते हैं हम काहे पीछे रहेंगे तो भाई अंग्रेजों से लड़ने के लिए यह जरूरी भी था और कुंवर सिंह ने यह काम किया भी उन्होंने सैनिकों का नेतृत्व तो करते हुए आरा क्षेत्र पर अधिकार कर लिया आरा क्षेत्र पर अधिकार कर लिया सैनिकों का नेतृत्व तो करते हुए आरा को विद्रोही सैनिकों के अधिकार से मुक्त करवाने गए कैप्टन डनवर की इस संघर्ष में मृत्यु हो गई ठीक है ये बात आप ध्यान दीजिएगा और कुंवर सिंह छापामार युद्ध में कुशल थे तो कैप्टन डनवर का जो संबंध है वो आरा को विद्रोही सैनिकों से के अधिकार से मुक्त कराने के दौरान है आरा क्षेत्र को <coughs> तो अगर ये सवाल पूछे तो ध्यान दीजिएगा अंग्रेजों से संघर्ष के दौरान उनके हाथ में तोप का गोला लग गया जिससे संक्रमण फैल जाने के कारण उन्होंने अपना एक हाथ काट कर अलग कर दिया सोचिए क्या सकती है इस व्यक्ति में कि अपना एक हाथ काट कर अलग कर दिया है इन्होंने छब्बीस अप्रैल अठारह को कुंवर सिंह की मृत्यु के पश्चात उनके छोटे भाई अमर सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध में विद्रोह में अब जो है वो कमान संभाल ली अमर सिंह जगदीशपुर में एक समानांतर सरकार की स्थापना करते हैं समानांतर मतलब होता है पैरलर गवर्नमेंट हम उस सरकार की बात क्यों मानेंगे मेरा हम अपना एक अलग सरकार बनाएंगे और इसके प्रमुख किसको बनाया था उन्होंने हरकिशन सिंह को लिखा भी हुआ है अमर सिंह के भाई हरकिशन सिंह इस सरकार के प्रमुख थे बाद में अमर सिंह को गिरफ्तार कर गोरखपुर जेल भेज दिया गया जहां पर उनकी मृत्यु हो गई तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में लंबी बीमारी के कारण अमर सिंह की मृत्यु हो गई जो वीर कुंवर सिंह के भाई थे अब आ जाइए मुंडा विद्रोह एक विद्रोह बच गया था उसके बीच में अठारह संतावन की क्रांति आ गई क्योंकि उसके पहले तक हम लोगों ने लोटा विद्रोह पढ़ लिया लेकिन उसके बाद एक विद्रोह बढ़ गया बच गया था क्योंकि क्योंकि ये काफी बाद में हुआ है अठारह सौ निन्यानवे के समय में यह विद्रोह आपको देखने को मिलता है तो यह विद्रोह जो प्रसिद्ध मुंडा विद्रोह है यह किसके नेतृत्व में आया है <coughs> विरसा मुंडा के नेतृत्व में इसमें क्या थी व्यवस्था इसमें देखिए उनकी जो एक पारंपरिक भूमि संबंधी जो खुटकटी व्यवस्था थी उसमें को जमींदारी व्यवस्था में उसमें परिवर्तन कर दिया जिसके परिणाम स्वरूप देखिएगा तो मुंडाओं ने आंदोलन किया मुंडाओं ने उसके खिलाफ जो है वो विद्रोह किया है विरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को झारखंड प्रदेश में रांची के उलिहाती गांव में हुआ था यह बात आपको ध्यान में रखनी है कि उनका जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था मतलब भाग्य से मेरा भी जन्म दिन जो है वो सेम ही है पंद्रह नवंबर ही है लेकिन ये वाला जो बगल वाला है ना अठारह सौ पचहत्तर ये नहीं है तो और इसी दिन देखिएगा झारखंड भी बना है तो बड़ा अच्छे तरीके से मेरे को याद रहता है आज जब स्टार्टिंग में पढ़ाया होगा तो मैंने तीन चार बार पंद्रह नवंबर बोल दिया क्योंकि मुझे याद है मेरा ही जन्मदिन के दिन बना है इन्हें मिशनरियों जो ईसाई मिशनरी हैं उनके द्वारा शिक्षा प्राप्त हुई थी ये अपने आप को मानते थे कि इनको जो है ईश्वर ने अल्लाह ने क्यों भेजा है इसको ईश्वर अल्लाह ने भेजा है कि भाई आप लोगों की भलाई करें यह धरती अब्बा अपने आप को धरती अब्बा के नाम से भी इनको जनता पुकारती थी ठीक है चलिए आगे आ जाइए वह जर्मन मिशनरियों के प्रभाव में आकर ईसाई बन गए थे ऐसा माना जाता है कि वह जर्मन मिशनरियों के प्रभाव में आकर ईसाई बन गए थे और उसके बाद इसके अतिरिक्त वैष्णव धर्म से भी वह काफी प्रभावित थे ठीक है तो वैष्णव धर्म से भी प्रभावित थे ईसाई भी बन गए थे जर्मन मिशनरियों के प्रभाव में आकर क्लियर है चलिए विरसा मुंडा ने एक ईश्वरवाद की स्थापना पर काफी बल दिया कि एक ही ईश्वर है इस स्थापना पर विरसा मुंडा ने काफी ज्यादा बल दिया है यह बात ध्यान रखनी है एक मान्यता के अनुसार ईस्वी में विरषा को परमेश्वर के दर्शन हुए और वह पैगंबर होने का दावा करने लगे कहने लगे कि भाई उनके पास लोगों को निरोग करने की शक्ति प्राप्त है अब जब ऐसी शक्ति किसी के पास होती है तो ऑब्वियसली आप जो समझेंगे तो उसको धरती पर भगवान ही माना जाएगा तो यह धरती अब्बा इनको लोग पुकारते थे मुंडा जनजाति में सामूहिक खेती की परंपरा थी पर जमींदार ठेकेदार बनियों एवं महाजनों ने अंग्रेजों के संरक्षण में आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया जिसके परिणाम स्वरूप अठारह में आप देखेंगे तो मुंडाओं ने भी इसके परिणाम स्वरूप भाग लिया इस विद्रोह में मुंडा स्त्रियों ने भी भाग लिया था तो मुंडा स्त्रियों ने भी इस विद्रोह में भाग लिया था 1900 सौ ईस्वी में आप देखेंगे विद्रोहियों ने पुलिस को निशाना बनाया परंतु जनवरी 1900 में सैलिर कैप पहाड़ी पर ब्रिटिश सेना के द्वारा जो है वो वो लोग पराजित हो गए और विरसा कुछ समय के बाद पकड़े गए और उनकी मृत्यु जेल में ही हो गई उसकी उनकी मृत्यु के पश्चात यह विद्रोह शांत हो गया कांग्रेस की स्थापना तथा बिहार अब आएंगे कांग्रेस की स्थापना तथा बिहार पे कांग्रेस की स्थापना कब हुई है 28 दिसंबर अठारह को बंबई के गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में अंग्रेज ह्यूम के द्वारा कांग्रेस की स्थापना की गई जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे डब्लू सी बैनर्जी तो व्योमेश चंद्र बैनर्जी इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में बहत्तर प्रतिनिधियों ने भाग लिया लेकिन ध्यान दीजिएगा कि पहले वाले सेशन में सबसे फर्स्ट सेशन में कांग्रेस के किसी भी प्रतिनिधि कोई भी प्रतिनिधि बिहार का नहीं था यह भी आपको ध्यान में रखना है कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार के 31 प्रतिनिधि थे जबकि तृतीय अधिवेशन में बिहार के मात्र दो प्रतिनिधियों ने भाग लिया था <laughs> कांग्रेस का से जोड़ लीजिए 1912 होगा और दोनों बिहार में हुआ था तो 1912 वाला हुआ था प्रथम अधिवेशन बांकीपुर पटना में जिसके अध्यक्ष कौन थे आर एन माधोलकर रघुनाथ सिंह माधोलकर 1922 में किया गया था कांग्रेस के सैतीसवां अधिवेशन कहां पर बिहार के गया में जिसके अध्यक्ष कौन थे चितरंजन दास यहीं पर आप देखेंगे स्वराज पार्टी का भी गठन हुआ है जिन्होंने कहा कि भैया हम लोग विधायिका में प्रवेश पाकर अंग्रेजी सरकार का विद्रोह करेंगे और कुछ लोग थे जो चाहते थे कि नहीं भाई हम विधायिका में रहकर जो है वो यह प्रवेश नहीं करेंगे हम लोग विधायिका में रहकर यह विद्रोह नहीं करेंगे हम लोग विधायिका में बाहर से ही हम लोग जो है वो अंग्रेजी सरकार का विद्रोह करेंगे ऐसा कुछ लोगों का मानना था ठीक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पटना अधिवेशन अधिवेशन कहा हुआ बांकीपुर पटना में स्थान कौन सा है है वर्ष 1912 है अध्यक्ष कौन है आर एन माधोलकर इसको एक ग्राफ में बना दिया है ताकि आप लोगों के लिए आसान रहेगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार के कृषकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी बिहार में किसान आंदोलन में हम लोग पढ़ रहे हैं और 19वीं सदी के उत्तरार्ध में आप देखेंगे तो बृहद पैमाने पर बंगाल के बगान मालिकों ने बिहार के किसानों का शोषण किया जिसके फलस्वरूप किसानों ने अठारह सौ ईस्वी में पडौल जगह है वहां पर विद्रोह कर दिया दरभंगा के राजा की शोषणकारी नीतियों के खिलाफ कृषकों ने अठारह सौ में भी विद्रोह किया है ये छोटे-छोटे विद्रोह हैं हैं जो आपको देखने को मिलते चंपारण सत्याग्रह के साथ बिहार में किसान आंदोलन संगठित रूप से प्रारंभ हो गया है चंपारण सत्याग्रह के साथ ठीक है उसके बाद देखिएगा तो वर्ष उन्नीस सौ ईस्वी में गांधी जी के नेतृत्व में नील उत्पादक किसानों ने Osionfish. तीन कठिया प्रथा के विरोध में आंदोलन किया है तीन कठिया प्रथा के विरोध में यह आंदोलन हुआ है तीन कठिया में क्या था भाई बीस कट्ठे लैंड में से तीन कट्ठे लैंड में आपको करनी है नील की खेती तो बीस कट्ठे लैंड में से तीन कट्ठे लैंड में आपको नील की खेती करनी है और यह अंग्रेजों की एक तरह से मनमानी थी जो भी किसान इस बात को नहीं मानता था उसको अंग्रेज क्या बोलते थे उसको जो अंग्रेज है वह यह मानते थे कि न, मतलब उन पर ज्यादा जो है उनको कुछ टैक्स या कुछ कर उन पर आबकारी लगाया जाता था तो ये कुछ बातें थी ठीक है अब देखिएगा थोड़ा किसान सभा के बारे में देख लिया जाए कि बिहार में मुंगेर में 1922-23 ईस्वी में शाह मोहम्मद की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन किया गया तो ये बात याद रखिएगा कि 1922-23 में शाह मोहम्मद की अध्यक्षता में किसान सभा का गठन किया गया श्री कृष्ण सिंह को उपाध्यक्ष तथा सिद्धेश्वरी चौधरी को और नंद कुमार सिंह को सचिव बनाया गया यह नाम आपको याद रखना पड़ेगा नहीं तो कोई उपाय नहीं है इसके इतर कोई आपके पास उपाय नहीं बचा है भूमिहार किसानों को संगठित करने के उद्देश्य से स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बेहटा में एक आश्रम की स्थापना की कि भाई जो भी कृषक है उनको एक संगठित किया जाए और ताकि जो है फिर अपनी आवाज को हम लोग बुलंद कर पाएंगे वर्ष उन्नीस में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना सोनपुर मेले में की गई तथा इसके सचिव थे श्री कृष्ण सिंह इनके सचिव बनाए गए किसान आंदोलन को प्रसारित करने के लिए राहुल सांकृत्यायन कार्यानंद शर्मा तथा पंचानंद शर्मा ने महत्वपूर्ण योगदान इसके लिए दिया है क्षेत्र में देखेंगे किसानों के आंदोलन का नेतृत्व तो राहुल सांकृतायन ने दरभंगा व में यमुना कार्थी और गया में यदुनंदन सरवा ने किया है तो देखिए ये सब नेतृत्व तो करता है किसानों के नेता हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में क्या करते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में किसान आंदोलन का नेतृत्व तो करते हैं ये उस प्रकार के नेता हैं अब देखिएगा तो बिहार में किसान आंदोलन को गति प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ष उन्नीस में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बिहार की यात्रा की यह वर्ष उन्नीस का समय है जब सरदार वल्लभ भाई पटेल का मतलब तो किसानों किसान आंदोलन को थोड़ा सा बल मिल जाए इसके लिए वो बिहार की यात्रा करते हैं और देखिएगा तो द्वितीय बिहार किसान प्रांत बिहार प्रांतीय किसान सभा का आयोजन गया में 29 तीस अगस्त उन्नीस को पुरुषोत्तम दास टंडन की अध्यक्षता में किया गया जबकि तृतीय सम्मेलन फिर से स्वामी सहजानंद प्रथम और तृतीय स्वामी सहजानंद द्वितीय पुरुषोत्तम दास टंडन 26 सताइस नवंबर 1935 को हाजीपुर में हुआ है फिर आप देखेंगे तो एक महत्वपूर्ण चीजें जो आपको देखने को मिलेंगी कि यहां पर वर्ष 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में किया गया गठन जिसके सचिव प्रोफेसर एन जी रंग को बनाया गया जो मद्रास के प्रमुख किसान नेता में से एक नेता थे बिहार में राष्ट्रवादी भावना का विकास भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में अठारह और 1905 सौ ईस्वी तक का काल भारत में राष्ट्रीयता के विकास का काल माना जाता है देखिए 1850 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना से लेकर बंगाल विभाजन तक आप देखेंगे उदारवादी विचारधारा का प्रभुत्व रहा उदारवादी विचारधारा वो लोग थोड़ा सा अनुनय विनय एप्लीकेशन मांग के आधार पर ब्रिटिश सरकार से मांग करते थे मतलब नॉर्मल तरीके से सामान्य तरीके से और वो लोग मतलब पत्र लिखकर मांग किया इस प्रकार से वो लोग मांग करते थे उनका जो विचारधारा था वो काफी लिबरल थॉट्स थे उनके जिसमें दादा भाई नरोजी वगैरह आते हैं वे उमेश चंद्र बैनर्जी वगैरह इंदुलाल तथा कुछ अन्य क्रांतिकारियों ने स्वदेशी आंदोलन से पूर्व बिहार आए और बिहार में क्रांतिवाद के विचारधारा का प्रभाव प्रचार प्रसार किया तो देखिए दिखे। आपको दिखेगा एक तो दिखेगा आपको उदारवादी एक तो दिखेगा आपको गर्म विचारधारा के थे और एक जो है क्रांतिकारी भी आपको इसमें दिखेंगे तो बहुत लोगों का ये मानना था कि भाई उदारवादी तरीके से हम लोग जो है वो श, श, आ, श, अ, मतलब स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकते स्वशासन प्राप्त नहीं कर सकते लेकिन बहुत लोगों का यह भी मानना था कि हम उदारवादी तरीके से कर सकते हैं तो जो उदारवादियों के समर्थक थे वो उदारवादी नेता हैं जो क्रांतिकारी टाइप के थे कि भाई हम जो है सो बंदूक की गोली पर आजादी ले सकते हैं वो क्रांतिकारी नेता थे तो उस समय की मांग के हिसाब से अलग अलग टाइप के नेता अलग अलग सोच रखते थे जिसको हम लोग अभी यहां से सोच नहीं सकते क्योंकि उस समय की परिस्थिति अलग थी स्वदेशी आंदोलन के क्रम में सर्वप्रथम बंगाल में राष्ट्रवादी क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भावना का विकास हुआ और अनुशीलन समिति ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हिंसात्मक संघर्ष की प्रेरणा दी जिसका प्रभाव कहाँ पर पड़ता है जिसका प्रभाव बिहार में पड़ता है और इस विचारधारा के बिहार में अगर आप प्रणेता देखेंगे तो बाबा जी ठाकुर दास हैं और डॉक्टर ज्ञानेन्द्र पांडे हैं तथा केदारनाथ बैनर्जी हैं तो ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा वर्ष उन्नीस सौ छह सात ईस्वी में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना पटना में बाबा जी ठाकुर दास द्वारा की गई तथा दी मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन भी किया गया इस समाचार पत्र के माध्यम से राष्ट्रवादी विचारों का प्रचार प्रसार भी देखने को मिलता है वैसे आपसे यहां से पूछा जा सकता है कि भाई उन्नीस रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी तो आप कहेंगे कि पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना बाबा जी ठाकुर दास के द्वारा की गई थी और साथ ही साथ दी मदरलैंड नामक समाचार पत्र का प्रकाशन भी उनके द्वारा किया गया था वर्ष 1908 में खुदीराम बोस तथा प्रफुल चाकी द्वारा मुजफ्फरपुर के जिला जज किंग्स फोर्ड पर बम फेंककर हत्या करने का प्रयास किया गया इस बम कांड की घटना ने युवकों में क्रांतिकारी भावना का प्रसार किया अब आप देखिएगा मैं जैसे देखिए ये सब तो घटनाक्रम है अब जब तक आप लोग थोड़ा सा आधुनिक बिहार आधुनिक भारत का इतिहास नहीं पढ़िएगा तो ये जो बिहार वाला मैं बता रहा हूँ ये थोड़ा रैंडम रैंडम टाइप का लगेगा तो इसके लिए जरूरी है कि भाई आप लोग को एक बार आधुनिक बिहार के इतिहास को एक बार पढ़ लेना है चाहे तो लेक्चर से पहले पढ़िए या लेक्चर के बाद पढ़िए अभी मन है अभी मेरे लेक्चर को छोड़ करके पढ़ सकते हैं क्योंकि जरूरी है कि भाई उसको नहीं पढ़िएगा तो यह समझना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा क्योंकि ये भाई बिहार का है आधुनिक बिहार का इतिहास है न कि आधुनिक भारत का ध्यान दीजिएगा सचिंद्रनाथ सान्याल ने राष्ट्रवादी तथा क्रांतिकारी विचारों के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से 1913 में पटना की अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित की सान्याल को बनारस षडयंत्र केस के अंतर्गत आजीवन काला पानी की सजा दी गई यह भी आपको ध्यान देना है यहां पर देखिएगा तो इस बम कांड में क्या हुआ था लगना था किसी और को लग गया किसी और को जो भाई सहानुभूति रखते थे हम लोगों से ठीक है प्रफुल चाकी जो है वो मोकामा जाते समय सुसाइड कर लिए और खुदी राम बोस को फांसी दे दी गई थी पटना में अनुशीलन समिति की शाखा की स्थापना में बंकिम चंद्र मित्र का महत्वपूर्ण योगदान है बंकिम चंद्र मित्र का इन्होंने 1915 में लिबर्टी लिफलेट्स बांटा नहीं होता स्वतंत्रता का एक पर्चा बांटा जिसमें बिहार नेशनल कांग्रेस के कॉलेज के अखिल चंद दास गुप्ता तथा टीके घोष ने सहयोग किया ढाका स्थित अनुशीलन समिति के कुछ सदस्य रेवती नाग के नेतृत्व में भागलपुर में तथा यदुनाथ सरकार ने युवा क्रांतिकारियों को कहां पर बक्सर में तो दोनों ध्यान याद रखिएगा नाम एक यदुनाथ सरकार का और एक रेवती नाग का एक भागलपुर में है और एक बक्सर में है यदुनाथ साहब बक्सर में है और रेवती नाग भागलपुर में है वैशाली निवासी वैकुंठ शुक्ल ने योगेंद्र शुक्ल के साथ मिलकर हाजीपुर में क्रांतिकारी गतिविधियों को चलाया आंदोलन में सम्मिलित होने के कारण वैकुंठ शुक्ल को छह माह की सजा हो गई लाहौर षडयंत्र के सरकारी गवाह पणिंद्र घोष की हत्या वैकुंठ शुक्ल ने बेतिया में कर दी पुलिस ने गिरफ्तार कर मोतिहारी जेल में रखा है इनको फिर आ, और उसके बाद 14 अप्रैल 1934 को इन्हें भी फांसी दे दी गई तो वैकुंड शुक्ल की को मोतिहारी जेल में रखा गया लेकिन फाइनली उनको भी क्या कर दी गई उनको भी फांसी दे ही दी गई फाइनली ठीक है मुजफ्फरपुर बम कांड मैंने आपको बताया कि भाई 1908 में खुदीराम बोस व प्रफुल्ल चाकी ने जंग जज किंग्सफोर्ड की बग्घी पर बम फेंका लेकिन वकील कैनेडी को लग गया जिनको हमारी स्वतंत्रता संग्राम से कुछ सहानुभूति भी थी कैनेडी की पत्नी व उनकी पुत्री की मृत्यु हो गई उसी में और फाइनली देखेंगे तो प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस को फांसी की सजा सुना दी गई वो मोकामा जाते समय रेलवे रेल में ही सुसाइड कर लिया खुदीराम बोस के वकील कौन थे कालीदास बसु थे विशेष न्यायाधीश कर्नाटक के समक्ष 9 जून 1908 से 13 जून 1908 तक सुनवाई हुई और वह सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले एक क्रांतिकारी बन गए इसी में आप देखिएगा तो शांति स्वरूप नारायण क्या कर रहे थे अपने समाचार पत्र स्वराज में मुजफ्फरपुर बम कांड पर क्या रख रहे थे लेख प्रकाशित कर रहे थे अब उनके कारण उनको भी सजा दे दी गई कि भाई तुम सरकार के खिलाफ लेख कैसे प्रकाशित कर सकते हो होम रूल आंदोलन तथा बिहार आपको पता है 1916 में भारत में दो होम रूल लीग आया एक तिलक के द्वारा और एक एनी बेसेंट के द्वारा तो तिलक वाला अप्रैल में एनी बेसेंट वाला सितंबर 1916 में पुणे होम रूल लीग की स्थापना तिलक ने मद्रास में रूल लीग की स्थापना और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था स्वराज पाप करना अपना राज स्थापित करना इस आंदोलन ने बिहार को भी व्यापक रूप से प्रभावित किया इसमें एक प्रमुख नाम आता है मजहरुल हक का यह याद रखिएगा तो बाकीपुर में 16 दिसंबर 1916 को मौलाना मजहरुल लीग की अध्यक्षता में होमरू लीग की स्थापना हुई मुजफ्फरपुर में इसके प्रतिनिधित्व किसने किया है जनकधारी प्रसाद ने होम रूल लीग को प्रोत्साहित करने के लिए एनी बेसेंट 25 जुलाई 1918 को कहा आई पटना आई थी ठीक है चंपारण सत्याग्रह बिहार में अब देखिए महत्वपूर्ण है चंपारण सत्याग्रह तो चंपारण सत्याग्रह आपको पता है ये थोड़ा सा बिहार के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बन जाता है क्योंकि भाई चंपारण में जो आंदोलन हुआ है यह एक प्रमुख आंदोलन बनता है तो चंपारण सत्याग्रह 1917 का आपको पता है कि गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था और इसमें हुआ क्या तो बिहार ही नहीं अपितु संपूर्ण भारतीय इतिहास की यह एक महत्वपूर्ण घटना है यह महात्मा गांधी के द्वारा भारत में किया गया प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था यह ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया इसमें किसानों के शोषण से संबंधी ब्रिटिश सरकार की नीतियों का अहिंसात्मक रूप से विरोध किया गया था ब्रिटिश सरकार के नियमों के अनुसार किसानों को अपनी भूमि के तीन बटा हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य था जिसे तीन खटिया प्रणाली कहा जाता था किंतु इसके बदले उन्हें कोई उचित लाभ प्राप्त नहीं होता था आप देखिएगा तो तीन कठिया पद्धति का सिस्टम था भाई कि बीस कट्ठे लैंड में से तीन कट्ठे लैंड में तुमको नील की खेती करनी है ये बड़ी मतलब अचंभित वाली बात है कि भाई मेरे को मन नहीं है फिर भी मैं करूं क्योंकि तुमको मन है तो ऐसा करने के कारण ही किसानों में आक्रोश पैदा हुआ तो चंपारण के ही एक प्रमुख नेता राजकुमार शुक्ल मुरली भरावन के निवासी क्या करते हैं 1916 का लखनऊ अधिवेशन है वहां पर वो गांधी जी से मिलते हैं और गांधी जी को चंपारण आने का न्योता देते हैं कि आप आइए और इसको संभालिए गांधी जी कलकत्ता से पटना मुजफ्फरपुर तथा दरभंगा होते हुए यह रास्ता भी याद रखना है बीपीएससी भी पूछ देगा कलकत्ता पटना दरभंगा पटना दरभंगा कलकत्ता ऐसे घुमा घुमा के पूछेगा 15 अप्रैल 1917 को मोतिहारी पहुंचे चंपारण के कमिश्नर ने गांधी जी को चंपारण से जाने का आदेश दिया परंतु गांधी जी द्वारा आदेश न मानने के कारण गांधी जी पर मुकदमा दायर कर दिया गया कि भाई तुम यहाँ क्यों आए हो हम लोग खुद ही हम खुद ही निपटेंगे तुम क्यों गांधी जी को इस प्रकार से बोला गया गांधी जी के सत्याग्रह के दबाव में बिहार के तत्कालीन उपराज्यपाल एल्बर्ट एडवर्ड अल्बर्ट गेट द्वारा एक जांच समिति गठित की गई जिसके अध्यक्ष कौन थे एफ जी सलाई थे गांधी जी सहित एल सी अदामी राजा हरिहर प्रसाद डी जे रीड तथा रैनी इसके सदस्य थे आप ध्यान दीजिएगा तो अध्यक्ष एफ जी सलाई हैं। बहुत बार आप अध्यक्ष का नाम पूछेगा तो आप ये मत कह दीजिएगा कि अध्यक्ष गांधी जी थे गांधी जी अध्यक्ष नहीं थे गांधी जी जो चंपारण एग्रीरियन कमेटी बना कि भाई जो बात है एक तीन कठिया सिस्टम सही है या नहीं है इससे संबंधित जांच के लिए कमेटी बनी तो ये कमिटी के सदस्य गांधी जी थे इस कमिटी के अध्यक्ष गांधी जी नहीं थे इस समिति को चंपारण एग्रेरियन समिति के नाम दिया गया और इस समिति ने तीन कठिया पद्धति को पूर्णतः समाप्त करने की अनुशंसा की थी इन्होंने पूर्णतः समाप्त करने की अनुशंसा कर दी अब आप देखेंगे तो चंपारण सत्याग्रह में राजकुमार शुक्ल राजेंद्र प्रसाद अनुग्रह नारायण सिंह सिंह मझरूल हक ब्रज किशोर प्रसाद धरनीधर संभू नारायण आदि गांधी जी के प्रमुख सहयोगी थे देखिएगा देखिए भाई यहां से सवाल पूछा जा सकता है कि गांधी जी के प्रमुख सहयोगियों में यहां पर आपको कौन कौन दिख रहा है तो चंपारण सत्याग्रह में राजकुमार शुक्ल राजेंद्र प्रसाद अनुग्रह नारायण सिंह मझरूल हक ब्रज किशोर प्रसाद धरनीधर शंभू सरन आदि गांधी जी के प्रमुख सहयोगी थे दीन बंधु मित्र ने अपने अपने बंगला नाटक नील दर्पण में नील उत्पादन की शोषणकारी व्यवस्था का सजीव तथा इसका अंग्रेजी में अनुवाद मधुसूदन दत्त ने किया ये ध्यान दीजिएगा देखिएगा कि नील दर्पण के लेखक कौन है तो ये है दीन बंधु मित्र और इन्होंने क्या किया है इन्होंने नील उत्पादन में जो शोषणकारी व्यवस्था थी जो किसानों के साथ शोषण किया जा रहा था उसका बहुत अच्छी ढंग से चित्रण किया और इसी के साथ आपको दिखेगा कि इसका अंग्रेजी में अनुवाद मधुसूदन किया है। तुर्की ऑटोमन साम्राज्य का सुल्तान ये खिलाफत आंदोलन का बात है मुस्लिमों का सबसे बड़ा धार्मिक नेता था प्रथम विश्व युद्ध के समय यह बात की गई कि भाई जो जब आ, अगर ब्रिटिश जीतती है मित्र राष्ट्र अगर जीतता है तो तुर्की के खालीफा के पद को सम्मानजनक ही बनाया रखा जाएगा क्योंकि भाई उससे मुसलमानों का जो है सो मुसलमान जो भारत के मुसलमान एवं विश्व के मुसलमान उनको सम्मान देते थे तो ऐसी कुछ बातें थी लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय के बाद ऐसा नहीं हुआ तुर्की के जो खलीफा थे उनके पद को उनको जो जो वादा किया गया था कि उनका सम्मान रखा जाएगा वैसा नहीं रखा गया जिससे भारत एवं विश्व के जितने भी मुसलमान थे सब जो है वो नाखुश थे इसी का आपको प्रभाव भारत में खिलाफत आंदोलन के रूप में देखने को मिलता है प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ईस्वी में तुर्की ब्रिटेन के विरुद्ध धुरी राष्ट्रों के साथ शामिल था प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की विजय के बाद तुर्की के सुल्तान के राजनैतिक अधिकार एवं उनका साम्राज्य सीमित कर दिया गया जिससे संपूर्ण विश्व के मुस्लिम समुदाय के साथ भारतीय मुस्लिम समुदाय में भी जैसा मैंने आपको बताया कि भारतीय मुस्लिम समुदाय में भी एक रोष उत्पन्न हुआ कि भाई ये क्या बात हो गई ठीक है और उन्होंने अपने खालीफा के अधिकारों की जो स्थापना की वो लोग बात करने लगे कि मेरे खालीफा के जो जो अधिकार थे उनको पुनः दिया जाए गांधी जी की अध्यक्षता में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन ने दिल्ली में 24 नवंबर 1919 को आयोजित हुआ जिसमें सरकार के साथ असहयोग प्रस्ताव पारित हुआ है यह ध्यान दीजिएगा गांधी जी की अध्यक्षता में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन 24 नवंबर 1919 को आयोजित हुआ नवंबर को पटना में आयोजित एक सभा में हसन इमाम ने शांति समारोह के बहिष्कार का बयान दिया। बिहार में खिलाफत आंदोलन के नेताओं के आग्रह पर आप देखेंगे तो मौलाना शौकत अली पटना आए और उन्होंने 24-25 अप्रैल को पटना में खिलाफत आंदोलन की सफलता के लिए एक सभा का आयोजन किया जिसमें असहयोग का कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया इस सभा में राजेंद्र प्रसाद प्रसाद, प्रसाद, धरनीधर और शाह मोहम्मद ने भाग लिया था और इस सभा का आपने देखा था हसन इमाम तथा सचिदानंद सिन्हा ने विरोध किया था देखिएगा यहाँ पर कि हसन इमाम ने भी शांति समारोह के बहिष्कार का बयान भी दिया था शांति समारोह का मतलब उन्होंने शांति समारोह का बेसिकली आप देखेंगे तो बहिष्कार भी किया था और वही हुआ कि यहां पर सिन्हा और हसम इमाम ने इस सभा का विरोध किया था इस आंदोलन का नेतृत्व तो, अली बंधु के नाम से प्रसिद्ध मोहम्मद अली जौहर तथा मौलाना शौकत अली ने किया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता गांधी जी और अबुल कलाम आजाद इन दोनों ने भी इस आंदोलन को व्यापक सहयोग और समर्थन दिया बिहार में भी खिलाफत आंदोलन के, के को देखते हुए जो भारत में फैला हुआ था बिहार में भी इसकी तीव्र प्रतिक्रिया हुई अब आ जाइए बिहार में असहयोग आंदोलन तो बिहार में असहयोग आंदोलन की अगर बात करते हैं तो 4 सितंबर 1920 तक कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी द्वारा असहयोग का प्रस्ताव पारित हुआ तथा इसे पारित किया गया असहयोग का प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ और उसके बाद इसको पारित कर दिया गया परंतु इसके पूर्व में ही राष्ट्रवादियों ने बिहार में असहयोग का प्रस्ताव पारित करके क्या किया था बिहार में पहले ही हो गया था असहयोग ब्रिटिश सरकार के खिलाफ उस सहयोग पहले ही प्रारंभ कर दिया था बिहार के बैरिस्टर जो हसन इमाम जिन्होंने शांति समारोह का बहिष्कार भी किया था बिहार के बैरिस्टर हसन इमाम की अध्यक्षता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन मुंबई में आयोजित किया गया जिसमें सरकारी सुधारों की आलोचना की गई और इस आंदोलन के समर्थन में 6 अप्रैल 1919 में बिहार में हड़ताल भी किया गया है तो ये बिहार में असहयोग आंदोलन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको याद रखनी है ठीक है चलिए इसके बाद क्या है बिहार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ब्रजकिशोर प्रसाद मजहरुल हक गोरख प्रसाद धरनीधर प्रसाद आदि नेताओं ने परिषद के चुनाव से अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली इस असहयोग आंदोलन को करने के लिए और अंग्रेजों के विरुद्ध में ये लोग चूंकि असहयोग कर रहे थे तो अंग्रेजों के साथ हर जगह पर असहयोग करना था विद्यार्थियों को अंग्रेजी स्कूल में मतलब अंग्रेजी स्कूल कहने का मतलब है कि जो सरकारी स्कूल थे उसमें मना कर दिया गया जो कर्मचारी थे उसको भी अंग्रेजी सरकार के साथ असहयोग करने की बात की तो इन लोगों ने भी उसी को देखते हुए बिहार में राजेंद्र प्रसाद ब्रजकिशोर प्रसाद हक गोरख प्रसाद और धरनीधर प्रसाद इत्यादि नेताओं ने परिषद के चुनावों से अपनी उम्मीदवार वापस कर ले ली राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में आप देखेंगे तो भागलपुर में बिहार का प्रांतीय सम्मेलन का बारहवा अधिवेशन आयोजित हुआ जिसमें असहयोग आंदोलन का समर्थन किया गया तो बहुत ही अब देखिएगा ये देखिए यह अखिल भारतीय कांग्रेस का सम्मेलन नहीं है ये बिहार प्रांतीय सम्मेलन है और इसी में जो असहयोग है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है उस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का क्या किया गया समर्थन किया गया बिहार में असहयोग आंदोलन के नेताओं को देखेंगे तो शाह मोहम्मद जुबैर मुंगेर गुलाम इमाम पटना गोरख प्रसाद मोतिहारी बिहार में असहयोग आंदोलन के नेताओं के क्रम में देखिएगा कुछ घटनाक्रम आगे देखते हैं तो देखेंगे तो देखिएगा बिहार में क्या हुआ राष्ट्रीय महाविद्यालय तथा बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया गया किसके द्वारा यह किया गया 6 फरवरी 1921 को महात्मा गांधी के द्वारा राष्ट्रीय महाविद्यालय के परिसर में ही बिहार विद्यापीठ था उसका उद्घाटन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स जो ब्रिटेन के राजकुमार हैं उनका पटना आगमन हुआ 22 अक्टूबर दिसंबर 1921 को और ऑब्वियसली इसके विरुद्ध पूरे शहर में विद्रोह और हड़ताल रखी गई मौलाना अब मजरूल हक ने पटना की सदाकत आश्रम से दी मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन प्रारंभ किया और बिहार में फरवरी 1923 में स्वराज दल का गठन हुआ जिसके अध्यक्ष कौन थे नारायण प्रसाद थे तथा कृष्ण सिंह इसके एक अन्य प्रमुख नेता थे आप ध्यान दीजिएगा बिहार में फरवरी 1923 में स्वराज दल का गठन हुआ था जिसके अध्यक्ष नारायण प्रसाद थे तथा सिंह इसके एक अन्य प्रमुख नेता थे। देखिए स्टेट का जब आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो इस प्रकार के जो दल हैं, जो राज्य स्तर पर होते थे इस प्रकार के दलों का गठन स्वाभाविक था लाजमी था किसी भी आंदोलन के सपोर्ट में या फिर ब्रिटिश सरकार के विरोध में तो आवाज मेरी होपफुली क्लियर होगी बैटरी वगैरह है अब देखिए फुलवारी में मौलाना सज्जाद जो पटना के पास फुलवारी शरीफ है वहां पर मौलाना सज्जाद द्वारा इमारती सरिया नामक संगठन आ, का गठन किया गया संस्था का और यह वर्तमान में भी सक्रिय है ठीक है अब देखिएगा कि 1922 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन मैंने बताया था कि बिहार के गया में हुआ जिसके अध्यक्ष चित्रंजन दास थे इन्होंने परिषद में प्रवेश का समर्थन किया परंतु कांग्रेस ने इसका विरोध किया तो मैंने आपको बताया कि कुछ चाहते थे कि भाई हम जो है विधायिका में प्रवेश पाकर अंग्रेजी सरकार का विद्रोह करेंगे और कुछ चाहते थे कि नहीं हम बाहर से करेंगे तो एक चाहते थे अंदर जाकर विधायिका में प्रवेश करके उसमें मोतीलाल नेहरू चित्रंजन दास थे और जो चाहते थे हम बाहर से करेंगे उसमें बाद बाकी अन्य नेता थे तो जो अंदर जाकर विद्रोह करना चाहते थे वो लोगों ने स्वराज पार्टी की स्थापना की देखिएगा चित्रंजन दास मोतीलाल नेहरू और बिठा भाई पटेल ने स्वराज दल का गठन किया इन्हीं मतभेदों के कारण असहयोग आंदोलन के दौरान आप देखेंगे तो शाहबाद में नशा को बंद नशाबंदी आंदोलन प्रारंभ किया गया तथा लोगों से नशा छोड़ने की अपील की गई आंदोलन आपको पता है कि जब चरम स्थिति पर था उसी समय क्या हुआ उत्तर प्रदेश के चौड़ा चौड़ी में एक मतलब आप समझेंगे एक घटना घट गट गई जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया और पांच फरवरी उन्नीस को हुई हिंसा के कारण असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने वापस ले लिया अब आते हैं साइमन कमीशन एवं बिहार पे साइमन कमीशन एवं बिहार में तो भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम की प्रगति जांच करने के उद्देश्य से ब्रिटेन की संसद तथा वायसराय लॉर्ड इरविन ने सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक सात सदस्यों वाला कमीशन का गठन किया है तो ये मैंने आपको कल भी बताया था और वैसे भी बताता हूं कि भाई देखिए सात सदस्य साइमन कमीशन का गठन किया गया था क्योंकि 1919 में जो आ, जो में जो चेम्सफोर्ड प्लान आया उससे करने के लिए ही बेसिकली आप देखेंगे तो साइमन कमीशन का गठन किया गया था लेकिन भारत में आप देखेंगे तो इसका काफी विद्रोह हुआ है काफी विद्रोह होने के पीछे का रीजन क्या है तो काफी विद्रोह होने के पीछे का रीजन है कि भाई इसमें जितने भी सदस्य थे सात के सातों सदस्य इसके गोरे थे मतलब अंग्रेज थे भारतीयों को ऐसा लगा कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारा भाग्य का फैसला हमारे भाग्य का फैसला सभी के सभी यूरोपीय गोरे सदस्य लेंगे ऐसा संभव नहीं है इसके कारण जो है आप देखेंगे तो देश भर में इसका व्यापक तौर पर विद्रोह आपको देखने को मिलेगा साइमन बैक साइमन गो बैक साइमन गो बैक के नारे से तो वही बिहार में उससे संबंधित बातें देखते हैं वर्ष 1928 में भारत आया साइमन कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे इसलिए इसका तीव्र विरोध हुआ बिहार में आप देखेंगे सर अली इमाम के नेतृत्व में एक सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन हुआ जिसमें साइमन कमीशन के बहिष्कार के लिए नौजवानों को संगठित और प्रदर्शन करने की योजना बनाई गई इसमें आप देखिएगा तो इसमें अनुग्रह नारायण सिंह का भी नाम आपको कई बुक में देखने को मिलेगा ये वाले में बिहार में सर अली इमाम और कहीं कहीं पर अनुग्रह नारायण का भी नाम देखने को मिलेगा दोनों नाम दे दे तो भाई ई मार दीजिएगा नहीं तो किसी बुक में अनुग्रह नारायण होता है किसी बुक में सर अली इमाम होते हैं 12 दिसंबर 1928 को आयोग के सदस्य पटना पहुंचे और यहां भी उन्हें प्रबल विरोध का ही सामना करना पड़ा बात है कि भाई आप जिस तरह का काम कर रहे हैं उसमें सभी के सभी सदस्यों को आपने अंग्रेज अंग्रेजी रखा है अंग्रेजी गोरे सदस्य रखे हैं तो ऑब्वियसली इसका विरोध होना स्वाभाविक है परंतु साम्राज्यवाद समर्थक लोग द्वारा साइमन कमीशन का स्वागत किया गया आयोग के सदस्य महाराजा डुमराव का आतिथ्य स्वीकार कर डुमराव गए ठीक है महाराजा डुमराव जो है देखिए अभी भी आयोग कोई कोई लोग तो वैसे थे ना जो ब्रिटिश सरकार के प्रति निष्ठा रखते थे क्योंकि उनसे ही उनका सब कुछ चलता था तो महाराजा डुमराव ने उसका आतिथ्य किया मतलब स्वागत सत्कार किया बुलाया उनको और यहां पर भी आप देखेंगे तो इसका विराष्ट्रवादियों द्वारा व्यापक तौर पर विद्रोह हुआ साइमन कमीशन के विरोध में पटना में प्रभात फेरी उठो जवान सवेरा हुआ साइमन भगाने का बेरा हुआ मतलब जवान उठ जाओ क्योंकि सवेरा हो चुका है और साइमन भगाने का समय आ गया है ऐसे गीत गाए गए प्रभात फेरी में उन्नीस में देखिएगा तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू में अवग्या आंदोलन प्रस्ताव पारित हुआ तो इस सेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है इस की की अध्यक्षता गई है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने 78 सहयोगियों के साथ साबरमती आश्रम से डांडी यात्रा प्रारंभ कर दी तथा 6 अप्रैल 1930 को डांडी पहुंचकर नमक बनाकर कानून का उल्लंघन किया है तो ये दोनों डेट याद रखेंगे कितने सहयोगियों के साथ याद किया है यह या भी याद रखेंगे बिहार के इसमें कौन थे तो गांधी जी के सहयोगी गिरवरधार चौधरी गिरवरधारी चौधरी या फिर जिनको हम लोग कारो बाबू कहते हैं इसी क्रम में बिहार में विदेशी वस्त्रों एवं नशीली पदार्थ जो है पदार्थों को दुकानों पर धरना देने का कार्य आरंभ हुआ पटना में मई उन्नीस में एक स्वदेशी संघ की स्थापना की गई जिसके अध्यक्ष अली इमाम थे उपाध्यक्ष कौन है स्वदेशी संघ के जो मई 1930 में बना है उपाध्यक्ष कौन है भाई सचिदानंद सिन्हा है और के बी दत्त हैं तथा मुख्य सचिव हसन इमाम है अली इमाम अध्यक्ष हैं और उसके बाद उपाध्यक्ष सिन्हा तथा दत्त मुख्य सचिव हसन इमाम हैं स्वदेशी संघ समझ ही रहे स्वदेशी चीजों को अपनाने के लिए बात है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समर्थन में इस तरह की चीजों को स्थापित किया गया था बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रांतीय प्रशासक दीप नारायण सिख्त को नियुक्त किया गया तो बिहार में अगर बात करेंगे तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रशासक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था तो बिहार में दीप नारायण सिंह को नियुक्त किया गया था 26 जनवरी 1931 को बिहार में स्वाधीनता दिवस मनाया गया तथा अनुग्रह नारायण सिंह द्वारा पटना में भवर पोखर पार्क में राष्ट्रीय झंडा फहराया गया देख रहे हैं ये लोग मतलब रुकते नहीं थे ये लोग अपना काम करते रहते थे चाहे आप कुछ भी करिए ये लोग अपना काम करते रहते थे ये लोग जो है झंडा फहरा रहे हैं ब्रिटेन सरकार कितना भी दमन करेगी हम तो वही करेंगे हम जब तक तुमको तोड़ेंगे नहीं तब तक तुमको छोड़ेंगे नहीं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बिहार में सोडा से नमक बनाने तथा चौकीदारी कर जो चौकीदारों का कर होता है उसमें भी टैक्स लेता था ब्रिटिश सरकार सुरक्षा के नाम पर चौकीदारी कर न देने हेतु सत्याग्रह के लिए गांधी जी से अनुमति मांगी और इस आंदोलन के दौरान देखेंगे बिहार में चौकीदारी न कर न देने का अभियान चलाया गया मतलब जहां पर उसको पैसा का स्कोप मिलता था ब्रिटिश सरकार उस माध्यम से पैसा वसूल चाहती थी बिहार में समुद्र तट न होने पर सोडे से नमक बनाने पर बल दिया गया कई जगहों पर तो आप देखेंगे मिट्टी से भी बनाया गया है बिहार में 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह प्रारंभ करने की तिथि निर्धारित की गई तथा तो नकाश पिंड पटना जिला नकाश पिंड आंदोलन इसको बोला जाता है क्योंकि कहा जाता था नकाश पिंड चलो क्योंकि यहीं पर क्या करना था नमक सत्याग्रह करना था नमक कानून को तोड़ना था नमक बनाकर यहां पर सारण तथा हाजीपुर में भी व्यापक पैमाने पर नमक कानून का उल्लंघन किया गया नमक कानून में था कि भाई आप नमक नहीं बनाएंगे यहाँ पर गांधी जी ने नमक बना दिया था दांडी यात्रा में यहाँ पर नकाश पिंड में भी वही बात थी कि भाई नमक जो कानून है उसको भंग करना है नमक बना देना है जाकर बिहार में सर्वप्रथम सारण तथा चंपारण में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ था औपचारिक स्थापना आप देखेंगे तो उन्नीस ईस्वी में बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई है इसके संस्थापक कौन है आचार्य नरेंद्र देव जयप्रकाश नारायण राम मनोहर लोहिया और राम वृक्ष ये नाम को याद रखिएगा नहीं तो बड़ा दिक्कत है बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है इनका जो ये जो पार्टी है इसका नाम है और इसके संस्थापक इसकी औपचारिक स्थापना उन्नीस सौ ईस्वी में की गई और संस्थापक इसके आचार्य नरेंद्र देव जयप्रकाश नारायण राम मनोहर लोहिया और बेनीपुरी थे अध्यक्ष कौन है आचार्य नरेंद्र देव सचिव हैं जयप्रकाश नारायण और पार्टी कब भंग हो गई है 1948 ईस्वी में सोशलिस्ट पार्टी का उद्देश्य क्या था बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का देखिए सोशलिस्ट पार्टी का उद्देश्य यही होता है कि राज्य का नियंत्रण आर्थिक गतिविधियों में ज्यादा हो इन लोगों ने यह भी मांग की थी कि जो जमींदारी का उन्मूलन किया जाए तो उनको कोई मुआवजा वगैरह नहीं दिया जाए ऐसे ही उन्मूलन कर दिया जाए जमींदारी प्रथा का व्यक्तिगत सत्याग्रह में देखेंगे तो गांधी जी के द्वारा यह चलाया गया लेकिन 1940 में बिहार के रामगढ़ नामक स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तिरपनवा अधिवेशन हुआ इस अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम ने की जिसमें व्यक्तिगत सत्याग्रह का नारा दिया गया और बिहार के प्रथम सत्याग्रही कौन है श्री कृष्ण सिंह उसके बाद कौन है श्री कृष्ण सिंह के बाद अनुग्रह नारायण सिंह द्वितीय सत्याग्रही ठीक है इस आंदोलन में छोटा नागपुर के ताना भगत आप लोगों ने सुना ताना भगत आंदोलन जानते हैं पढ़ाया हूं मैंने तो ताना भगत भी सम्मिलित थे 27 नवंबर 1940 को गया में श्री कृष्ण सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया जो प्रथम सत्याग्रही थे द्वितीय सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह थे जिनको पटना में गिरफ्तार कर लिया गया ठीक है और कुछ महिलाएं भी इसमें शामिल थी भारत छोड़ो आंदोलन 1942 सौ ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है कांग्रेस ने 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था मुंबई के ग्वालियर टैंक में परिणामस्वरूप ब्रिटिश सरकार के द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर के अंतर्गत अन्य महत्वपूर्ण नेताओं के साथ 9 अगस्त को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया आप यहीं पर देखेंगे तो गांधी जी का नारा जो बड़ा फेमस नारा है करो या मरो तो गांधी जी ने इस आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया 31 जुलाई 1942 ईस्वी को डॉ राजेंद्र प्रसाद ने बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी की एक बैठक बुलाई और भावी संघर्ष का आवाहन किया छात्रों द्वारा पटना के अंजुमन इस्लामिया हॉल में आयोजित सभा में कांग्रेस के समर्थन का प्रस्ताव पारित किया गया यह छात्रों के द्वारा किया गया 9 अगस्त 1942 को बिहार में राजेंद्र प्रसाद पटना के जिलाधिकारी थे डब्ल्यू जी आर्चर बड़े फेमस हैं आगे भी आएंगे सचिवालय हत्याकांड में द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए तथा बांकीपुर जेल जो पटना में था वहां पर राजेंद्र प्रसाद को भेज दिया गया उनके साथ साथ कौन गए भाई मथुरा बाबू अनुग्रह नारायण सिंह श्री कृष्ण सिंह जैसे अनेक बड़े नेता यहाँ पर एक नाम इंपॉर्टेंट है कि देखिएगा तो एक महाधिवक्ता है श्री बलदेव सहाय चूंकि अलग है महाधिवक्ता थे तो इसीलिए इन्होंने भी इस सरकार की नीतियों के खिलाफ क्या किया इन्होंने भी अपने पद से त्याग पत्र दे दिया 11 अगस्त 1942 को पटना तथा आसपास के राष्ट्रवादी युवकों द्वारा सचिवालय भवन के सामने बिहार बधहा विधानसभा की इमारत पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का प्रयास जो है वो छात्रों के द्वारा किया गया लेकिन इस प्रयास को असफल बनाने का पूर्ण तौर पर प्रयास वहां के पुलिस कलेक्टर पटना के कलेक्टर डब्लू जी आर्चर ने किया और इस छात्रों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया आप इस गोली कांड में सात छात्रों की मृत्यु हो गई तथा अनेक छात्र जो है, वो इसमें घायल हो गए भारत छोड़ो आंदोलन में जयप्रकाश नारायण ने महत्वपूर्ण तो भूमिका निभाई उन्होंने वर्तमान झारखंड की हजारीबाग जेल से फरार होकर नेपाल के राजविलास जंगल में जाकर क्या किया आजाद दस्ता या फिर आजाद दल का गठन किया इस दस्ते का उद्देश्य क्या था ब्रिटिश साम्राज्य की समाप्ति हेतु छापामार युद्ध तथा तोड़फोड़ के माध्यम से ब्रिटिश संपत्ति को नुकसान पहुंचाना साथ ही साथ जो ब्रिटिश युद्ध कार्य में लगा हुआ था क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उस समय ब्रिटिश को नुकसान पहुंचाना इस दस्ते में शामिल युवकों को सरदार नित्यानंद सिंह द्वारा प्रशिक्षित किया गया था इसमें अन्य भी लोग थे जैसे आपके राम मनोहर लोहिया वगैरह अब थोड़ा जो पटना सोचिवालय कांड में जो गोलीकांड में जो शहीद हुए थे उन शहीदों के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि कहां कहां के वो लोग शहीद थे तो आप लोगों को सेशन वैसे कैसा लग रहा है कुछ बुझा बुझा रहा है कि नहीं बच्चे सोच रहे होंगे कि यार क्या कितना टाइम से पढ़ा रहे हैं क्या इतना सोचने का नहीं है इतने का सोचने का नहीं है टेंशन नहीं लेने का है शहीद हैं कौन कौन उमाकांत प्रसाद सिन्हा जिनको रमन जी कहा जाता है सतीश प्रसाद झा जगपति कुमार उमाकांत प्रसाद नरेंद्रपुर सारण से सतीश प्रसाद सिन्हा ये आपके हैं सतीश प्रसाद झा खटर भागलपुर से जगपति कुमार औरंगाबाद से रामानंद सिंह पटना से देवीपद चौधरी जमालपुर मुंगेर से राम गोविंद सिंह पटना से राजेंद्र सिंह सारण से आजाद दस्ता से प्रेरित होकर जो आप देखिएगा तो भागलपुर तथा पूर्णिया में भी ऐसे संगठन बनाए गए नेपाल सरकार द्वारा जयप्रकाश नारायण तथा राम मनोहर लोहिया तथा अन्य नेताओं को गिरफ्तार करने के पश्चात उन्नीस से ईस्वी तक यह आंदोलन जो है जो बड़ा कमजोर पड़ गया और जयप्रकाश नारायण इस काल में आपको दिखेगा कि भूमिगत हो गए थे और भूमिगत होकर ही इस जो हमारा जो आंदोलन चल रहा था इसमें वो अपनी भूमिका निभा रहे थे पटना सचिवालय गोलीकांड के सहित भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी के आह्वान पर बिहार की महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर ब्रिटिश विरोध में अपना योगदान दिया है कदम कुआ देखिएगा तो कदम कुआ पटना में महिला चरखा क्लब से जुड़ी महिलाओं ने जुलिस निकालकर सभाओं का आयोजन किया जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई श्रीमती भगवती देवी जो कि राजेंद्र प्रसाद की बहन थी उनके द्वारा की गई उसके बाद देखिएगा तो ब्रिटिश शासन का विरोध करने के लिए एक ध्रुव दल की भी स्थापना की गई थी जिसके प्रमुख कौन थे जयप्रकाश नारायण जयप्रकाश नारायण तो अलग, -अलग जगहों पर मुजफ्फरपुर में अलग अलग जगहों पर, पर, पर आप देखिएगा कि वहां के स्थानीय नेताओं के द्वारा भी इस आंदोलन का नेतृत्व तो किया गया जैसे आप देखिएगा फुलना प्रसाद श्रीवास्तव ने सिवान थाने पर झंडा फहराने के दौरान क्या हुए वो पुलिस की गोलियों का शिकार हो गए कुलानंद तथा कर्पूरी ठाकुर दरभंगा और सिंहवाड़ा में संचार व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास किए दरभंगा हाजीपुर मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी चंपारण क्षेत्रों में भी सरकारें गठित कर ली क्रांतिकारियों ने सरकारें गठित कर ली कि भाई हम अपनी सरकार के हिसाब से तो चलेंगे तुम्हारे हिसाब से क्यों चलेंगे तिरहुत प्रमंडल में दो महीने तक शासन रहा किसका जनता का आप देखिएगा तो महिलाएं कौन कौन है जो भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हो रही हैं भगवती देवी पटना शांति देवी छपरा सुनीति देवी वैशाली राधिका देवी वैशाली माया देवी भागलपुर भवानी मल्होत्रा मुजफ्फरपुर रामस्वरूप देवी भागलपुर अकली देवी शाहबाद धतुरी देवी मुंगेर हुंकेरी देवी मुंगेर रूमपतिया देवी मुंगेर अब देखिए यहां पर स्वतंत्र भारत का उदय इसको हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं मुंह जो है पूरा थक गया बोलते बोलते कान भी इसी तरीके से मेरा इच्छा है कि एक बार बिहार का करंट अफेयर्स लेकर आया जाए एम से अच्छा बहुत बार होता है कि भाई थोड़ा सा थ्योरी पोर्सन होगा तो मेरे हिसाब से बच्चों को ज़्यादा फायदा होगा अगर आप लोग को लगता है कि ये बात सत्य है तो ऑबियसली आप लोग कमेंट करके बताइएगा लाइक करके भी बता दीजिएगा चलिए भारत की स्वतंत्रता हेतु तो भारतीय नेताओं से बात करने के लिए 24 मार्च उन्नीस को ब्रिटिश मंत्रिमंडल का तीन सदस्य दल भारत आया, कैबिनेट मिशन कहा गया इस समूह में तीन सदस्य शामिल थे जिनमें पैथिक लॉरेंस स्टॉफर्ड क्रिप्स तथा ए बी एलेक्र यह क्रिप्स मिशन है जो आया था उन्नीस में इसके बाद आप देखिए सॉरी कैबिनेट मिशन है जो ये आया था जिसमें पैथिक लॉरेंस स्टॉफर्ट क्रिप्सेंडर उन्नीस आया कैबिनेट मिशन परंतु इस मिशन के द्वारा जो सुझाव दिए गए उस पर जो है वो सहमति नहीं बन सकी 1946 में देश में चुनाव कराए गए और 12 सितंबर 1946 को कांग्रेस द्वारा अंतरिम सरकार मतलब उस समय की तत्कालिक सरकार का गठन किया गया कांग्रेस के द्वारा इसी समय आप देखिएगा कैबिनेट मिशन की संस्तुति के आधार पर संविधान सभा के गठन की बात भी कही गई और 9 सितंबर 1946 को सचिदानंद सिन्हा को संविधान सभा की प्रथम अधिवेशन का अस्थाई अध्यक्ष चुन लिया गया 9 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 सितंबर गलत है 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद इस सभा के अस्थाई अध्यक्ष बने हैं 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात श्री जयराम दास दौलत राम ने बिहार के राज्यपाल स्वतंत्र बिहार के राज्यपाल और श्री कृष्ण सिंह ने बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ लिया है 26 जनवरी 1950 से भारतीय संविधान लागू होने के साथ ही बिहार भारत की संघीय व्यवस्था के अनुरूप एक राज्य के रूप में परिवर्तित हो गया ये पूरा बिहार और भारत को हम लोगों ने आजाद करा दिया अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं बिहार राज्य का गठन ठीक है बिहार राज्य का गठन तो बिहार भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है बिहार की अपनी एक अलग पृथक पहचान रही है अकबर के काल में बिहार को एक सूबे के रूप में मान्यता मिली थी 1580 ईस्वी में ये भी आप लोग जानते हैं 20वीं शताब्दी के आरंभ में पृथक बिहार राज्य की मांग प्रारंभ हो गई थी और इस संदर्भ में सचिदानंद सिन्हा तथा महेश नारायण द्वारा आरंभिक प्रयास किया गया था ये दोनों बातें आप लोगों को याद रखना है सचिदानंद सिन्हा और महेश नारायण इन दोनों का नाम आपको याद रखना है क्योंकि बिहार टाइम्स के ये संपादक भी हैं महेश नारायण अठारह ईस्वी में सचिदानंद सिन्हा जब 1889 में इंग्लैंड गए तो वहां भी उन्होंने बिहार राज्य को पृथक अस्तित्व दिलाने की मांग प्रमुखता से रखी डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा तथा महेश नारायण ने अपने आलेख द पार्टीशन ऑफ द लोअर प्रोविंसेस एंड अल्टरनेटिव प्रपोजल के माध्यम से भारत सहित इंग्लैंड में भी पृथक बिहार की मांग रखी तो देखिए कितने मतलब ये लोग नेता सजग थे कि इंग्लैंड गए हैं सचिदानंद सिन्हा वहां भी इसी की मांग कर रहे हैं अभी तो हम लोग को इंग्लैंड भेज दिया जाए तो हम लोग घूमने के दृष्टिकोण से ही जाएंगे लेकिन यहाँ देखिए कितना जो है सजग है कितने जो है बिहार के प्रति जो है लगाव है अठारह में उपराज्यपाल सर चार्ल्स इलियट को अलग बिहार राज्य के संबंध में ज्ञापन दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रयासों से ही नहीं वरण संपूर्ण भारत में इस तरह के प्रथम बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन पटना में किया गया तो प्रथम बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन जो भाई ऐसा नहीं था कि बिहार में हुआ वरण संपूर्ण भारत में इस तरह का आयोजन पटना में किया गया इस तरह का पहला आंदोलन था ये जिसके सभापति बैरिस्टर सरफुद्दीन थे 1908 में अली इमाम की अध्यक्षता में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन की भी स्थापना की गई और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन किया गया 1908 के समय में 1910 में भागलपुर में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें ऑब्वियसली बात है कि बिहार के एक पृथक राज्य के रूप में प्रभाव एक पृथक राज्य के रूप में मांगों को पूरी जोर शोर से रखा गया 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली के शाही दरबार में पृथक बिहार राज्य के निर्माण की घोषणा की गई जिसमें उड़ीसा जिसको वर्तमान उड़ीसा कहा जाता है वो भी सम्मिलित था 1 अप्रैल 1912 को स्वतंत्र प्रांत के रूप में बिहार स्थापित हुआ वर्ष 1936 सौ ईस्वी में बिहार का प्रशासनिक स्वरूप बदला तथा बिहार से उड़ीसा को अलग कर स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित किया गया या उन्नीस सौ छत्तीस की बात है फाइनली देखते हैं तो छियालीस प्रतिशत एरिया लेकर फिर पंद्रह नवंबर सन दो हजार को बिरसा मुंडा की जयंती पर झारखंड जो दक्षिण बिहार था उससे झारखंड अलग हो गया और झारखंड राज्य की स्थापना हो गई तो यह बिहार राज्य के गठन से संबंधित कुछ बातें थी जो बहुत इफेक्टिवली बहुत अच्छे ढंग से आपको समझना चाहिए तो हम लोगों ने लगभग देख रहे हैं अब स्लाइड आगे नहीं बढ़ रहा इसका मतलब है कि हम लोगों ने आधुनिक बिहार के इतिहास का एक छोटा सा बढ़िया सा जो है ओवरव्यू ले लिया परीक्षा में ये बड़ा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए रोल प्ले करेगा अब हम लोग आगे क्या करेंगे अब हम लोग आगे इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे इसके बाद हम लोग देखेंगे पॉपुलेशन इन बिहार पॉपुलेशन इन बिहार जनसंख्या का थोड़ा सा देख लीजिए बड़ा सवाल इस सबसे पूछा जाता है और पॉपुलेशन इन बिहार के बाद फिर हम लोग देखेंगे क्या फिर हम लोग देखेंगे आ, आपका जो ये वाला पोर्सन है पॉपुलेशन इन बिहार के बाद हम लोग देख लेंगे बजट बजट जो है हम लोग बिहार का पॉपुलेशन इन बिहार के बाद फिर देखने का प्रयास करेंगे ठीक है चलिए तो स्टार्ट किया जाए इसको जितने लोग कॉन्टीन्यूअसली देख रहे हैं खाना पीना खाएं कि नहीं आप लोग पता नहीं मुझे कितने लोग देख रहे हैं ठीक है चलिए आ जाइए मामला थोड़ा सा अब हम लोग जनांकिकी डेमोग्राफी ऑफ बिहार ये देख लेते हैं मनुष्य के द्वारा विभिन्न संसाधनों का निर्माण भी किया जाता है आपको पता है उसका उपभोग भी किया जाता है कोई भी संसाधन अगर बनाया गया अब अगर ये ग्रीन टी बनाई गई है तो इसका निर्माण भी किया गया और इसका उपभोग भी किया जाता है और वह स्वयं भी एक महत्वपूर्ण संसाधन होता है Obviously बात है अगर मान लो मैं स्किल्ड हूं तो मैं, एक, हूं, मैं, हूं, तो मैं हूं, तो एक संसाधन के रूप में हूं क्योंकि जब मैं स्किल्ड हूं तो क्या करूंगा के रूप में हूँ लोगों का बाल काट सकता हूँ लोगों को अपनी सेवा प्रदान कर सकता हूँ तो एक संसाधन के रूप में भी हूं तो एक संसाधन का निर्माण भी हो करता हूँ और संसाधन का इस्तेमाल भी करता हूं और स्वयं भी एक संसाधन के रूप में हूं तो हमें क्या कहा जाता है जैसे हम ह्यूमन रिसोर्स हैं मानव संसाधन है एक संसाधन के रूप में है और जितना स्किल्ड हम लोग होते जाएंगे उतना जो है हम लोगों को ब, मतलब एक बेहतर संसाधन कहना तार्किक होगा मतलब संसाधन आप तभी कह सकते हैं किसी को अगर वो स्किल्ड है सामान्य तौर पर अगर उसके अंदर कोई स्किल नहीं है तो वो संसाधन के तौर पर नहीं है क्योंकि उससे आपको उस तरीके का लाभ उस व्यक्ति से नहीं मिल सकता है तो अगर संसाधन आप किसी को बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसका निर्माण हो चाहे उसका उपयोग किया जा सके तो ऑब्बियसली अगर कोई स्किल्ड वर्कर है तो उसका उपयोग भवन निर्माण से लेकर और अनेक बड़े बड़े कंपनी निर्माण या फिर जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उसके निर्माण में किया जा सकता है तो स्किल्ड जितना जितना जो है हमारा आ, मानव होगा हमारा जो हमारा जो जनसंख्या होगी उतना ज़्यादा जो है भारत में मानव संसाधन बढ़ेगा मानव एक संसाधन के रूप में होगा तो मानव संसाधन के विकास पर ही राज्य का विकास निर्भर करता है अगर स्किल्ड होंगे तभी जो है वो राज्य का विकास होगा नहीं तो अर्थव्यवस्था में जो आर्थिक गतिविधियां हैं वो ऑटोमेटिकली ठप पड़ जाएगी जनसंख्या एक संदर्भ बिंदु या आधारित तत्व है जिससे दूसरे तत्वों का अवलोकन किया जा सकता है उसके अर्थ और महत्व को जाना जाता है Obviously, जनसंख्या के आधार पर हमको पता चलता है कि भाई हमारी जो नीतियां बनेंगी वो किस आधार पर बनेगी तो जनसंख्या के आधार पर जो हमारी अर्थव्यवस्था का आकार होगा वो जनसंख्या के आधार पर कोई भी चीज है मान लो कि जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई बहुत कम हॉस्पिटल है तो क्यों बोलते हैं ऐसा क्योंकि जनसंख्या के अनुरूप हॉस्पिटल हमारे पास नहीं है जनसंख्या के अनुरूप हमारे पास सरकारी विद्यालयों का अभाव है तो जनसंख्या का अवलोकन जब आप करेंगे उसके हिसाब से ही नीतियां पॉलिसीज डिजाइन किए जाते हैं एक निश्चित समय अंतराल में जनसंख्या की आधिकारिक गणना जनगणना कहलाती है मतलब है कि एक निश्चित समय समय अंतराल अंतराल में 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 किसी एक एक निश्चित में, एक निश्चित टाइम पीरियड आप जब जनगणना करते हैं जनसंख्या की गणना करते हैं ऑफिशियल गणना करते हैं तो उसको आप जनगणना कह देते हैं और भारतीय जनगणना जनसंख्यिकी सामाजिक तथा आर्थिक आंकड़ों का सबसे वृहत स्रोत है ऑब्वियसली आपको पता चलता है भाई कि पंद्रह वर्ष से कम कि मतलब उम्र के बच्चे कितने हैं जो हमारे पास वर्क फोर्स है वो कितने हैं वृद्ध कितने हैं तो जनसांख्यिकी आंकड़ा फिर सामाजिक आंकड़ा भी आपको पता चलता है आर्थिक आंकड़ों का भी अनुमान आपको मिलता है सब कुछ का एक वृहत स्रोत आपको पता चल जाता है और नीतियां बनाने में भी आपको बड़ी आसानी होती है भारत में जनगणना का प्रथम प्रारंभ किसने किया था लॉर्ड मेयो ने अठारह से अठारह इनका समयकाल है उसी में इन्होंने क्या किया लॉर्ड मेयो ने भारत में जनगणना का प्रारंभ किया परंतु नियमित दस वर्षीय जनगणना का प्रारंभ अठारह ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ स्वतंत्रता के बाद आप देखेंगे तो जनगणना कार्य को संपन्न करने के लिए 1948 सौ ईस्वी में जनगणना अधिनियम लागू किया गया और इस अधिनियम के अनुसार क्या हुआ कि भारत में जनगणना संबंधी अधिकार रजिस्ट्रार जनरल के अधीन हो गया तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया भारत में जनगणना संबंधी सभी अधिकारों को अपने अंदर रखता है यह बात याद रखना है जनसंख्या का आकार तो जनसंख्या के के संबंधित तीन प्रमुख जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या क्या हैं पहला कंपोनेंट है जनसंख्या का आकार एवं वितरण जनसंख्या का आकार किस तरीके का है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है किस क्षेत्र में जनसंख्या ज्यादा है किस क्षेत्र में जनसंख्या कम है पहाड़ी क्षेत्रों में जिस प्रकार आपको बिहार में भी दिखेगा कि पहाड़ी क्षेत्रों में जनसंख्या कम देखने को मिलेगी जो मैदानी और उपजाऊ क्षेत्र होंगे वहां पर जनसंख्या ज्यादा देखने को आपको मिलेगी जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया तो समय के साथ जनसंख्या वृद्धि कैसे हुई इसमें परिवर्तन कैसे हुआ इस प्रकार की जो चीजें हैं इसकी प्रक्रिया को हम लोग देखेंगे जनसंख्या के गुण या विशेषताएं तो जनसंख्या में जितने भी लोग हैं उनकी उम्र क्या है लिंगानुपात कैसा है रेशियो क्या है एक हजार में महिलाओं की संख्या कितनी है उसके बाद उनकी साक्षरता स्तर कितना है उनका जो लिटरेसी रेट है वो कैसा है स्वास्थ्य की अवस्था कैसी है कि व्यवसायिक जो संरचना है वो किस प्रकार की है तो इससे हम लोगों को विभिन्न प्रकार के चीजों का बारे में पता चलता है जनसंख्या का आकार एवं तो देखिएगा तो कुल जनसंख्या दस चालीस तो चार सौ बावन है ये मैंने आपको पहले ही बताया कि दस चालीस निन्यानवे चार सौ बावन है जो भारत की कुल जनसंख्या का लगभग कितना है आठ दशमलव पांच आठ प्रतिशत यह या बात याद रखना है प्रतिशत के है यह या याद रखना है जबकि सोचिए तो मात्र हम लोग कितना एरिया लिया हुआ है बिहार दो दशमलव आठ छे प्रतिशत और जनसंख्या कितना रहता है भारत का यहां पर आठ दशमलव पांच आठ प्रतिशत सोचिए इलाका एरिया हमारे पास कम है भारत की अगर बात करें तो दो दशमलव आठ क्षेत्र आठ प्रतिशत एरिया हमारे पास है भारत के कुल क्षेत्रफल का और जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का आठ दशमलव आठ प्रतिशत है यही कारण है कि जनसंख्या घनत्व में राज्यों के मामले में बिहार आपको अव्वल दिखेगा और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में छठे स्थान पर दिखेगा बिहार भारत का उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र के बाद तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है तो बिहार भारत का उत्तर प्रदेश हो महाराष्ट्र हो उसके बाद तीसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है जब मैं लेक्चर स्टार्ट कर रहा था उस समय मैंने ये बात आपको कही थी कि भाई जब आप जब हम लोग सबसे लास्ट में पॉपुलेशन पढ़ेंगे जनसंख्या पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि बिहार से ऊपर कौन कौन है तो देखिए बिहार से ऊपर निकल गए एक उत्तर प्रदेश और दूसरे महाराष्ट्र बिहार की जनसंख्या राज्य के कितने किलोमीटर क्षेत्र में है भाई क्षेत्रफल क्या है राज्य का चौरानवे हजार एक सौ तिरसठ वर्ग किलोमीटर और कुल क्षेत्रफल का टू पॉइंट एट सिक्स परसेंट है आप देखिएगा तो कम क्षेत्रफल पर अधिक जनसंख्या का यहाँ पर दबाव है इस प्रकार क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार तेलंगाना राज्य आने के बाद बिहार का स्थान तेरहवा हो गया है वर्तमान बिहार में 38 जिले हैं जिनमें से सर्वाधिक जनसंख्या अनुपात वाला जिला पटना है अंठावन हजार अड़तीस मतलब पांच लाख तेरासी हजार सॉरी पांच करोड़ तिरासी लाख आठ हजार एक सौ पैंसठ ऐसा ही कुछ है? है मतलब जनसंख्या आपको याद नहीं रखना है और जबकि सबसे कम जो है वो शेखपुरा है छह लाख छत्तीस हजार तीन सौ बयालीस ठावन तो लाख अड़तीस हजार एक सौ पैंसठ है अंठावन लाख अड़तीस हजार एक सौ पैंसठ ये पाँच करोड़ पाँच करोड़ रुपये मत जाइए इतना डिजिट जो है वो याद भी नहीं रहेगा ठीक है मैं भी याद नहीं कर पाता भैया क्योंकि याद करना ये सबको बड़ा मुश्किल है अब एक एक डिजिट याद कैसे करिएगा ये याद रखिए कि कम पटना में है और ज्यादा जो है वो मतलब सबसे ज्यादा पटना में है और सबसे कम जो है वो शेखपुरा में है कम जनसंख्या वाला नहीं तो बड़ा डिफिकल्ट होगा इसको याद रखना प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं ये मैंने आपको पहले बताया एक किलोमीटर एरिया में जितने लोग निवास करते हैं ठीक है एक किलोमीटर एरिया में प्रति वर्ग किलोमीटर में एक किलोमीटर क्षेत्रफल में जितने लोग हैं उसी को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है किसी प्रदेश विशेष में रहने वाले लोगों की कुल जनसंख्या में उस क्षेत्र की कुल क्षेत्रफल से भाग देने के पश्चात ऑब्वियसली बात है मान लो कि यहाँ रह रहे हैं मान लो कि दस हजार लोग रह रहे हैं इस क्षेत्र का एरिया है दो दो किलोमीटर है मान लेते हैं एरिया दो किलोमीटर स्क्वायर तो उससे अगर भाग दे देंगे तो आपको पता चल जाएगा जनसंख्या घनत्व तो कितना है तो कितने लोग रह रहे हैं बटा उस जो जगह है उसका क्षेत्रफल कितना है तो वही मैंने बताया कि एक किलोमीटर में कितने लोग मान लीजिए रह रहे हैं ठीक है थीके? दो किलोमीटर में कितने लोग रह रहे हैं ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं तो मान लेते हैं कहीं पर दस हजार है और एरिया दस किलोमीटर का है मान लीजिए तो दस हजार बटा दस एक हजार लोग एक किलोमीटर में रह रहे यही कहने का मतलब है तो यही जनसंख्या घनत्व इससे प्राप्त होता है वो प्रस्तुत करता है आपको दिखेगा कि किसी किसी क्षेत्र में जो जनसंख्या घनत्व है वह ज्यादा है क्योंकि वह क्षेत्र हो सकता है कि उपजाऊ हो लेकिन पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में आपको सामान्य तौर पर दिखेगा कि पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में जो जनसंख्या वितरण है वह उस तरीके का नहीं है बिहार भारत में सबसे घनी आबादी वाला राज्य है यहाँ की जनसंख्या वितरण में अत्यधिक असमानता भी है मैंने आपको बताया भी राज्य जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से प्रथम स्थान पर है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को ले लेंगे तो छठे स्थान पर चला जाएगा बिहार राज्य में जनसंख्या घनत्व शिवहर जिले की सबसे अधिक है 1880 सोच लीजिए भाई एक किलोमीटर एरिया में 1880 लोग रहते हैं ठीक है इसका प्रमुख कारण यहाँ पर क्या है भाई उपजाऊ जलोढ़ मैदान पर्याप्त मात्रा में जल की सुविधा जो कृषि के लिए अनुकूल है जबकि सबसे कम जनसंख्या घनत्व कैमूर जिले का है कैमूर जिले में क्यों है भैया थोड़ा सा पहाड़ी इलाका पड़ जाता है कैमूर का पठार वगैरह सुनते होंगे आप अब पहाड़ में थोड़े कोई रहने जाएगा यहां पर शिवहर है आपको दिखाता हूं मैप में बिहार का मैप नीचे चला गया है यही समस्या हो जा रहा है तो कहाँ है शिवहर देखिए ये यहां है देखिए भैया उत्तरी बिहार का इलाका है ठीक है जल मिट्टी वाला इलाका है बारिश का प्रभाव भी रहता है ठीक है उपजाऊ मृदा है तो इन सब जो है एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है छोटा एरिया है ज्यादा आदमी लोग रहते हैं इतना ही बड़ा एरिया है इसका और ज्यादा लोग रहते हैं तो इस कारण से यहाँ क्या है जनसंख्या तो ज़्यादा है 1880 है आप सोच लीजिए काफी ज्यादा है ठीक है और कैमूर कहाँ है कैमूर देख लीजिए भैया कैमूर भी, भी कहिएगा कि कहा आप लोगों ने बता दिया सर कैमूर में क्यों नहीं है जनसंख्या ज्यादा कैमूर देखिए इधर है इधर पर कैमूर का पठार ये सब है सब ठीक है थोड़ा सा बारिश वगैरह का भी अभाव रहता है इधर औरंगाबाद में सबसे कम बारिश होता है ठीक है तो इस कारण से यहाँ पर थोड़ी सी उस तरह की दशा नहीं है बिहार राज्य की पटना पूर्वी चंपारण मुजफ्फरपुर दरभंगा आदि जिलों में क्षेत्रफल की तुलना में अधिक जनसंख्या पाई जाती है यहाँ पर पर थोड़ा सा सुविधा है, बेसिक भी है, है, भी साथ साथ ही साथ उपजाऊ लोगों को जो है यहाँ पर बेसिक नीड्स पूरा करने में आसानी होती है भोजपुर गोपालगंज मधेपुरा सहरसा आदि जिलों में क्षेत्रफल एवं जनसंख्या का अनुपात लगभग बराबर है जितना क्षेत्रफल है उसी के हिसाब से जनसंख्या रहती है और कुछ दक्षिणी बिहार के जिले क्या है गया रोहतास कैमूर कैमूर का नाम तो सुना ही यहाँ पर क्षेत्रफल के हिसाब से जनसंख्या घनत्व तो कम है क्षेत्रफल ज्यादा है जनसंख्या रहने वाली यहाँ पर कम है रीजन बता पता है आपको यहाँ पर पठारी और पहाड़ी संरचना है जो लोगों के निवास के लिए एक विषम परिस्थिति उत्पन्न कर देती है जनसंख्या एक परिवर्तनशील प्रक्रिया ओबियसली भैया चेंज होता रहेगा आबादी की संख्या वितरण और संगठन में लगातार परिवर्तन होता रहता है बिल्कुल सही बात है यह परिवर्तन तीन प्रक्रियाओं जन्म मृत्यु एवं प्रवास के आपसी संयोजन के प्रारंभ प्रभाव के कारण होता है तो जन्म जगह ज्यादा हुआ मान लेते हैं तो जनसंख्या बढ़ जाएगी मृत्यु कम है तब तो बढ़ जाएगी मृत्यु ज्यादा है घट तो जाएगी इस प्रकार से है यहां से वहां अगर आप माइग्रेट करते हैं तो उस क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ जाएगी ये सब रीजन है जनसंख्या वृद्धि का क्या मतलब है कि मान लो दस वर्ष के भीतर किसी भी देश राज्य के निवासियों में संख्या में परिवर्तन मान लेते हैं कि पहले सौ था अब एक हजार हो गया मतलब दस साल में दो हजार एक से मान लो दो हजार ग्यारह में तो नौ सौ का वृद्धि हुआ तो इस प्रकार जनसंख्या वृद्धि को दो प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है एक तो है भाई प्रति वर्ष कितना प्रतिशत परिवर्तन हो रहा है मान लो दो में हुआ तो दो दो में कितना हुआ तीन में कितना हुआ चार में कितना हुआ दूसरा है सापेक्ष वृद्धि दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा देखते हैं प्रत्येक वर्ष या एक दशक में बढ़ी जनसंख्या कुल जनसंख्या में वृद्धि का परिमाण है यह मैंने ऑलरेडी बताया कि एक दशक में जो जनसंख्या बढ़ेगी वही आपको दिखता है कि 2001 से 2011 में कितना हो गया दूसरा है कि भैया अब प्रत्येक वर्ष मेजर करिए प्रतिशत चेंज में जैसे मान लेते हैं कि एक की जनसंख्या और बाद में दो की जनसंख्या सौ 100 और एक हजार है मान लो तो 900 है आपने घटाकर जो 900 प्राप्त किया उसको क्या कहते हैं निरपेक्ष वृद्धि सीधा सीधी निरपेक्ष वृद्धि इसके बाद जनसंख्या में वृद्धि का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू क्या है एक तो आपने देख लिया निरपेक्ष वृद्धि इसमें क्या था भैया सीधा घटा दीजिए सौ है एक से घटा दीजिए दूसरा क्या है मान लेते हैं सौ है अगला बार डेढ़ हो गया कितना प्रतिशत बढ़ा भाई उसके अगले साल 200 हो गया कितना प्रतिशत बढ़ा तो हर साल प्रतिशत को जो है प्रतिशत कितना प्रतिशत बढ़ रहा है इसको हम लोग इसमें देखते हैं प्रति वर्ष प्रतिशत में किया जाता है ठीक है जैसे देखिए प्रति वर्ष दो प्रतिशत वृद्धि की दर अगर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ध्यान दीजिएगा कि वर्ष की मूल जनसंख्या में प्रत्येक सौ व्यक्तियों पर दो व्यक्तियों की वृद्धि हर साल हो रही है सौ है तो अगला साल एक सौ दो हो गया फिर मतलब हर साल दो दो परसेंट की वृद्धि होते जा रही है वर्ष 1901 से 2011 तक की 11 जनगणनाओं में के आंकड़ों का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि बिहार में जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति विभिन्न दशकों में तथा राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रही है 1901 से 11 में आप देखेंगे 1900 पे चल रहे हैं जहां एक और पूर्वी बिहार में जनसंख्या वृद्धि दर सेवन थी वहीं पर दूसरी ओर मध्य एवं दक्षिणी बिहार में जनसंख्या वृद्धि दर कैसी थी ऋणात्मक थी एक में 7.46 परसेंट है इधर मध्य एवं दक्षिणी बिहार में ऋणात्मक है मतलब नेगेटिव है घनात्मक मतलब पॉजिटिव होता ठीक है 1911 से 1901 के दशक में भी बिहार के उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में 6.8 परसेंट है और वही दक्षिण पूर्वी क्षेत्र जो बांका भागलपुर है उसमें सिक्स पॉइंट सेवन जीरो महामारी अकाल मृत्यु दर उच्च रही जनसंख्या वृद्धि नहीं हो पाई परिणाम स्वरूप समग्र बिहार में ऋणात्मक वृद्धि दर जीरो पॉइंट सिक्स सिक्स रही है अर्थात राज्य की जनसंख्या में कमी आई कब आई कमी ध्यान दीजिएगा 1911 से 1921 में कारण क्या है महामारी एवं अकाल अगर आपसे पूछे कि भाई समग्र बिहार की जनसंख्या में ऋणात्मक कब देखने को मिला है तो वह 1911 से 1921 में मिला है स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर अत्यंत उच्च हो गई है यह आप लोग को पता है 1951 से 1961 के दशक में बिहार में 18.36% की वृद्धि दर्ज की गई है विशेषतः सुपौल जिले में 50.53% तथा अररिया जिले में 45.01% की दशकीय वृद्धि दर्ज की गई है तो सुपौल जिला में और अररिया जिला में विशेष तौर पर आपको वृद्धि देखने को मिलेगी सुपौल कहां है अररिया कहां है देख लीजिए भैया एक बार मैप में कहा गया जी सुपौल और अररिया उत्तरी बिहार के दोनों जिले तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात बिहार में जनसंख्या वृद्धि दर उच्च होने का रीजन प्रमुख रीजन क्या था पहला क्या है राज्य की स्वास्थ्य सुविधाओं में आप देखेंगे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के कारण मृत्यु दर में व्यापक कमी आना यह प्रमुख है आर्थिक पिछड़ेपन एवं शिक्षा में सुधार न होने के कारण जन्म दर पर नियंत्रण न होना तो एक तरफ मृत्यु दर में कमी आ गई क्योंकि हम लोगों ने स्वास्थ्य सेवा अच्छी कर दी और दूसरी तरफ क्या हुआ कि भाई हम लोग आर्थिक रूप से पिछड़ा थे शिक्षा में नहीं हुआ तो भाई लोगों को लगा कि चलो भाई बच्चा ही पैदा करते हैं जनसंख्या जो है वो बढ़ती चली गई ठीक है आप लोग बताएंगे नहीं क्लास कैसा लगा ठीक ठाक है काम हो जाएगा आप लोगों का स्वतंत्रता तो प्राप्ति के पश्चात जो जो है कोसी जनित बाढ़ के प्रबंधन से जनजीवन की क्षति में कमी उसमें जो जोश कोसी नदी की जो बाढ़ आता है आपको पता ही है कि भाई बड़ा खतरनाक टाइप की नदी है अपना मार्ग बदलती है तो क्या होता है बाढ़ आता है अब बाढ़ आएगा तो बाढ़ आने के कारण लोगों को हानि होती है लेकिन बाढ़ का प्रबंधन कर दिया गया थोड़ा कम हानि हुआ कम लोग मरे विभाजन के कारण बांग्लादेशी शरणार्थियों की बड़ी संख्या में बिहार आकर बसना बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल टच है और इधर उसके साथ बिहार टच है तो भाई वेस्ट बंगाल और बिहार भाग के आए हैं तो उसके कारण भी जनसंख्या में कुछ वृद्धि देखने को मिली है चलिए उन्नीस से 2001 के दशक में बिहार में अब तक की सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है ये चीज याद रखना है ऋणात्मक कब किया गया और सर्वाधिक वृद्धि कब दर्ज किया गया 11 से 21 में मैंने आप लोगों को बताया था कि 11 से 21 में ऋणात्मक दर्ज किया गया जो आप लोगों को पहले बताया ये यह देखिए यहां पर 11 से 21 में। और उन्नीस सौ इक्यानवे से 2001 में आप देखेंगे तो कैसा दर्ज किया गया है उन्नीस से 2001 में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर दिखी गई है दो प्रकार के सवाल इससे बन सकते हैं ध्यान दीजिएगा इस दौरान सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले शीर्ष जिले कौन थे तो शिवहर है तथा पूर्णिया है न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला नालंदा था और शेखपुरा था ये इवेंट चूंकि महत्वपूर्ण है तो इस इवेंट को याद रखना पड़ेगा ध्यान दीजिएगा, सब कुछ याद करिए इस स्लाइड का। वर्ष 2001 से 2011 तक के दशक में बिहार में औसत दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर पच्चीस प्रतिशत है और सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जिला मधेपुरा है जहां इकतीस परसेंट की दर से वृद्धि हुई है जबकि सबसे कम वृद्धि दर वाला जिला गोपालगंज है तो औसत जनसंख्या जो औसत दशकीय मतलब दस साल में जो जनसंख्या वृद्धि दर होती है वह पच्चीस दशमलव एक प्रतिशत है जिसमें सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है भाई मधेपुरा है जबकि सबसे कम वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है गोपालगंज है <laughs> जनसंख्या परिवर्तन किस किस कारण से होता है थोड़ा देख लीजिए भाई दर मृत्यु दर और प्रवास ठीक है दर क्या है मृत्यु दर क्या है और प्रवास क्या है सब पे आएंगे देखिए दर तो समझ ही रहे मृत्यु दर के बीच के अंतर को जनसंख्या की प्राकृतिक दर कहते हैं दर और मृत्यु दर के बीच का जो अंतर है मान लेते हैं दर है सौ ठीक है जन्म दर मान लेते हैं सौ है एक एग्जाम्पल हाइपोथेटिकल लिया मृत्यु दर मान लेते हैं बीस है तो अस्सी जो है वो जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है अस्सी प्राकृतिक तौर पर एक वर्ष में प्रति हजार व्यक्तियों में एक हजार व्यक्तियों में कितने जीवित बच्चों का जन्म हुआ जीवित बच्चों का इसको क्या कहते हैं जन्म दर जीवित बच्चों का जन्म एक वर्ष में प्रति हजार व्यक्तियों में कितने जीवित व्यक्तियों बच्चों का जन्म होता है उसे जन्मदर कहते हैं और यह जो है बिहार में अगर देखा जाए तो सदैव जन्मदर मृत्यु दर से अधिक रहा है ठीक है मृत्यु दर से अधिक रहा है तो बिहार राज्य इसमें कम से कम ख्याति प्राप्त कर रहा है एक वर्ष में प्रति हजार व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या एक तो है कि जीवित बच्चों की संख्या एक हजार में और एक है कि मरने वालों की संख्या उसको हम लोग क्या कहते हैं मरने मृत्यु दर मृत्यु दर बिहार में सदैव कम ही रहा है ठीक है मृत्यु दर में तेजी से गिरावट बिहार की जनसंख्या में वृद्धि का प्रमुख कारण रहा है तो मृत्यु दर में गिरावट होती है इसके पीछे का रीजन है स्वास्थ्य सुविधा वगैरह अच्छा हो जाए ठीक है तो क्या होगा मृत्यु दर में थोड़ी सी गिरावट आ जाती है प्रवास क्या है लोगों का माइग्रेशन लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना कभी कभी रोजगार के दृष्टिकोण से भी जाते हैं सामान्य तौर पर आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं लाता ठीक है तो एक राज्य के भीतर यह भले जो है उस, उस, उस जिले के भीतर भले कोई चेंज ला दे राज्य में तो भाई बाम मामला सेम ही रह जाएगा देश की बात करें तब भी मामला सेम रह जाएगा देश के बाहर जब लोग जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है कि फिर जनसंख्या थोड़ी घट जाएगी जनसंख्या वितरण एवं उसके घटकों को प्रभावित करने में प्रवास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है तो देखिए एक देश या प्रदेश के भीतर जनसंख्या के वितरण को वो प्रभावित कर सकता है जब मान लो आंतरिक प्रवास है ठीक है स्टेट के अंदर ही प्रवास हो रहा है या देश के अंदर ही प्रवास हो रहा है स्टेट के अंदर ही हो रहा है तो भाई इस इस जिले से उस जिले में चले गए तो उस जिले पर कुछ प्रभाव डल जाएगा स्टेट में तो मामला सेम ही है देश में भी मामला सेम है ठीक है तो उस देश के भीतर जो है जनसंख्या के वितरण को प्रभावित कर सकता है किसी एक क्षेत्र में लेकिन जो है आकार में कोई परिवर्तन नहीं लाता है उतना का उतना का ही जनसंख्या रहता है है बिहार में में देखिएगा अधिकतर प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों होता है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अपकर्षण कारक है पुष्ट फैक्टर प्रभावित होता है पुष्ट फैक्टर का मतलब क्या है कि भाई वहां से लोगों को मतलब धकेलने वाला फैक्टर काम करता है ऐसा क्यों है पुष्प होता है ना पुष्प मतलब ढकेलो पुल मतलब खींचो क्यों क्योंकि यहाँ पर बेसिक इम्यूनिटीज का अभाव लोगों को दिखता है शिक्षा स्वास्थ्य इन सब चीजों का अभाव दिखता है लाइवलीहुड खाने के लिए जो भी बेसिक आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति करना भी ग्रामीण क्षेत्र में मुश्किल हो जाता है ग्रामीण क्षेत्र में आप देखेंगे गरीबी एवं बेरोजगारी की प्रतिकूल अवस्थाएं हैं तथा नगर का अभिकर्षण कारक पुल फैक्टर प्रभाव रोजगार में वृद्धि एवं अच्छे जीवन स्तर को यहाँ दर्शाता है इस प्रकार प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक है यह केवल जनसंख्या के आकार को ही नहीं प्रभावित करता बल्कि उम्र एवं लिंग के दृष्टिकोण से नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या को भी प्रभावित कर देता है यह तो उस तरीके से भी प्रभावित करेगा अब जनसंख्या संगठन के प्रमुख घटक क्या क्या है तो सबसे पहला है लिंगानुपात लिंगानुपात सबसे पहला है दूसरा है आयु संरचना तीसरा है साक्षरता चौथा है व्यवसायिक संरचना चौथा है व्यवसायिक संरचना तो ये चीजें हम लोग अब देखते हैं क्या क्या इसमें बातें हैं अगर कुछ हो तो किसी देश अथवा राज्य में प्रति हजार पुरुष पर यह बताया था मैंने कि प्रति हजार पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी है इस अनुपात को हम लोग लिंगा अनुपात कहते हैं प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के अनुपात को लिंगा अनुपात कहा जाता है लिंगा अनुपात किसी दिए गए समय में समाज में पुरुषों एवं महिलाओं के बीच समानता की सीमा मापने के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक है एक महत्वपूर्ण सामाजिक सूचक है कि भाई अब ऐसा तो नहीं है कि लोगों की इच्छा है कि भाई लड़कियों को पैदा ना करें या फिर लड़कियों को गर्भ में ही जो है कुछ खिला के मार दो एबोसन करा लो तो इससे पता चलता है भाई की कि, कि जब अगर लिंगानुपात कम होता जा रहा है मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई, 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 कोई फैक्टर काम कर रहा है वर्ष 2000 1911 से 2011 तक प्रत्येक जनगणना में बिहार में लिंगानुपात की स्थिति में परिवर्तन होता रहता है वर्ष 1901 से आप 2011 तक देखेंगे तो 1921 ईस्वी तक स्त्रियों की संख्या पुरुषों की तुलना में अधिक थी लेकिन 1931 ईस्वी में यह घटकर नौ हो गई आप देखिएगा तो 1921 तक स्त्रियों की संख्या पुरुषों की तुलना में अधिक थी अभी भी आपको एक जिला में दिखेगा वैसे लेकिन अधिक थी लेकिन अब क्या है अब मामला उल्टा हो गया थोड़ा सा उन्नीस के बाद स्थिति में तेजी से गिरावट होने लगी तथा जो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कितना हो गया भैया 918 यानी प्रत्येक 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या कितनी है 918 है बिहार में लिंगानुपात में कमी आने के पीछे का अनेक कारण है सामाजिक रूढ़ियां लड़कियां पैदा मत करो अशिक्षा भाई सब थोड़ा सा शिक्षा में आपको पता साक्षरता में तो भैया हम लोग पैंतीसवें स्थान पर है पितृसतात्मक जो सामाजिक संरचना है जो पित्रतात्मक क्या है भाई पेट्रियल सोसाइटी है पुरुषों को ही जो है ज्यादा वरीयता मिलती है क्रूण कन्या भ्रूण हत्या एबोसन वगैरह बाल विवाह छोटी उम्र में ही विवाह कर देना विवाह का खर्चा भी बहुत लोग पेरेंट्स लोगों को, को जो है यह भी सताता है कि बच्चे पैदा हो गए तो विवाह का खर्चा कहाँ से उठाएंगे यह भी सताता है कि बच्चा पैदा होगा तो थोड़ा सा बुढ़ापा में सहयोग करेगा लेकिन वही क्या करता है लड़का जो है माता पिता को जो है वो अगर बे, बेटी होती है तो भाई हमेशा सहयोग करती है लेकिन बेटा का एक समय होता है कि उसके बाद अपना पत्नी को ही देखने लगता है क्या जो है वो अः माता पिता को देखेगा सामान्य तौर पर लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करिएगा हमें उम्मीद है बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात लिंगा वाला जिला गोपालगंज है देखिए एक हजार से ऊपर है मामला यहाँ पर एक हजार पुरुषों पे महिलाएं ज्यादा है यहाँ और मुंगेर है जिला मुंगेर है जो सबसे कम है यहाँ एक हजार पे आठ सौ छिहत्तरे को है तो यह भी ध्यान देना है कि यहाँ पर आठ सौ छिहत्तर ही है और यहाँ पर क्या है यहाँ पर जो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है वो मुंगेर है आठ सौ छिहत्तर ठीक है यहां पर देखिएगा तो यहां ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र के लिंगानुपात में समानता पाई जाती है ग्रामीण क्षेत्र में लिंगानुपात नौ सौ इक्कीस है वही नगरीय क्षेत्र में कितना है नगरीय क्षेत्र में है एक मिनट कहाँ चला गया आठ सौ पंचानवे तो ग्रामीण क्षेत्र में ज्यादा है इवन और नगरीय क्षेत्रों में ही कम है इस बात का ध्यान दीजिएगा ठीक है किसी देश प्रदेश में जन आयु संरचना पढ़ लेते हैं किसी देश प्रदेश में जनसंख्या की आयु संरचना क्या है वहां के विभिन्न आयु समूहों के लोगों की संख्या अलग अलग आयु समूहों के लोगों की संख्या कितनी है उसको हम लोग आयु संरचना कहते हैं यह जनसंख्या की मूल विशेषताओं में से एक है किसी देश या प्रदेश की आबादी को सामान्यतः तीन वर्गों में देखा जाता है एक बच्चों वाला एक भाई कार्य फोर्स वाला वर्क फोर्स और एक बुजुर्ग वाला देखिएगा तो एक बच्चे हैं सामान्यतः पंद्रह वर्ष से कम ठीक है स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकता के लिए सुविधाएं हम लोगों को उपलब्ध कराने की आवश्यकता होती है बिहार में जीरो से चौदह वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों की संख्या तेरह दशमलव दो चार प्रतिशत है तथा तो छह वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या सत्रह दशमलव नाइन प्रतिशत है जो राष्ट्रीय औसत तेरह दशमलव वन से काफी अत्यधिक है बच्चों की संख्या जो छह वर्ष से कम है ना वो यहाँ पर राष्ट्रीय औसत से राष्ट्रीय प्रतिशत से काफी अधिक है बालकों का हिस्सा सत्रह दशमलव सात प्रतिशत है जीरो से छह वाले में और बालिकाओं का हिस्सा ज्यादा है इवन बालिकाएं ज्यादा है बालक कम है जीरो से छह वर्ष की आयु वर्ग में 2001 में लिंगानुपात 942 था 2011 में घटकर कितना हो गया 935 हो गया घट गया सर्वाधिक लिंगानुपात आपको जीरो से छह साल वाले में कहा मिलेगा किशनगंज में और वैशाली में सबसे कम नौ और 904 सौ किशनगंज में 904 वैशाली में आपको देखिएगा उसके बाद इस आयु वर्ग में बालकों की सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत से कहा है खगड़िया में सबसे ज्यादा प्रतिशत है बालकों की और पटना में सबसे कम प्रतिशत है और बालिकाओं की प्रतिशत की बात करें तो सुपौल में सबसे ज्यादा है और पटना में सबसे कम है मतलब पटना बालकों में और बालिकाओं में दोनों में सबसे कम रखता है स्थान इस आयु वर्ग में ग्रामीण एवं नगरीय जो जनसंख्या प्रतिशत है क्रमशः अठारह दशमलव पांच पांच प्रतिशत एवं चौदह दशमलव तीन पांच प्रतिशत है जबकि सर्वाधिक एवं न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला क्रमशः खगरिया एवं शिवहर है ये आर्थिक रूप से उत्पादन तथा जैविक रूप से प्रजननशील होते हैं यह आपको पता ही है उत्पादन होते हैं भाई इसको थोड़े किसी पर डिपेंड रहना पड़ता है ठीक है और जैविक रूप से प्रजननशील भी होते हैं कार्यशील वर्ग है वर्क फोर्स है व्यस्क है पर जो जन्म दर होता है मतलब यहीं पर लोग बच्चा भी पैदा करते हैं तो प्रजननशील भी हैं उत्पादन भी करते हैं आर्थिक क्रियाओं में पार्टिसिपेट भी करते हैं वृद्ध हैं जो आपको पता है आर्थिक रूप से उत्पादनशील या अवकाश प्राप्त हो सकते हैं ये स्वैच्छिक रूप से कार्य कर सकते हैं लेकिन भर्ती प्रक्रिया नौकरी जो सरकारी नौकरी निकलता है इनके द्वारा इनकी नियुक्ति नहीं होती है अब कहीं पर मान लेते हैं कि स्वैच्छिक रूप से काम कर रहे हैं बहुत बार देखिएगा कि एस के चेयरमैन का एज क्रॉस हो गया है वो काम कर रहे हैं तो री री अपॉइंटमेंट हो गया इस आधार पर बहुत बार गरीबी से तंग आकर देखेंगे तो बहुत बुजुर्ग लोग कहीं पर कोई गार्ड की नौकरी करते हैं या फिर कहीं पर कोई जैसे कलर्क वगैरह की नौकरी करते हैं किसी कंपनी में किसी छोटे फॉर्म में <coughs> बच्चों तथा वृद्धों का प्रतिशत जनसंख्या के आश्रित अनुपात को प्रभावित करता है क्योंकि ये समूह उत्पादक नहीं होते हैं। साक्षरता किसी जनसंख्या का बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है क्या साक्षरता यहाँ पर आप देखेंगे तो स्पष्टता केवल एक शिक्षित और जागरूक नागरिक ही बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय ले सकता है तथा शोध विकास के कार्य कर सकता है साक्षरता दर में कमी आर्थिक प्रगति में एक गंभीर बाधा है ये पता है जन में भी ये रेस्पॉन्सिबल है 2011 की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति जिसकी आयु सात वर्ष या उससे अधिक है जो किसी भी भाषा को समझकर लिखकर या पढ़ सकता है उसे साक्षर की श्रेणी में रखा जाता है यह ध्यान रखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार जिसकी भी आयु सात वर्ष या सात वर्ष से अधिक है उसको यह श्रेणी में हम लोग रख सकते हैं ठीक है 1970 की जनगणना तक सात वर्ष के स्थान पर चार वर्ष इकहत्तर तक चार वर्ष निर्धारित किया गया था 2011 की जनगणना के अनुसार अभी क्या है सात वर्ष सात वर्ष की आयु को देखा जाएगा और किसी भी भाषा को समझकर लिख सकता है या पढ़ सकता है तो उसको साक्षर माना जाता है बिहार की साक्षरता दर इकसठ है स्टार्टिंग में ही बताया था जबकि राष्ट्रीय औसत 74.04 है हम लोग सोचिए राष्ट्रीय औसत से कितने नीचे है पुरुष साक्षरता दर इकहत्तर दशमलव दो प्रतिशत है महिला की जो साक्षरता दर है वो फिफ्टी वन पॉइंट फाइव प्रतिशत है इस राज्य में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला रोहतास है जबकि सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला पूर्णिया है इक्यावन दशमलव जीरो आठ प्रतिशत राज्य में ग्रामीण साक्षरता दर फिफ्टी नाइन पॉइंट सेवन एट परसेंट है मजा नहीं आ रहा फैक्ट है देख लीजिए एक दो बार देखिएगा तो याद होगा और नगरीय साक्षरता दर साइड सिक्स दक्षिण साइड में और एक जो है एकदम पूर्व साइड में और नगरीय और और ग्रामीण में तो अंतर काफी अत्यधिक है आर्थिक रूप से अब ये थोड़ा सा व्यवसायिक संरचना है एक मिनट का मुझे समय दीजिएगा ताकि जो है मैं बैटरी जो है वो चेंज कर पाऊँ आवाज़ जा रही है चलिए बैटरी चेंज कर लिया भाई नहीं तो समस्या ये पैदा होती कि पता ही नहीं चलता कि बैटरी कब रुक गया है रिकॉर्ड जो एक्चुअली क्लास में कमेंट तो देखा नहीं, नहीं मिल रहा तो उससे पता ही नहीं चलेगा कि भाई कहाँ तक पहुँचा हूँ कहाँ तक नहीं पहुँचा ठीक है चलिए तो आप लोगों ने कहाँ तक समझ लिया यहाँ पर हम लोग अब क्या समझने का प्रयास कर रहे हैं समझने का प्रयास कर रहे हैं एक्चुअली आज सुबह से भोजन नहीं मिला है तो चाय से ही काम चलाना पड़ रहा है बीच में भोजन खा लो तो क्या होगा नींद आता है आप लोग भी तो इस इससे इस बहुत जूझे ही होंगे बचपन में कि भाई भोजन कर लो तो क्या होता है फिर नींद आता है है। तो व्यवसायिक संरचना क्या है आर्थिक रूप से क्रियाशील जनसंख्या का प्रतिशत विकास का एक विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक होता है क्रियाशील जनसंख्या ठीक है आर्थिक रूप से क्रियाशील हो मतलब इकोनॉमिक दृष्टि से फ्रूटफुल हो क्रियाशील हो एक्टिव हो वैसी जनसंख्या का प्रतिशत विकास का एक महत्वपूर्ण सूचक होता है क्योंकि अब जनसंख्या ज्यादा है लेकिन आर्थिक गतिविधियों में उसकी कोई भागीदारी ही नहीं है तो वो जनसंख्या रहे ना रहे मतलब कोई मतलब ही नहीं बनता क्योंकि उसका देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका उस तरह की जनसंख्या का नहीं होगा विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के अनुसार किए गए जनसंख्या के वितरण को व्यवसायिक संरचना कहा जाता है ठीक है तो विभिन्न प्रकार के व्यवसायों में जनसंख्या का वितरण किस प्रकार का है उसको हम लोग क्या कहते हैं उसको हम लोग व्यवसायिक संरचना कहते हैं। इसको हम लोग, कितने भाग में भाई? इसको हम लोग तौर पर चार श्रेणियों में विभाजित करते हैं ठीक वृक्षारोपण मछली पालन एवं खनन आदि क्रियाओं में कितने लोग शामिल है जनसंख्या का कितना भाग दूसरा है, में जैसे सेक्टर आते है इसमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आता है निर्माण आता है विनिर्माण आता है तृतीय आपको पता है सेवा क्षेत्र परिवहन संचार वाणिज्य प्रशासन अन्य सेवाएं चतुर्थ में कौन आता है अनुसंधान और वैज्ञानिक कार्य ठीक है पंचम भी होता है एक पंचम में कौन आते हैं तो पंचम में जो जो हाईएस्ट डिसीजन लेवल बॉडीज होते हैं जैसे सरकारें ठीक है वो सब पंचम वाले में आते हैं और इस चार खंडों में इन चार पांच खंडों में पांच खंडे भी हो गए हैं कार्यशील जनसंख्या का अनुपात किसी देश के आर्थिक विकास के स्तरों को बताता है जैसे बहुत बार क्या होता है कि कि अब जब देखेंगे विकासशील और अल्प देशों में क्या होता है है कृषि पर जो आधारित जनसंख्या होती उस उसमें भार ज्यादा होता, तो होता है और जब आप विकसित देश देखेंगे तो सेकेंडरी सेक्टर में ज्यादा लोगों का रुझान होता है और जनसंख्या का ज्यादा भार सेकेंडरी सेक्टर पर होता है ज्यादा वितरण सेकेंडरी सेक्टर पर होता है केवल उद्योग और अवसंरचना मतलब इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर से युक्त एक विकसित अर्थव्यवस्था जहां पर उद्योग भी फल फूल रहे हों जहां पर अवसंरचना भी हो वो एक विकसित अर्थव्यवस्था जो होगी द्वितीयक तृतीयक एवं चतुर्थक क्षेत्र में अधिक क्रमियों को समायोजित कर लेगी ऑब्वियसली बात है अगर इंडस्ट्री होगा नहीं तो सेकेंडरी सेक्टर में जनसंख्या कहाँ जाएंगे लोग कहाँ पर काम करेंगे ठीक है और जब इंडस्ट्रीज बनता है तो उससे क्या होता है आप देखिएगा जब मान लो कि इंडस्ट्रीज के कारण अनुसंधान कार्य भी बढ़ता है कि भाई बेहतर से बेहतर क्या किया जाए तो इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए यह सब किया जाता है सेवा क्षेत्र में क्या होता है जैसे मान लो इंडस्ट्री बढ़ा जैसे मान लेते हैं कि कोई विनिर्माण कंपनी है ठीक है जैसे मान लीजिए आर है पानी वाला अब वो कंपनी बनाई लेकिन अब उस कंपनी में आप देखिएगा तो उस कंपनी का एक कॉल सेंटर भी बनता है फिर बाद में क्यों भाई ताकि कस्टमर्स को दिक्कत ना हो आफ्टर आफ्टर टेकिंग जब द प्योरीफाइड फिल्टर कोई दिक्कत ना हो तो उस कारण से आप देखेंगे तो उस कारण से सेवा क्षेत्र का भी इसमें जो है वो धीरे धीरे सेवा क्षेत्र में भी लोग आने लगते हैं तो उद्योग और अवसंरचना अगर है तो कहीं ना कहीं से इसका फायदा सब सेक्टर्स को मिलता है और ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या को उद्योग और अवसंरचना एक विकसित अगर ये दोनों चीजें हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा जनसंख्या को द्वितीय तृतीय और चतुर्थक सभी क्षेत्रों में समायोजित कर सकती है, मतलब अपने में ला सकती है राज्यों में आजीविका का प्रमुख साधन क्या है कृषि एवं संबंधित क्षेत्र है जो राज्य में जनसंख्या वितरण को भी काफी प्रभावित करता है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की 11.29 परसेंट जनसंख्या नगरों में निवास करती है जबकि अट्ठासी दशमलव सात एक प्रतिशत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है तो जनसंख्या के बारे में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ग्यारह दशमलव दो नाइन परसेंट जनसंख्या नगरों में निवास करती है और एट्टी एट पॉइंट सेवन वन परसेंट जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है इससे भी आपको समझ में आएगा कि देखिए भाई कितना शानदार जो है ठीक है कितना शानदार जो है वह काम हो रहा है और अभी भी ग्रामीण जनसंख्या बिहार में ज्यादा है इससे ये बातें आपको समझ में आएंगी ठीक है बिहार में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला कौन सा है भाई, मेरा मेराई जिला है समस्तीपुर जब से जबकि सबसे कम ग्रामीण वाला जिला कौन सा है पटना शहरी है ये पटना है समस्तीपुर बांका कैमूर शिवहर सुपौल मधेपुरा आदि जिलों में सबसे अधिक जनसंख्या गांव में रहती है आदि जिलों में सबसे अधिक जनसंख्या गाँव में ही निवास करती है पटना मुंगेर भागलपुर बेगूसराय शेखपुरा नालंदा रोहतास भोजपुर लखीसराय गया में औसत से कम अर्थात 88.71 से कम ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है यह भी अपने आप में क्या है अपने आप में एक उपलब्धि ही है। यहां पर शहरी जनसंख्या किसी क्षेत्र में किसी किसी हमारे वाले जिले में भाई ग्रामीण जनसंख्या ज्यादा है बिहार में नगरीकरण का प्रमाण आपको उत्तर वैदिक काल से ही देखने को मिलता है आर्यों का आगमन भी स्थापित तौर पर उत्तर वैदिक काल में ही हुआ हजार से लेकर 600 ईसा पूर्व में और महाजनपद काल में मिलता है पता है 16 महाजनपदों में तीन बिहार में है पाटलिपुत्र अंग और राजगृह आदि नगरों का विकास हुआ था इन कालों में ही आजाद शत्रु के पुत्र ने गंगा के तट पर पाटलिपुत्र की स्थापना की थी बताया मैंने बिहार में विभिन्न नदियां जैसे गंगा फल्गु सरयू सोन गंडक आदि के किनारे पाटलिपुत्र गया भागलपुर बक्सर आदि क्षेत्र हैं तो आदि नगरों को क्या मिला इससे आदि नगरों का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो चुका था मध्यकाल में विशेषतः आप देखते हैं शेरशाह में आपने देखा कि उसके समय में नगरीकरण को और अधिक प्रभावी बनाया गया शेरशाह ने पटना शहर की स्थापना की बाद में मुगल शासक औरंगजेब ने पटना में औरंगजेब ने नहीं औरंगजेब के पौत्र ने बेसिकली जो राजकुमार अजीम था उसने अजीमाबाद नामक एक नया शहर स्थापित किया पटना में और पटना का नाम भी अजीमाबाद बोला जाने लगा ब्रिटिश काल में नियोजित नगरों का विकास किया गया पश्चिमी पटना को प्रशासनिक दृष्टिकोण से नियोजित किया गया नियोजित मतलब प्लैंड प्लैंड वे में सिटी को डेवलप करना अभी नहीं कि कहीं पर पार्किंग है ये नहीं है पूरा लोग भरा है गाड़ी लगा के खड़ा रहो सब्जी वाला से लेना है तो गाड़ी लगा के सब्जी सब्जी लेते रहो ऐसा नहीं एक प्लैंड वे में कि भाई यहाँ पार्किंग होगा यहाँ पर पानी की व्यवस्था होगी यहाँ शौचालय की व्यवस्था होगी यहाँ हेल्थ केयर फैसिलिटीज होंगे इस तरीके से तो पटना का जो पश्चिमी पटना है उसमें यह चीजें की गई 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की मात्र दो जनसंख्या नगरों में निवास करती है तो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की मात्र इतनी परसेंट जनसंख्या ही नगरों में निवास करती है शहरीकरण का स्तर कम होने का प्रमुख कारण अधिकांश भूभाग का उपजाऊ होना है जिसके कारण अधिकांश जनसंख्या कृषि पर आश्रित थी बिहार में कृषि अर्थव्यवस्था होने के कारण नगरीकरण में वृद्धि दर कम रही है 2000 हजार ईस्वी में राज्य विभाजन के बाद नगरीकरण का स्तर कम हुआ है और कम हुआ है क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर तो लोग किस पर डिपेंड करते हैं भाई कृषि अर्थव्यवस्था पर जहाँ पर यहाँ के ज्यादा लोग डिपेंड करते हैं राज्य में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या में पटना त्यालीस दशमलव जीरो सात प्रतिशत और मुंगेर में सत्ताईस दशमलव सेवन नाइन प्रतिशत पाई जाती है बेगूसराय मुंगेर पूर्णिया और कटिहार को वर्ष 2000 में जबकि छपरा को अगस्त 2016 में नगर निगम का दर्जा प्रदान किया गया ठीक है बिहार में नगरीकरण का स्तर कम होने का अन्य कारण शिक्षा का स्तर निम्न होना गरीबी बेरोजगारी का स्तर निम्न होना उच्च होना खनिज संसाधनों की कमी है यही है भाई अब शिक्षा का स्तर निम्न है गरीबी बेरोजगारी का स्तर उच्च होना और खनिज संसाधनों की कमी है जिसके कारण नगरीकरण का स्तर जो है है वो बिहार में में अभी भी नीचे ही खनिज की कमी होने से क्या होगा औद्योगिक उद्यो, उद्यो, विकास ही नहीं होगा तो भाई हम नगर बनेंगे कैसे औद्योगिकरण ही नहीं हो पा रहा कहाँ चले गए हैं औद्योगिकी जो खनिज थे वो कहाँ चले गए मैक्सिमम झारखंड में चले गए अभी वर्तमान में तो 1901 ईस्वी में बिहार में मात्र 4.7% जनसंख्या नगरीय जनसंख्या थी जो 2011 में बढ़कर 11.29% हो गई है फिर भी बहुत इजाफा देखने को मिला है लेकिन अपेक्षा जो है अभी भी काफी अपेक्षाकृत काफी कम है 1921 ईस्वी तक बिहार में नगरीय वृद्धि दर 8.17 प्रतिशत प्रति दस साल तक रही थी जो बहुत कम है इसके कम होने के कारण क्या था? 1911 से 21 के दशक में वृद्धि दर 49 परसेंट तथा 1971 से 21 के दशक में 5.63 परसेंट थी। 1921 के बाद वृद्धि दर अत्यधिक तीव्र हो गई और 1931-32 के दशक में 22 प्रतिशत हो गई स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1970-71 के बीच जो है 1971-76 के बीच वृद्धि दर वृद और उन्नीस सौ के बीच जो रही है वो कितना हुआ है तिरपन दशमलव एक टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है कोई बात नहीं उन्नीस में बिहार में जनसंख्या का अनुपात बारह दशमलव सात दो था जबकि नगरीय जनसंख्या का अनुपात उन्नीस की जनगणना में जो था वो तेरह दशमलव वन सेवन प्रतिशत था उन्नीस सौ इक्यानवे के बाद इस अनुपात में गिरावट आई है 2001 की जनगणना में अब फिलहाल जो है याद रखना है आपको 2011 वाला ये बहुत मैंने आपको पीछे से बताया लेकिन मेन चीज जो याद रखना है वह 2011 uh, की जनगणना में नगरीय जनसंख्या ग्यारह दशमलव दो नाइन परसेंट और 2001 से 2011 के दशक में नगरीय जनसंख्या में वृद्धि दर पैतीस दशमलव एक सात प्रतिशत रही है ठीक है एक, एक प्रतिशत। राज्य में सर्वाधिक राज्य में सर्वाधिक आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या में वृद्धि बेगूसराय जिले में हुई 26.44 परसेंट इस तीव्र वृद्धि का कारण बहुत सारे औद्योगिक केंद्र की स्थापना है बेगूसराय के बाद पूर्वी चंपारण में उन्तीस दशमलव जीरो छब्बीस दो परसेंट नवादा में पचपन दशमलव सिक्स एट परसेंट नगरीय जनसंख्या में वृद्धि पिछले दशकों में हुई है ठीक है ये पूरा इफेक्ट वाला चैप्टर है पूरा इफेक्ट है इसमें बिहार में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बिहार में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है पंद्रह दशमलव नौ एक प्रतिशत सर्वाधिक जन अनुसूचित जाति एस वाला इलाका गया है जबकि न्यूनतम किशनगंज है अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात 925 है तथा साक्षरता दर काफी कम अट्ठाईस दशमलव पांच प्रतिशत है अनुसूचित जातियों में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला सिवान है जबकि न्यूनतम वाला भागलपुर है यह एस सी कैटेगरी के, के अंदर अगर हम लोग बात करें तो साक्षरता दर की दृष्टि से मुंगेर में साक्षरता दर सर्वाधिक बयालीस दशमलव छह प्रतिशत है जबकि सबसे कम शिवहर में सोलह दशमलव नौ प्रतिशत है साक्षरता दर में और वैसे आपको पता ही है तो इंडिविजुअल भी याद रखना है और ऐसे भी याद रखना है कि नॉर्मल में क्या है तो अनुसूचित जातियों की बात हो रही है शिवहर दरभंगा खगड़िया शेखपुरा और नालंदा जिले में अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है 2011 की जनगणना में के अनुसार बिहार में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 1.03% है और सर्वाधिक एसटी कहां पर है पश्चिमी चंपारण में 6.35% इसके बाद कटिहार में जमुई में बांका में पूर्णिया में तो ये याद रख लीजिएगा क्रम दो तीन भी तो याद हो जाएगा अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात राज्य में तथा साक्षरता दर कितना है अट्ठाईस दशमलव दो प्रतिशत है अट्ठाईस दशमलव दो प्रतिशत है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है एक हजार तिरसठ है जब तो से सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला नौ है अ, सबसे कम लिंगानुपात नौ वाला जिला कौन सा है पटना है ठीक है तो अनुसूचित जातियों का लिंगानुपात कितना है राज्य में नौ सौ अंठावन ये ध्यान में रखिएगा ठीक है और सबसे कम जो है लिंगानुपात किसका है गोपालगंज का सबसे अधिक है पटना का सात सौ छब्बीस है यहां पर नौ सौ अंठावन छूट गया है वो यहां लिखा गया है ठीक है नाइन फिफ्टी एट है राज्य में अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात जिसमें सबसे ज्यादा गोपालगंज में मैं क्लरिफाई कर दूं और सबसे कम पटना में बिहार में व्यापक धार्मिक विविधता पाई जाती है कुल जनसंख्या में 83.2 परसेंट हिंदू हैं 16.5 परसेंट मुस्लिम हैं और 0.1 परसेंट ईसाई हैं भारत की महापंजीयन और जनगणना आयुक्त ने वर्ष 2011 की धार्मिक जनगणना के आधार पर अगस्त 2015 में जारी किए हैं वर्ष 2001 से 2011 के बीच देश की जनसंख्या औसतन 17.7 प्रतिशत से बढ़कर 121.09 करोड़ हो गई है देश की जनसंख्या इसमें हिंदुओं की कुल जनसंख्या कितनी है छियानवे करोड़ जो देश की कुल जनसंख्या का कितना है 79.8 परसेंट परसेंटेज में एवं इसमें 0.7% की गिरावट दर्ज की गई है और जो मुस्लिमों की जनसंख्या है वो 17.22 करोड़ है जो जनसंख्या का 14.2% है और इसमें वृद्धि देखने को मिली है 0.8% की मतलब जितना यहाँ पर हिंदुओं में कमी हुई है देश में उतना मुस्लिमों में वृद्धि देखने को मिली है सतत विकास एवं आर्थिक समृद्धि हेतु किसी देश के संसाधन पर आप देखेंगे संसाधन एवं उस पर निर्भर जनसंख्या के मध्य एक वहनीय अनुपात होना आवश्यक है एक है और जनसंख्या है एक हजार तो बड़ा मुश्किल है विकास करना चाहे वो आर्थिक विकास हो चाहे वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो इसलिए क्या होता है जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में अनेक कदम जो है वो उठाए जाते हैं जिसमें देखिएगा परिवार नियोजन कार्यक्रम उन्नीस सौ राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा 1999 2070 ईस्वी तक जनसंख्या को स्थिरता प्रदान करना जनसंख्या नीति 2000 का हमारा लक्ष्य है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों की गुणवत्ता में सुधार लाना जनसंख्या नियंत्रण संबंधी कार्यक्रमों में महिलाओं की सबसे अधिक से अधिक भागीदारीता को सुनिश्चित करना बिहार में इसके लिए अनेक कार्य किए जा रहे हैं जैसे 2070 हजार ईस्वी तक जनसंख्या को स्थिर करने के लिए कुल प्रजनन दर जो टोटल फर्टिलिटी रेट है उसको 2.1 के स्तर पर लेकर आना है जिससे बिहार में भी जनसंख्या कंट्रोल हो सकेगा जिसके लिए गर्भ निरोधक साधनों की आपूर्ति एवं उनका प्रचार प्रभावशीलशाली जो है वो बनाना है तो गर्भ निरोधक जैसे कॉन्डम्स वगैरह का प्रयोग करना है जिससे क्या होगा फर्टिलिटी या फिर जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है वो थोड़ा कम हो सकेगा तो यहां तक हो गया मामला अब जो है हम लोगों को क्या देखना है अब हम लोगों को थोड़ा सा बिहार का बजट देख लेना है तो लास्ट में हम लोगों को अब बिहार का बजट देख लेना है जो मैंने स्टार्टिंग में वादा किया था वो पूरा किया क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि वीडियो में देखिएगा लिखा रहेगा कि एक वीडियो में सब कुछ कंप्लीट और कंप्लीट नहीं होगा लेकिन हमने जो जो वादा किया था उसको यहां पर पूरा करना हमारा एक महत्वपूर्ण लक्ष्य भी हो जाता है ठीक तो बजट भी देख लेते हैं क्या दिक्कत है थोड़ा सा और सही आधा घंटा बहुत सारा आंकड़ा है बजट में ध्यान दीजिएगा तो जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं तारकेश्वर प्रसाद उन्होंने बजट प्रेजेंट किया 2021 22 के लिए बजट बजट आगामी वित्त वर्ष के लिए होता है थोड़े घर का बजट कब बनता है घर खर्चा होने के बाद बजट बनता है क्या नहीं घर का होने के बाद नहीं खर्चा करने से पहले ही बजट बनाते हैं कि अगले महीने कितना खर्च करेंगे तो 2021 22 के लिए बजट पेश किया। तो इसका जो का है, दो लाख बजट हजार तीन सौ तीन करोड़ है अगर बात करें तो पिछले फाइनेंशियल ईयर जो 2020 21 में जो बजट पेश किया गया था उसके हिसाब से यह लगभग छह करोड़ ज्यादा है अधिक है और माना जाता है कि बिगेस्ट बजट में है बजट वाला बजट है ये बिगेस्ट बजट है सबसे बड़ा वृहत बजट है अगर हम लोग बिहार के संदर्भ में सोचें तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आप जानते ही हैं आर्टिकल 202 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो यह अधिकार देता है कि क्या अधिकार देता है कि भाई गवर्नर ऑफ ए स्टेट सेलकॉस्ट टू बी लीड बिफोर द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट मीन राज्य में जो है वो गवर्नर जो है वो बजट पेश करने में जो है वो परमिशन प्रदान करेगा तो ये आर्टिकल 202 है संवैधानिक प्रावधान है बजट को क्या कहा जाता है बजट को आपको पता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है मतलब क्या होता है कि वार्षिक वित्तीय विवरण एक वर्ष में कितना आएगा मतलब इनकम होगा और कितना जाएगा खर्च होगा इसका क्या होता है एक अनुमान या स्टेटमेंट होता है अनुमान होता है बेसिकली कि एक वर्ष में कितना पैसा आएगा और कितना पैसा जाएगा जैसे हम लोग बजट बनाते हैं घर का तो क्या सोचते हैं अगले महीने मेरे को कितना आने वाला है यहां से इतनी सैलरी आएगी वहां से थोड़ा रेंट आ जाएगा वहां से ये आ जाएगा और कितना जाएगा किसको किसको कित, क्या क्या, क्या गिफ्ट देना है सोना बाबू को क्या देना है अपने लिए क्या खरीदना है पापा मम्मी के लिए क्या खरीदना है तब बजट बनता है एक प्रॉपर ठीक है तो उसके लिए ये संवैधानिक प्रावधान है ठीक है। फिस्कल डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट का मतलब होता है राजकोषीय घाटा राजकोषीय घाटा मतलब सरकार को कितना उधार लेना पड़ा जब अर्थव्यवस्था पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा राजकोषीय घाटा होता क्या है आप मान के चलिए बोरिंग्स बाय द गवर्नमेंट सरकार राज्य सरकारों को कितना उधार लेना पड़ेगा अपने खर्च को पूरा करने के लिए जैसे मान लो कि मेरा आमंदनी है पचास पैसा मेरा खर्च हो गया एक रुपया तो पचास पैसा उधार लेंगे ना तो पचास पैसा मेरा घाटा है तो उस तरह से सरकार का भी घाटा होता है अगर खर्च ज्यादा हो जाए तो तो एस्टिमेट किया गया है क्योंकि भाई एस्टिमेट ही कर सकते हैं कि भाई अगले महीने मेरा इनकम कम है और खर्चा ज्यादा है तो ऐसे ही सरकार भी एस्टिमेट करती है कि इस फाइनेंशियल ईयर में जो है मेरा खर्चा ज़्यादा है मेरा इनकम थोड़ा सा हो सकता है कम हो तो क्या किया गया है, है? है? पांच सौ दस पॉइंट और जी है पी का, का दो दशमलव नौ सात प्रतिशत एक स्टेट का जीडीपी का एक अमाउंट निकलता है वो मान लेते हैं कि अगर हजार निकला लेटर सपोज और हमारा जो घाटा है वो सौ है तो कितना परसेंट हुआ हजार का सौ कितना परसेंट हुआ बताइए हजार का सौ कितना परसेंट हुआ ओके अब तो आप लोग तो कमेंट भी नहीं कर सकते तो सौ बटा हजार गुना सौ कर लीजिए देख लीजिए भैया कितना परसेंट है ठीक है तो मतलब दस परसेंट है तो क्या हो जाएगा कि जीडीपी एक हजार था सौ रुपए घाटा था तो दस परसेंट हो गया घाटा जीडीपी के हिसाब से सोचेंगे तो और इंक्रीज हुआ है बजट ये तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया छह करोड़ का अगर बात करते हैं तो एक्सपेंडिचर दो तरीके का होता है एक राजस्व व्यय होता है और एक पूंजीगत एक एक और पूंजीगत व्यय अभी आप जान के रखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है और एक रेवेन्यू इनकम होता है और कैपिटल इनकम होता है तो यहाँ पर जब एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं तो रुपीज एक लाख सतर हजार इकहत्तर पॉइंट तीन नाइन करोड़ जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जबकि कैपिटल अकाउंट एक्सपेंडिचर में कितना है भाई इकतालीस हजार दो सौ इकतीस दशमलव थ्री वन होना क्या चाहिए कि भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होना चाहिए सिद्धांत में जब आप पढ़ेंगे दोनों में डिफरेंस तो आपको वही समझ में आएगा मेरा भी एक वीडियो है फिजिकल पॉलिसी बाई बरुण लिखिएगा तो आ जाएगा अन पर टोटल रिसिप्ट कितना है भाई आने का आने का हिसाब कितना है जाने का तो देख लिया दो लाख अट्ठारह पांच सौ दो पॉइंट सेवन जीरो लाख करोड़ विच इनक्लूड जिसमें क्या है रेवेन्यू रिसिप्ट कितना है स्टेट का कैपिटल रिसिप्ट कितना है ये सब सब जोड़कर दो लाख अट्ठारह पांच सौ दो पॉइंट सेवन जीरो करोड़ आने का संभावना है और जाने का है एक लाख सतर हजार इकहत्तर पॉइंट उनचालीस पैसा और इधर इकतालीस हजार दो सौ इकतीस पॉइंट थ्री वन तो क्या रहेगा फिर देखा जाए तो यहाँ पर सेवेन्यू सेविंग होगी इतना रुपए जो है वो सरप्लस में ही जाएगा ठीक है क्योंकि एक्सपेंडिचर थोड़ा कम होगा हो सकता है तो ये रेवेन्यू सेविंग कितनी हो गई नौ हजार एक सौ पंचानवे दशमलव स्कीम है इसमें क्या है स्टेट गवर्नमेंट किसमें किस इंपेजाइज करेगी सामाजिक कल्याण में, में स्वास्थ्य में लोगों के स्वास्थ्य में महिलाओं की सुरक्षा में रोजगार जनरेशन में महिलाओं ए, मतलब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में निश्चय टू स्कीम में क्या है आप देखिएगा तो गुड गवर्नेंस इन बिहार निश्चय टू स्कीम में एलोकेशन कितना दिया गया है दो हजार में चार हजार छह सौ इकहत्तर करोड़ ठीक है एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर्स में आप देखिएगा देखिए इन दोनों स्कीम्स को आप पढ़िएगा सात निश्चय स्कीम क्योंकि स्कीम तो बड़ा निराम है लेकिन आप लोग इसमें स्कीम्स को एक बार पढ़ लीजिएगा नहीं तो बड़ा दिक्कत है स्कीम सीधा पूछता है भाई उसका ऑब्जेक्टिव सीधा पूछता है एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज में बताइए 33 3300 35.47 करोड़ जो है एलोकेट किया गया है जिसमें एग्रीकल्चर डेवलपमेंट में जिसमें जिस 50 करोड़ हर खेत तक सिंचाई के लिए एलोकेट किया गया है 50 करोड़ उसके बाद देखिएगा 300 करोड़ जो है इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के लिए 4074.38 करोड़ वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट को किया गया है ताकि जल का जो है जल संसाधन की पूर्ति बनी रहे पंद्रह सौ इकसठ दशमलव ऑफ गंगा रिवर ठीक है तेरह डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट में स्टेब्लिस किया जाएगा जो गंगा रिवर के किनारे हैं तो ये ऑर्गेनिक कॉरिडोर बनाया जाएगा जिससे हो सकता है कि भविष्य में ऑर्गेनिक जो फार्मिंग होती है उसको भी बढ़ावा मिले कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के लिए पंद्रह करोड़ दिया गया है मेडिकल और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें इसमें पूरा ही पैसे पैसा बात है तो मेरे को ये मत कहिए भैया सर मतलब आप ना पूरा पूरा हेल्थ मतलब आप खाली डेटा डेटा बता रहे हैं वो है ही पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में 400 करोड़ एलोकेट किया गया है बाल हृदय योजना बाल हृदय योजना के लिए कितना किया गया है भाई बाल हृदय योजना के लिए तीन करोड़ रुपए दिए गए हैं बाल हृदय योजना के लिए ठीक है अब आप पूछेगा कि बाल हृदय योजना क्या होता है यह भी बता देते हैं इसके इसके तहत क्या होता है बताइए तो जो भी बच्चों का हृदय में जन्मजात छेद हो जाता है उसके लिए ही आप देखिएगा तो बाल हृदय योजना है उनको जो है इसमें बेसिकली इसमें सपोर्ट किया जाता है सरकार के द्वारा उसके लिए 300 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है करोड़ हैज दस करोड़ फॉर द किसके लिए भाई ऑफ स्किल डेवलपमेंट और तो कौशल विकास के लिए उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए ताकि मेडिकल और इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज कॉलेज को बढ़ावा दिया जाए उसके लिए एक सौ दस करोड़ रुपए ठीक है इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम और स्पोर्ट्स एकेडमी बनाया जाएगा कहां पर राजगीर में ध्यान दीजिएगा ये नाम याद रखिएगा इस इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ बनाया जाएगा उसके बाद 200 करोड़ जो है इंटरप्रोनरशिप के लिए भी दिया गया है भाई उद्यमता को बढ़ावा देने के लिए 600 करोड़ महिलाओं के हायर एजुकेशन के लिए और 200 करोड़ महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए तो बेसिकली देखिए यहां पर फैक्ट अब इतना तो याद रहेगा नहीं लेकिन ये याद रखिएगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम और स्पोर्ट्स स्टेडियम जो है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी अकेडमी जो है वो कहाँ बनाई जा रही है तो वो बनाई जा रही है राजगृह में राजगीर में टोटल बजट एलोकेशन सोलह करोड़ है जिसमें 400 करोड़ एलोकेट किया गया है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए 250 करोड़ रूरल वर्क डिपार्टमेंट को 200 करोड़ कंस्ट्रक्शन ऑफ बाईपास एंड फ्लाईओवर अक्रॉस द स्टेट, उसके बाद हाउसिंग फॉर ऑल श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल वन मिशन के लिए सतर करोड़ एलोकेट किया गया है रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट विल बी इम्प्लीमेंटेड वो कहां पर रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट पटना में बेगूसराय में छपरा में भागलपुर में आरा में बक्सर में और हाजीपुर में पटना रेल के लिए भी जिसकी लंबाई 32.497 किलोमीटर है उसकी उसको भी कंप्लीट करने की बात की गई है 2024 तक और उसके लिए भी ग्यारह हजार करोड़ का एलोकेशन किया गया है 400 करोड़ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर पे किया गया है सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर की बात करें तो वृद्धों के लिए कितना नब्बे करोड़ उनके सामाजिक कल्याण के लिए सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में आठ करोड़ बैकवर्ड क्लास और एक्सट्रीम बैकवर्ड क्लास के लिए सत्रह करोड़ एस सी वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए 1803 करोड़ माइनॉरिटी के लिए पांच करोड़ लेबर में देखिएगा तो 550 करोड़ लेबर फोर्स को बढ़ावा देने के लिए जो है निश्चय टू स्कीम के तहत क्या किया गया है एलोकेट किया गया है महाबोधि कल्चर सेंटर जो है स्टेब्लिश किया जाएगा कहाँ पर बोध में कितना कॉस्ट का 145 करोड़ बुद्ध सम्यक दर्शन म्यूजियम जिसमें बुद्ध के जीवनी के, के बारे में जीवन के बारे में प्रकाश डाला जाएगा वो पटना में और एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी साइंस सिटी कहाँ बनाया जाएगा पटना में वैज्ञानिक चीजें आपको यहाँ पर कुछ देखने को मिलेगी राज्य पंचायत संसाधन केंद्र विल बी एस्टेब्लिस्ड इसमें पंचायत में जो चुनकर जाते हैं लोग उनको जो है ट्रेनिंग वगैरह प्रोवाइड कराया जाएगा पंचानवे करोड़ जो है एलोकेट किया जाएगा पंचायती राज डिपार्टमेंट को और लोहिया स्वच्छता योजना भाग दो के लिए 50 करोड़ जो है वो एलोकेट किया जाएगा तो ये सब बातें हैं कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोग देख लीजिएगा कि भाई एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी पटना में बनाया जा रहा है टोटल बजट ऑफ बिहार कितना है तो ये सब सवालों को देख लीजिएगा ठीक है? है तो ये है आज का हमारा एक प्रमुख क्लास जिसमें हम लोगों ने छे सात घंटों में पूरी सभी चीजों को समझने का प्रयास किया है अब अगर देखते हैं तो देखिए ये यूसेट स्कॉलरशिप टेस्ट है एग्जाम का डेट बढ़ गया है लेकिन फिर भी 12 दिसंबर को ये टेस्ट है उसमें 15 विनर को स्कॉलरशिप 50% परसेंट का मिलेगा दिसंबर 12 को ये एग्जाम है 67th बीपीएससी प्रीलिम्स सब्जेक्ट वाइज जो प्लस टेस्ट है वो वेडनेसडे 6 पीएम को होता है बिहार एसआई SI प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज एवरी वेडनेसडे 6 पीएम को होता है ये दोनों जो है प्लस टेस्ट सीरीज है फिर टारगेट 1110

बैच कोर्सेज में देखिएगा तो फाउंडेशन कोर्स है विजय बीपीएससी 8 दिसंबर से स्टार्ट है इन डेट 30th ऑफ जुलाई है 8 महीने का ये कोर्स है और बीपीएससी देखिए मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर है 24 महीने का लीजिए तीन महीने एक्स्ट्रा पाइए इसमें देखिएगा आप चार कोर्स है और एक ही सब्सक्रिप्शन लेना है इस सब्सक्रिप्शन के लिए आप मेरे कोड किसका इस्तेमाल कर सकते हैं BS13live का वरुण सिंह बी याद रखिएगा वरुण मतलब भैया बी मतलब बिहार एस टेन लाइफ का ठीक है तो उम्मीद है कि आज का सेशन आप लोगों को बढ़िया लगा होगा और आप लोग जो है वो समझ पाए होंगे जरूर कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा और आ, कहीं एक आध परसेंट कुछ एरर होगा ट, टाइपिंग वगैरह में तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं लेकिन Uh, कैसा लगा सेशन जरूर बताइएगा करंट अफेयर्स का भी बिहार का और नॉर्मल करंट अफेयर्स भी इसी प्रकार लाने का सोचा है और एक सेशन अर्थव्यवस्था पर तो धन्यवाद थैंक यू थैंक यू वेरी मच